A very, very good evening to all my lovely students. Good evening, Prabhat, Ayushman, Imagine of Ideal India, AJS, Maggu, Sheikh, Sonu, PWNs, Varinda, everybody. क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? गुंजन, देव्या, मुबासिर, नाजनीन, श्वेता, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप या येस भेज दीजिए ताकि आज के अमेजिंग वन शॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम शुरू कर सके. हेलो हेलो वैभव, हेलो लवली कुमारी, राधे राधे दिव्या, प्रियांशी, डॉक्टर एमडी, अफान, अयांता, वृंदा, अल्ताफ, एवरीवन. स्टूडेंट्स जो नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ, ये वन शॉट है. दिस इज नॉट लेक्चर नंबर वन, दिस इज वन शॉट, वन शॉट. और जैसा आप सबने कहा था, देखो मैंने पीपीटी भी ब्लैक करवा दी है, ठीक है. सो हम वन शॉट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इस सीरीज के अंडर जिसका नाम है नीटूज यानी PWE2s, जो आपके साथ नीट तक बना रहेगा. आपको डॉक्टर बनाकर ही हम दम लेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वन शॉट में द लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी इसी चैनल पर अवेलेबल है. मैं एक बार फटाफट से रूल्स बता देती हूँ. हम आज इस चैप्टर को वन शॉट में बेसिक से, आई रिपीट बेसिक से समझते हुए खत्म करेंगे. मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिएगा. मेरा आपसे वादा है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ना गलत होगा नीट के अंदर. पर आपको मेरे साथ पूरा टाइम बना रहना है. जैसे मैं अपने छोटे छोटे बॉक्स लाई हूं, ऐसे आप मखाने, पानी की बॉटल अपने साथ रखिए या कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ खाने के लिए, लेकिन क्लास से भागना नहीं है. हिम्मत नहीं हारेंगे अपन, ठीक है. अगर आप सब मेरे साथ तैयार हैं तो मुझे एक बार येस या थम्स अप भेज दीजिए या फायर का साइन भेज दीजिए, अपनी आग अंदर की जो नीट तक हमें जलाकर रखनी है. अब वन शॉट में हम सब कुछ पढ़ेंगे. जो स्टूडेंट्स बना सकते हैं वो मेरे साथ साथ मैं सब फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, वो बनाइएगा. जो नहीं बना सकते हैं वो इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाएगा, लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं. डन, यस वी आर रेडी. अब स्टूडेंट्स मैं आपसे वादा करती हूं इस चैप्टर की एनसीईआरटी के पूरे पूरे पैराग्राफ को मैं आपको एक एक लाइन की ट्रिक से लर्न कराऊंगी, पर पहले समझाऊंगी और समझाने के बाद एक सेंटेंस में डायनोफ्लैजिलेट खत्म. एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की, डायनोफ्लैजिलेट खत्म. छोटी सी कहानी 2 मिनट की, क्राइजोफाइटा खत्म. छोटी सी कहानी एक सेंटेंस, स्लाइम मोल्ड खत्म. समझेंगे और उसके बाद ऐसे खत्म करेंगे, हम यूं खत्म करेंगे. फंजाई के एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पर हो जाएंगे, मेरी आपसे गारंटी है. आपको मजे आ जाएंगे, बस मेरे साथ पूरा टाइम बने रहिएगा. चलिए आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब इस चैप्टर के नाम में, अच्छा इसका नीट में वेटेज 3 to 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं स्टूडेंट्स. कितने भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं. हो सकता है इस साल 7 क्वेश्चन आ जाएं या 3 क्वेश्चन आ जाएं. 3 to 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए. हम इसमें सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की. हमारे यहाँ स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो होता है, तो हम एक एक करके सारे किंगडम पढ़ेंगे. हम मोनेरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम प्रोटेस्टा डिटेल में पढ़ेंगे, हम फंजाई डिटेल में पढ़ेंगे. प्लांटी और एनिमेलिया के अलग से सेपरेट चैप्टर्स हैं. प्लांट किंगडम की क्लास मैं फ्राइडे को लेने वाली हूँ, एनिमल किंगडम की क्लास जूलॉजी में आपकी ली जाएगी. लेकिन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ इस चैप्टर में लिखे हैं, उन चैप्टर्स में नहीं लिखे, उसे भी हम कवर करेंगे. इसके बाद हम आएंगे लाइकन्स पर, थोड़ी सी बात इसकी करेंगे. फिर हम बात करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स. तो आज की क्लास में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है. ऑलराइट, गुड इवनिंग शुभम, आशुतोष. यस, आरआरसी रैपिड रिवीजन कोर्स में भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूं मैं. यस, नोट्स में सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा. परसों बायोलॉजी का पेपर है अनमोल, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट. यस चलिए आइए स्टूडेंट्स, मुझे सिमरन ने बिल्कुल याद दिलाया है, मुझे याद है हम अपनी क्लास हमेशा आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं. आइए हम आशीर्वाद लेते हैं अपनी मैया का, यानी हमारी बायोलॉजी मैया का. एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाओ, बायोलॉजी मैया की जय, बायोलॉजी मैया की जय. डन, चलिए आइए. यस, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आज, नहीं होगा आज, नहीं होगा आज, एक ही चैप्टर कंप्लीट होगा. पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? चल आइए फ्लो चार्ट बनाते हैं. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, किसी भी चीज को चीजों हिस्सों में बांटना. जैसे मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में भी बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि हम जब बाजार जाके बिग बाजार, रिलायंस, कहीं से सामान लेकर आते हैं तो हम घर आके सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हम सबसे पहले किचन का सामान किचन में डाला, वॉशरूम का सामान वॉशरूम के एरिया में दिया, स्टडी का सामान स्टडी के लिए रखा, अलग अलग फटाफट वर्गीकृत करते हैं। फ्रिज का सामान फ्रिज में रख दिया जो खराब होने वाला है। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि आसानी हो जब चीजें ढूंढनी हो। ऐसा नहीं पापा पेन मंगाए और पूरा सामान पड़ा है, उसमें तेल भी है, सब्जी भी और पेन ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा ग्रुप्स में। ये काम हमेशा से होता आ रहा है। यानी प्लीज लिखिए मेरे साथ, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन तो है पर साइंटिफिक आधार नहीं था, नॉट साइंटिफिक। वो किस आधार पे करते थे स्टूडेंट्स? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। अगर कोई चीज घर बनाने के काम आ रही है तो एक ग्रुप में डाल दो, कपड़ों में काम आ रही है एक ग्रुप में डाल दो, खाने में काम आ रही है एक ग्रुप में डाल दो, बस। इट वाज वेरी वेरी अनसाइंटिफिक। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, शेड्यूल वीकली आ जाता है। इस वीक का शेड्यूल ऑलरेडी मंडे को, संडे को ही पोस्ट हो गया था इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन, कमेंट, कम्युनिटी पोस्ट पे। डन। चल, हम बहुत ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, चिट चैटिंग, अभी हमें पढ़ाई करनी है। अब पहली बार फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो दिया हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी जनक जी। ओके, कोई बात नहीं है, थैंक यू। चलिए, सो फादर ऑफ बायोलॉजी ने दिया। बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? देखो बायोलॉजी में आता है बॉटनी, जुलॉजी। बॉटनी जुलॉजी टोटल, यानी एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, याद रखने का तरीका, बॉटनी जुलॉजी टोटल यानी एरिस्टोटल। डन। अब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एक एक कैरेक्टर पर आधारित था। जैसे इन्होंने क्या किया था, बनाइए मेरे साथ, इन्होंने पेड़ों को 3 ग्रुप्स में बांटा, उनकी हैबिट के आधार पर। दिखते कैसे हैं? अगर छोटा सा पौधा है तो उन्होंने हर्ब कह दिया, अगर थोड़ी बड़ी झाड़ी है तो श्रब कह दिया, और अगर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं तो ट्री कह दिया। हर्ब, श्रब और ट्री, इस आधार पर एरिस्टोटल ने पहली बार एक साइंटिफिक कैरेक्टर को लेकर क्लासिफिकेशन दिया। नाउ दूसरी तरफ उन्होंने जानवरों में ये बोला, एनिमल्स में, कि उसका खून रेड है या नहीं है, यानी अगर खून लाल है तो ई नाइमा, और अगर नहीं है, एब्सेंट है, लाल खून नहीं है, एब्सेंट है, तो ए नाइमा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, खून लाल तो केचुए का भी होता है, अर्थवर्म तो एनेलिडा में आता है, हम इंसान कॉर्डेटा में आते हैं, हमारा खून लाल, केचुए का खून लाल, तो हम दोनों को एक ग्रुप में थोड़ी ना डाल दोगे। तो ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। इसकी डिटेल्स प्लांट किंगडम में सिखाऊंगी आपको। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आर्टिफिशियल फूल अच्छा होता है प्लास्टिक का, कागज का, या नेचुरल फूल मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो। नेचुरली आर्टिफिशियल फूल ज्यादा अच्छा नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक फूल अच्छा है। ऐसे ही नेचुरल सिस्टम अच्छा होगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने 2 किंगडम नहीं बनाए, इन्होंने बस पेड़ों को और जानवरों को ऐसे बांट दिया था। पहली बार साइंटिफिक दिया था, पहली बार किंगडम 2 शब्द यूज करे लीनियस ने। लास्ट क्लास में पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, याद है मैंने याद कराया था। टैक्सी, टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सी, और टैक्सी में चलती है कार, यानी कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जिन्होंने, और क्या दिया था लिखकर भेजिए मुझे, कैरोलस लीनियस का लिविंग वर्ल्ड में और क्या कंट्रीब्यूशन पड़ा है, फटाफट से लिख के भेजो मुझे। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। मैं देखूं आपके चैट्स में आंसर आ भी रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई। सबसे पहले देखें किसका आंसर आता है। यस, वेरी गुड, वरिंदा ने सबसे पहले आंसर दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वो भी कैरोलस लीनियस ने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जितने भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा देखो भाई, अगर सेल वॉल होगी तो प्लांट में डाल दो, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल में डाल दो। यानी इन्होंने पहली बार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लीनियस। और वो दो किंगडम्स इन्होंने क्या क्या बनाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इन्होंने कैरेक्टर क्या चूज करा था, सेल वॉल की प्रेजेंस है या नहीं है। अब इस आधार पे देखो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, भले ही पेप्टाइडोग्लाइकन की है। प्रोटेस्टा में कुछ मेंबर्स में होती है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट में है, डायएटम्स में है, पर स्लाइम मोल्ड में नहीं है। पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ में नहीं है। फंजाई में है, भले ही काइटिन की है पर है। प्लांट्स में तो है ही और एनिमल्स में नहीं है। यानी इस हिसाब से बैक्टीरिया प्लांटी किंगडम में चला गया, प्रोटोजोआ इधर आ गया, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, डेस्मिड्स यानी क्राइजोफाइटा इधर आ गया, फंजाई इधर आ गए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स तो आए ही इधर, इधर प्रोटोजोआ आ गया और एनिमल्स तो आए ही। ऐसे करके दो किंगडम बना दिए। अब एक मजेदार चीज देखो आप, यहां पर प्लांट किंगडम के अंदर बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स आ रहे हैं जो सिंगल सेल्ड है, और फंजाई और प्लांट्स आ रहे हैं जो मल्टी सेल्यूलर है। उसमें भी यीस्ट आ रहा है जो यूनिसेल्यूलर फंजाई है। यानी इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी ये थी स्टूडेंट्स की इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, डायरेक्ट पीवाईक्यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। इवन यहां देखो, प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर है, एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है। एनसीईआरटी ने यहां एग्जांपल दिया हुआ है, इधर दिया है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गा होता है, पर अब क्योंकि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, इसे प्रोटेस्टा में प्लेस कर दिया है। और मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस स्पाइरोगायरा, ये भी एक ग्रीन एल्गा है। ऐसे बनाते हैं ना स्पाइरोगायरा, याद आया, ऐसे रिबन शेप के, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, याद आ रहा है। चलो, सो स्पाइरोगायरा और क्लमाइडोमोनास इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर दिया, जबकि ये ना इंसाफ है भाई, आप एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्यूलर के साथ कैसे रख सकते हो। दूसरी कमी इसकी देखो क्या है, इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वो सब आ जाएंगे क्योंकि इनमें सेल वॉल है, पर ये तो प्रोकैरियोटिक हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे। प्रोकैरियोट में मीजोजोम्स होंगे, पॉलीजोम्स होंगे, यानी बहुत डिफरेंस है यूकैरियोट से। सो डिड नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अदर यूकैरियोटिक के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं है, एक ही किंगडम में प्रोकैरियोट भी है, यूकैरियोट भी। और तीसरा, इसमें फंजाई भी आ रहा है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफिक, और इसमें पेड़ भी आ रहे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बैक्टीरिया कुछ खुद बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बीच में भी कोई डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन नहीं है। एनसीईआरटी ने हेटरोट्रॉफिक में एग्जाम्पल लिखा है फंजाई का, और ऑटोट्रॉफिक में एग्जाम्पल लिखा है ग्रीन प्लांट्स का। ये इसकी लिमिटेशन है, ये कमी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये वैसी बात है कि मैंने दो क्लास बना दी, लड़कों की और लड़की की। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि जेई के स्टूडेंट कौन है, नीट के स्टूडेंट कौन है। दोनों बेचारे एक साथ पढ़ रहे हैं, बायो की क्लास भी दोनों की लग रही है, मैथ्स की क्लास भी दोनों की लग रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। ये सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। इतना सबको क्लियर है? रेजोनेंस, मुनांजा, स्टूडेंट हेल्पलाइन, अब्बू स्कैम, इज इट क्लियर? अतुल, सिमरन, वरिंदा, ठीक है। नाउ अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसको स्टडी कर रहे थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्न्स्ट हेकल। उन्हें ये बात बड़ी खटकी, उन्होंने कहा यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप यूनिसेल्यूलर को मल्टी सेल्यूलर के साथ कैसे रख सकते हो। उन्होंने कहा इसमें जितने भी यूनिसेल्यूलर हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, डायनोफ्लैजिलेट्स हो, डायएटम्स हो, सबको उठाओ और डालो एक अलग नए किंगडम में और बनाओ तीसरा किंगडम, यानी बनाओ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये काम किया था अर्न्स्ट हेकल ने। अर्न्स्ट हेकल, ये वही अर्न्स्ट हेकल हैं जो इवोल्यूशन चैप्टर में भी आते हैं, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन में, बॉटनी में पढ़ाएंगे। तो इन्होंने तीन किंगडम बनाए, प्लांटी तो पहले से ही था, एनिमेलिया पहले से ही था, और तीसरा इन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें इन्होंने इन दोनों के सारे सिंगल सेल डाल दिए। इन्होंने कहा हमें मतलब नहीं है, सेल वॉल है नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो इसमें डाल देंगे। यानी प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने ऑल यूनिसेल्यूलर डाल दिए सारे और थ्री किंगडम बना दिया। अच्छा, एक फर्क और था यहां पर, प्लांट की सेल, प्लांट में भी सेल वॉल है, फंजाई में भी सेल वॉल है, पर फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। तो भले ही दोनों में सेल्यूलोज है, लेकिन भले ही दोनों में सेल वॉल है, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है। ये भी एक गड़बड़ थी। डन। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपलैंड। ये नाम नहीं भी याद करोगे ना चलेगा, टू किंगडम आना चाहिए लेकिन एक एक शब्द आना चाहिए। ये इस प्रोटिस्टा को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने देखा कि यार इसके अंदर बैक्टीरिया भी डाला है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी डाला है जो प्रोकैरियोटिक है, और इसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, प्रोटोजोआ इधर से उठा के स्लाइम मोल्ड वो सब भी डाला है जो यूकैरियोटिक है। उन्होंने कहा बड़ी ना इंसाफी है रे, ऐसा नहीं चलेगा, उठाओ सारे प्रोकैरियोट्स और डालो एक अलग किंगडम में। यानी इन्होंने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। इन्होंने क्या ग्रुप्स बनाए? इन्होंने बोला प्लांटी तो है ही, एनिमेलिया तो है ही, प्रोटिस्टा तो है ही, मैं बनाऊंगा चौथा मोनेरा। एक्चुअली इन्होंने माइकोटा वर्ड कहा था, फिर बाद में डोहर्टी और एलन ने उसे बदल के मोनेरा कर दिया था। इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना है। यानी मोनेरा में इन्होंने ऑल प्रोकैरियोट्स घुसा दिए। अब ध्यान से सुनना मेरे डियर स्टूडेंट्स, नीट का फेवरेट पीवाईक्यू है ये। एक तो ये पीवाईक्यू हो गया। अगर सारे यूनिसेल्यूलर में से प्रोकैरियोट को मोनेरा में डाल दिया तो प्रोटिस्टा में क्या बचा? वो सारे यूनिसेल्यूलर जो यूकैरियोटिक है, सो ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स इसमें डाल दिए गए। अब बना ये पीवाईक्यू। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स तो होते ही यूनिसेल्यूलर हैं। यानी मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर, फंजाई एल्गी, फंजाई एनिमेलिया और प्लांटी में मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। अभी बने नहीं है फंजाई। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, वो इस प्लांट किंगडम को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कहा यार प्लांट किंगडम के अंदर पेड़ भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फंजाई भी है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट्स भी हैं जो सेल्यूलोज की सेल वॉल रखते हैं, और फंजाई है जिसमें काइटिन की सेल वॉल है। तो उन्होंने कहा ये फंजाई का क्या करें? फंजाई को एनिमल में डाल नहीं सकते क्योंकि सेल वॉल है उसमें और एनिमल में होती नहीं है। प्रोटिस्टा में डाल नहीं सकते क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है यीस्ट को छोड़ के। मोनेरा में डाल नहीं सकते क्योंकि यूकैरियोटिक है। प्लांट में रख नहीं सकते क्योंकि ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं है। उन्होंने कहा उठाओ और बनाओ पांचवा किंगडम। तो लास्ट किंगडम जो बना, फिफ्थ किंगडम, वो फंजाई बना था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमारे प्यारे आर.एच. विटेकर ने। अब ये नाम आपकी टिप्स पर होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उन्होंने दिया था 1969 में। कैसे याद करूंगी देखो, 1969 याद करने का तरीका बताऊं? 9 लिखा, 6 लिखा उल्टा, फिर 9 लिखा। मूवीज में देखते हो ना, वो हीरो के रूम के बाहर 9 होता है, वो टिंग उल्टा हो जाता है तो 6 बन जाता है। 9 6 9। डन, ठीक है। अब यार आप लोग, कोई बोलता है ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाओ, पिछली क्लास में आपने इतनी मैसेजिंग करी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओ, अब छोड़ो, अब आप पढ़ लो, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी अब बन गए फाइव किंगडम्स। कौन कौन से फाइव किंगडम बन गए? चलिए, प्लांटी पहले से ही है, एनिमेलिया पहले से ही है, प्रोटिस्टा पहले से ही है, मोनेरा पहले से ही है, और अब बन गया फंजाई। फिफ्थ किंगडम बना था फंजाई। इतना क्लियर हो गया। यही पूरी दुनिया में फॉलो भी किया जाता है। अब आर.एच. विटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया लिए, इस पे पीवाईक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार पीवाईक्यू आया था, एक बार बच्चों के होश उड़ गए थे। मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगी इस सीरीज में। आज की क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। चलिए, अब क्राइटेरिया क्या यूज करा था, इसकी ट्रिक है। ट्रिक लिखो सब लोग, री, चलो मैं यहां लिख देती हूँ, अपने को ईजी हो जाएगा। ट्रिक लिखो मेरे साथ, री CPMT। सेंट्रल पीएमटी जिसे अब एआईपीएमटी अब नीट कहते हैं, सेंट्रल पीएमटी दोबारा कंडक्ट हुआ जैसे 2015-16 में हुआ था। सो रिपीट हुआ री सीपीएमटी। ठीक है, अब री का मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल कैसा, सी का मतलब सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, कैसा सेल का स्ट्रक्चर है। टी का मतलब है थैलस, एनसीईआरटी ने ये वर्ड नहीं लिखा, एनसीईआरटी लिखती है थैलस मतलब बॉडी कैसी है, बॉडी मतलब यूनिसेल्यूलर है मल्टी सेल्यूलर है, कैसी बॉडी बनी हुई है, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर कैसी। नाउ एम से है खाना कैसे बनाते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद बनाते हैं दूसरों से खाते हैं क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पी से है कौन किससे उत्पन्न हुआ है, पाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो आपको टिप्स पर करवा रही हूं। याद है सबको, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं तो एक बार थम्स अप दे दो। क्लास छोड़ के नहीं भागना है स्टूडेंट्स, डू और डाई टाइम है, आखिरी का ऑलमोस्ट 1.5 महीना है अपने पास में, एक एक दिन प्रेशियस है। आज मैं आपको ऐसा लर्न करा दूंगी कि ये चैप्टर नीट तक उठाना नहीं पड़ेगा आपको, आखिरी के 1 हफ्ते में उठाना, केवल 1 तारीख से जब फाइनल रिवीजन करेंगे अपन। डन, चल। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, इस पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन बना है अभी आपको बताऊंगी, ये सब PYQs हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो इस मोनेरा को स्टडी कर रहे थे, मोनेरा। उन्होंने देखा कि मोनेरा में बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो खौलते हुए लावा में रहते हैं, जो खतरनाक एसिडिटी में रहते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो भी रहते, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स बैक्टीरिया जैसे हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे, पर बहुत सारे कैरेक्टर यूकैरियोट जैसे भी। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन्होंने कहा तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, आप इसको मोनेरा में मत डालो। मैं मानता हूं यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है और ये चारों यूकैरियोटिक है, लेकिन मोनेरा में तो मैं नहीं डालने दूंगा, मैं इसका एक अलग किंगडम बनाऊंगा। यानी बना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूज, कार्ल वूज। 6 किंगडम बनाए इन्होंने, प्लांटी तो था ही, एनिमेलिया था ही, प्रोटेस्टा था ही, मोनेरा था ही, ठीक है, फंजाई था ही, इन्होंने बना दिया आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। हालांकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मानते हैं तो हम आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा में ही मानेंगे। इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने इन 6 किंगडम को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन्स, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था, किंगडम से बड़ी यूनिट है डोमेन। 3 डोमेन्स में से एक डोमेन बना आर्की, जिसमें आर्की बैक्टीरिया रखा, एक बना यू बैक्टीरिया जिसमें सारे नॉर्मल वाले बैक्टीरिया रखे, और एक बना यू कैरिया जिसमें यू कैरिया सारे यू कैरियोट्स रखे। आर्की बैक्टीरिया किंगडम इसमें आ गया, मोनेरा इसमें आ गया, और यू कैरियोटिक 4 किंगडम में ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर वाले प्रोटेस्टा में, बाकी फंजाई प्लांटी एनिमेलिया इसमें आ गया। तो 6 किंगडम को 3 डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, डाउट्स का क्या करें? कुमार प्रिंटर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, अभी भी आपको बता देती हूं, मैं आपको अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। डन, फटाफट 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 से, कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़कर भागना नहीं है, एक भी स्टूडेंट भाग तो नहीं रहा है क्लास छोड़ के। चलो, सो ये पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर दी, और जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है वो भी हमने पढ़ लिया, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। अब सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, करो सब एनसीईआरटी ओपन एवरीबॉडी, बहुत मजेदार क्वेश्चन बताने वाली हूं आपको, करिए एनसीईआरटी ओपन सब। अब देखो, ध्यान से देखिए, यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सेल टाइप यानी सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और खाना कैसे बनाते हैं या खाते हैं। ठीक है, अब मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आएंगे, बाकी चारों में यूकैरियोटिक, मार्क करते जाओ फटाफट से। सेल वॉल एनिमल में तो होती ही नहीं है, प्लांटी में होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, फंजाई में होती है काइटिन की बनी हुई। यहां ये लिखा है, पर जहां फंजाई किंगडम पढ़ाऊंगी वहां एनसीईआरटी ने लिखा है काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड, ऐसा लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में ही लिखा है फंजाई किंगडम में। अब इसकी मजेदार बात समझो, काइटिन भी तो एक पॉलीसेकेराइड है। काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन सारे होमोपॉलीसेकेराइड है। ये कहना चाह रहे हैं कि काइटिन के अलावा थोड़ा बहुत सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, अदर पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। तो इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना। नाउ इनमें कुछ में होती है प्रेजेंट, कुछ में नहीं। अगर होती है तो नॉर्मल सेल्यूलोज की बनी होगी, पर जैसे प्रोटोजोआ उनमें नहीं भी होती है। तो सब में प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट, सब में एब्सेंट, कुछ में प्रेजेंट। नाउ इनमें सब में मिलती है पर एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ में एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा। और अगर होती भी है जो इसके अलावा सेल्यूलोज की नहीं बनी है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन जिसे म्यूरीन भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड में बनते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड, और ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब शुगर्स, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। इज इट क्लियर? ठीक है शुभम, संतोष, किस्मत, विशाल, वरिंदा, गौरव, पॉजिटिव वाइफ, श्रवण, एवरीबडी एवरीबडी। चलो फटाफट फटाफट, हिम्मत नहीं हारनी है, 1.5 महीना है, आज ऐसी पढ़ाई करनी है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूं हाथ में आ जाए। मैं भी बिल्कुल कमर कस के आई हूं। देखो आज सुबह 7 बजे से मेरी क्लासेस थी ऑफलाइन में, फिर भी मैं फुल जोश में हूं। तो ऐसे ही आपको फुल जोश में रहना है, अपना तो करियर बनना है ना, आपका तो करियर बनना है, पूरी लाइफ बननी है, ऐसे कैसे हिम्मत हारेंगे अपन। चलिए नाउ बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोट है तो इसमें एब्सेंट होगी, ये यूकैरियोट है तो सब में प्रेजेंट होगी, तो कोई बड़ी तोप नहीं, हमको पता ही है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सेल का बना है, ये एक सेल का बना है, यानी सेल्यूलर, ये सारे मल्टी सेल्यूलर है। अब देखो फंजाई में मैं पढ़ाऊंगी लूज सा टिश्यू रहता है, ऑर्गन नहीं बनता। पेड़ में टिश्यू बनके ऑर्गन बनता है, रूट, स्टेम, लीफ ऑर्गन है, और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। सो मल्टी सेल्यूलर तीनों हैं। यहाँ टिश्यू है, यहाँ टिश्यू के साथ ऑर्गन बन गया, यहाँ टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। डन, बहुत बढ़िया, आप साथ में ही नोट्स बना लेते हो नितिश, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो अब मजेदार एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है, आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। जानवरों तो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में अगर मरे हुए डेड से खाना लेते हैं, खींचते हैं, तो उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं एनिमल्स। और होलोजोइक का मतलब समझते हो, मैं बेसिक बताती हूँ। होलो मतलब पूरा का पूरा, होल, और जोआ मतलब एनिमल, एनिमल की तरह खाना खाना। एनिमल कैसे खाता है, आप खाना कैसे खाते हो, मैं कैसे खाती हूँ। अपन पहले पिज्जा पे एंजाइम डाल के उसे गला के फिर सक करते हैं, या पहले पिज्जा खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं? बोलिए, पहले पचाना फिर खाना या पहले खाना फिर पचाना? हम पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है स्टूडेंट इंजेशन ऑफ फूड, पहले फूड बॉडी के अंदर लेंगे एंड देन डाइजेशन, फिर उसे पचाएंगे, देन डाइजेशन। डन, सबको क्लियर हो गया है? चलिए अब पेड़ सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ये पूरी तरह सत्य बात नहीं है। आइए यही लिख लेते हैं, सबको लिखना है मेरे साथ साथ। कुछ इंसेक्टिवोरस पेड़ हैं, इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोरस पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन है, पत्तियां हैं, लेकिन इंसेक्ट्स भी खाते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक हैं पर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रही हूं स्टूडेंट्स, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है, खाना खुद भी बनाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं। इंसेक्ट्स खाते हैं ताकि अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। यहां पर आइए हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एक तो हमारा नेपेंथिस खासियाना, जिसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी में बना के दिखाऊंगी आपको, घड़े जैसा पिक्चर प्लांट। ब्लैडरवर्ट, ये एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और एक जो नहीं दिया है, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब इंसेक्टिवोरस है। यही नहीं स्टूडेंट्स, एक ऐसा भी है सेटो सक्सेस। आप आरआरसी बैच ज्वाइन करे हुए हो भाई, अगर आप आरआरसी कर रहे हो, अगर आपको 4 क्लासेस आरआरसी की करने के बाद 1 शॉट का टाइम मिल रहा है तो देखो, वरना पहले अपनी आरआरसी की रेगुलर बैच की क्लासेस को ज्वाइन करिए। राइट नाउ, हाँ बिल्कुल अल्ताफ, डोंट इमेजिन सैप्रोफिटिक मोड हमारे अंदर बड़ा खतरनाक है। नाउ इंसेक्टिवोरस के अलावा एक पैरासिटिक पेड़ भी होता है, पैरासिटिक, कौन सा होता है मालूम है? पैरासिटिक अमरबेल कस्क्यूटा। ये इंपॉर्टेंट है सब, ये इकोलॉजी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, पैरासिटिज्म के अंदर। सो पैरासिटिक पेड़ भी होता है। डन। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल शकीरा आइएगा मुझसे मिलने के लिए। अब फंजाई तो सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, सारे फंजाई वही खाते हैं। पहले डेड ऑर्गेनिज्म पे एंजाइम डालते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट उसे सिंपल में तोड़ते हैं जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड, फिर उसके और टुकड़े कर देते हैं इनऑर्गेनिक में और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए सैप्रोफिटिक को ऑस्मोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, हम अभी सब बात करेंगे। यानी सैप्रोफिटिक का मतलब है एब्जॉर्ब, ये एनसीईआरटी की लाइन है फंजाई के अंदर इसी चैप्टर में। एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, मरे हुए में एंजाइम डाल के उसे गला के डाइजेस्ट करके और फिर सक करते हैं। ज्यादातर फंजाई ऐसे ही डिकम्पोजर्स होते हैं। राइट नाउ अब आते हैं, देखो मेजरली हेट्रोट्रॉफिक कहलाया जाएगा, ऑटोट्रॉफिक कहलाया जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक कहलाया जाएगा। कुछ अपवाद हैं उसकी बात अलग है। अब इन दोनों ग्रुप्स में ऑटोट्रॉफिज्म भी है हेट्रोट्रॉफिज्म भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है हेट्रोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है हेट्रोट्रॉफिक भी है। अब ध्यान से समझना, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाना, खाना तो हम भी खुद बनाते हैं किचन में, उसे ऑटोट्रॉफिज्म नहीं बोलते डियर स्टूडेंट्स। हम खाना बनाते हैं, जैसे हमने सब्जी बनाई, हमने आलू की सब्जी बनाई, आलू ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर इनऑर्गेनिक CO2 वाटर से ऑर्गेनिक बन रहा है उसे खुद खाना बनाना बोलते हैं। अगर सन की एनर्जी यूज करेंगे तो फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और कोई केमिकल रिएक्शन की एनर्जी यूज करेंगे तो कीमोसिंथेटिक। तो बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक भी है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी है, जबकि प्रोटिस्टा कीमो नहीं होता, केवल फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। पेड़ भी केवल फोटो ऑटोट्रॉफिक है। ध्यान रखना कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, कीमोसिंथेसिस केवल मोनेरन्स करते हैं। क्लियर है सबको? यस यस सेटो सक्सेस, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है। नाउ हेट्रोट्रॉफिज्म में ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, वही डेड को खाना, पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये भी सब कुछ हो सकते हैं, होलोजोइक भी होते हैं। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स कि मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, लिखो PYQ है ये, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? देखो ये तो एनिमल हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट ऑटोट्रॉफिक, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक, ये दोनों ऑटो और हेट्रो यानी कंपटीशन इन्हीं में से होगा। अब इसमें फोटोसिंथेसिस है और हेट्रोट्रॉफिक्स है, ये हेट्रोट्रॉफिक है बिल्कुल, दोनों सेम हो सकते हैं, पर फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस भी है, यानी इसका आंसर था मोनेरा, मोनेरा PYQ। एक और बड़ा मजेदार PYQ आया था, सब लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, फुल कॉन्सेंट्रेशन से। एक बार क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर, नॉट यूज्ड। वहां पे 4 ऑप्शंस थे जिनमें से 3 ऑप्शन यहां पे से थे और एक ऑप्शन रिप्रोडक्शन था। अब ध्यान से सुनना भाई, ये लिख लेना सब लोग। रिप्रोडक्शन वैसे तो क्राइटेरिया है, हमने अभी अभी बात की कि रिप्रोडक्शन बिल्कुल क्राइटेरिया है रीसीपीएमटी, पर क्योंकि इस टेबल में रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ और बाकी 3 यहां भी लिखे और टेबल में भी लिखे हैं, इसीलिए उसका आंसर रिप्रोडक्शन हो गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं था, उलझलूल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने। पर एनटीए मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल बॉडी इन द होल यूनिवर्स, यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। डन, इज इट क्लियर एवरीबडी? सबको समझ में आ गया? एजेएस मग्गो, डॉक्टर MD, बायोलॉजी सिंप्लीफाइड, रागिनी, परवेज, ऋतिक। डन, यस क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, बिल्कुल रोहित। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। लिखिए किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। चलो आइए करें शुरू। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? देखो नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सब हो जाएगा, और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, यानी कुल मिला के बैक्टीरिया आते हैं। सो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर्स हैं, इकलौते मेंबर्स बैक्टीरिया हैं, चाहे वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो। अब नेचुरली स्टूडेंट्स इसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट हमेशा एक ही सेल के बने होते हैं, सो वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। अब सबसे छोटे दुनिया में मोनेरा ही होंगे तो सबसे ज्यादा भी यही मिलेंगे। एनसीईआरटी कहती है एक मुट्ठी भर मिट्टी भी लोगे तो उसमें सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, यानी कि सारे किंगडम में से सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं और ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे आपको बैक्टीरिया। इस बोर्ड पे भी मैं हाथ फेरू ना और माइक्रोवेव एक स्लाइड पे लगा दूं और उसे माइक्रोवेव में 37 डिग्री सेल्सियस दे दूं, अगले दिन सुबह माइक्रोस्कोप से देखूंगी कई सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी दिख जाएगी मुझे। इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह होते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब एवरीवेयर का मतलब वहां तो है ही जहां जीवन संभव है, मिट्टी में, हवा में, पानी में, सब जगह, बट वहां भी है जहां जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी also present in extreme habitats, harsh habitats, जैसे खौलता हुआ लावा, हॉट स्प्रिंग्स, डीप ओशियन, समंदर की गहराई में। ये PYQ आया हुआ है स्टूडेंट्स, इस डीप ओशियंस पे PYQ आया हुआ है। एक एक शब्द जो आज की क्लास में पढ़ा रही हूं अपने को टिप्स पर करना है। नाउ रेगिस्तान में भयंकर गर्मी है, पानी का नामो निशान नहीं है, बर्फ वाली जगह पे जाओगे मैगी जरूर मिलेगी, लेस का रैपर जरूर मिलेगा, बर्फ में दबा हुआ और बैक्टीरिया मिलेगा। डन। चलिए अब ये पैरासाइट्स भी होते हैं, यानी जानवर और पेड़ों की बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। सो ऑल्सो इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह, एवरीवेयर। अब मोनेरा में दो ग्रुप्स आते हैं, दो ग्रुप्स। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें अलग अलग किंगडम कहा गया था। पहला है पुराने से आर्की बैक्टीरिया, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। अभी एक ट्रिक लिखवाऊंगी आपको, उस ट्रिक से पूरा एनसीईआरटी एक लाइन से रटवा दूंगी आपको। सो आर्की बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब एक्सट्रीम कंडीशंस का क्या मतलब है? जहां आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ये तीन तरह के होते हैं। एक्सट्रीम नमक में रहते हैं, नमक के लिए केमिस्ट्री में हैलो वर्ड यूज करते हैं। फाइलो का मतलब होता है लविंग, इन्हें प्रेम है नमक से, यानी हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स मिलेंगे एक्सट्रीम। स्टूडेंट ये जो पढ़ा रही हूं ना, यहां से क्वेश्चन आप मान के चलो कॉमनली आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो अपने को लगता है यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या पूछेंगे, यही तो पूछते हैं। सो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में मिलते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में। दूसरे जो भयंकर गर्मी में रहते हैं, 100 डिग्री से भी सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर है, भयंकर एसिडिटी होती है। याद है बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर में टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, खौलते हुए लावा में रहता है, वो इसी ग्रुप में आता है। यानी इसे हाई टेम्परेचर पसंद है, थर्मो, एसिडिटी पसंद है, एसिडो, और लविंग पसंद है, फाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। ये मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, भयंकर हाई टेम्परेचर्स पे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट? चलिए स्टूडेंट्स फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आज एक चैप्टर आपकी टिप्स पे करा दूंगी, बस मेरे साथ बने रहो। देखो मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं माइंड मैप बना के फटाफट 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म, पर मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाना चाहती हूँ और मैं क्लास के अंदर याद करवाना चाहती हूँ। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं? एक बार मुझे थम्सअप भेज दीजिए फटाफट से। चलो अब तीसरे हैं जो मीथेन बनाते हैं, यानी मीथेनो और जन्स, जेनेसिस, मीथेन बनाना, मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस कहां मिलते हैं? बहुत इजी है, मीथेनोजेंस मिलेंगे। एक तो हमें पता है मार्शी एरियाज, जो दलदल वाला एरिया है, वहां पे मीथेनोजेंस मिलते हैं, वहां से मीथेन गैस निकलती है। सो मार्शी एरियाज में मार्शी। इसके अलावा हम जानते हैं जो जुगाली करने वाले जानवर, गाय खा लेती है फिर दिन भर जुगाली करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ते हैं इसे। तो जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में, यानी गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स, और इसीलिए तो इनके गट में मिलते हैं, इसीलिए इनके गोबर डंग में निकलते हैं, और इसीलिए इनसे जब गैस बनेगी मीथेन एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसे गोबर गैस भी बोलते हैं। सो इनका काम है प्रोड्यूस बायोगैस। लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो बायोगैस या गोबर गैस। इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बायोगैस में मीथेन तो मेन होता है, प्लस थोड़ा बहुत CO2, थोड़ा सा H2S और थोड़ा सा H2। इसे आज ही याद कर लेना, इकोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है सबको, एवरीबडी थैंक यू आई एम हैप्पी। मैं चाहती हूं कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊं और क्लास में लर्न करवाऊं, मैं फटाफट फटाफट नहीं पढ़ा रही हूं, ठीक है। चलो तसल्ली से पढ़ेंगे अपन। अब इस सबको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूं आपको, पूरी एनसीईआरटी का पैराग्राफ एक लाइन में याद हो जाएगा। पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा, बहुत फेमस, मिलिंद गाबा का एक क्लासिकल गाना है। क्या है क्लासिकल गाना? मैं तेरी हो ही गया। क्या गाना है? मैं तेरी हो ही गया। मिलिंद मतलब इसमें मिथैनोजेंस हैं जो गट ऑफ र्यूमिनेटिंग कैटल्स में मिलते हैं, जिनसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। MTH मैं तेरी हो ही गया, इसमें मिथैनोजेंस हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं, हैलोफाइल्स हैं। हैलोफाइल सॉल्टी कंडीशन में रहेंगे, ये खोलते हुए लावा में रहेंगे, ये मार्शी एरियाज और गट में रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट है। नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, पर इसकी सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन डिफरेंट होती है, ऐसा समझ लो। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसीलिए ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से। थैंक यू नितेश, आर यू अ डॉक्टर? यस आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, मेरी मोटिवेशन के पीछे क्या है? मेरे मोटिवेशन के पीछे है गुरु का आशीर्वाद। 4x4 टेक्निक सब लोग YouTube पे सर्च करना, ए मैम डाल के, वो और मेडिटेशन करना शुरू करिए। आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोती हूँ, लेकिन फिर भी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्माइल, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ऑल बिकॉज ऑफ दैट। जितना हायर पावर से कनेक्ट होगे, जिस भी ईश्वर को मानते हो, निराकार को मानते हो, उतनी वो ऊर्जा आपको देगा, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी तो वहीं से आती है। 4x4 टेक्निक और मेडिटेशन, मेरा मानना है हर स्टूडेंट को स्पेशली इस समय पर डेली करनी चाहिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई में, लेकिन इतनी एनर्जी, इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आपको मजे आ जाएंगे। डन, आगे बढ़े फटाफट से। चलिए, ओ वाह क्या बात है मैम, एडमिशन हो गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रियांशु, सब लोग क्लैपिंग कर दो। यस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, शानदार शानदार किताब है योगानंद जी की, उसको जरूर पढ़िएगा। हाँ, पेशेंट्स देखती हूँ ना मैं। सैटरडे संडे टोटल हॉस्पिटल वर्क, क्योंकि अब मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं अपनी चीजों को टाइम मैनेजमेंट, दूसरा टाइम मैनेजमेंट इज द की। चलिए, अब आइए इस पॉइंट को फटाफट लिखते हैं, फिर एक PYQ बताती हूँ बड़ा मजेदार जो आया था। इनमें सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसीलिए ये सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। ये तो एनसीईआरटी में दिया है। अब जो एक PYQ आया था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, एनसीईआरटी में लिखा था कि आरके बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से किस में डिफरेंट है, और सेल वॉल वहां ऑप्शन ही नहीं था। सेल वॉल ऑप्शन ही नहीं था माय डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर था सेल मेम्ब्रेन। इनकी सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट होती है। एक्चुअली नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों की सेम होती है। आपको पता है ना, ऐसे फॉस्फोलिपिड, वही फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो घिसी पिटी कहानी सारी। इनमें ईस्टर बॉन्ड होगा क्योंकि लिपिड है, पर इनमें ईथर बॉन्ड होता है, ये इसे काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड होते हैं, इसके लिपिड्स ब्रांच्ड हो जाते हैं, ब्रांच्ड होके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो अलग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट होती है। ये PYQ है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो जितना मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रही हूं उतना आपको भी आना चाहिए। चलिए, अब दूसरे बैक्टीरिया पे आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया, वो भी सच्चे ही हैं बेचारे, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। अब इनमें अगर सेल वॉल होगी तो पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, अच्छी रिजिड सेल वॉल होगी, और अगर ये मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला मिलेगा। इफ मोटाइल, इनमें फ्लैजिला मिलेगा, फ्लैजिला, ठीक है। अब इनके अंदर 3 ग्रुप्स आते हैं, 3 ग्रुप्स। ये PYQ है सारे, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है स्टूडेंट, जिसे PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जितने देखो, सारे 5 किंगडम में से सबसे छोटे ये हैं, स्मॉलेस्ट, और उसमें भी सबसे छोटा ये होता है, यानी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यही होता है। इससे छोटे वायरस होते हैं, पर वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। सो स्मॉलेस्ट लिविंग, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से कौन पास कर जाएगा। वाटर प्रूफ मतलब जिस पर पानी का असर ना हो, बैक्टीरिया प्रूफ मतलब जिसमें से बैक्टीरिया ना निकल पाए, क्योंकि उसके छेद इतने बड़े कि बैक्टीरिया नहीं घुस पाता। पर माइकोप्लाज्मा तो उससे छोटा है, वो निकल जाएगा। यानी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर पीवाईक्यू है, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये पीवाईक्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ पीवाईक्यू। और भी पीवाईक्यू है, ये मैं अलग से लिख रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको ध्यान रहे। एनसीईआरटी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर इनका साइज है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा है और एनसीईआरटी की थ्योरी में 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है। अलग अलग स्पीशीज थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा है, डायग्राम आएगा तो ये आता है एनसीईआरटी का। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इनमें सेल वॉल नहीं होती। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिखकर बताइए ने कहां प्लेस किया होगा। इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। एनसीईआरटी लिखती है लैक्स द सेल वॉल, तो सब में सेल वॉल है पर माइकोप्लाज्मा में नहीं है। अब ये वैसे तो ऑक्सीजन प्रेफर करते हैं, पर अगर कभी नहीं भी मिल रही है तो ये ज्यादा नखरी लेनी है, बोले ठीक है यार काम चला लेंगे अपन। सो कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। वैसे तो ऑक्सीजन चाहते हैं पर नहीं भी है तो चलेगा। तो बेसिकली ये एरोबिक हैं, पर जरूरत पड़ने पर, फैसिलिटी होने पर एनारोबिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं फेकल्टेटिव एनारोब्स। है तो एरोब्स पर जरूरत पड़ने पर एनारोबिक भी बन रहे हैं। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग, सेल वॉल एब्सेंट एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं पेड़ और जानवरों पर, यानी लिव एज पैरासाइट्स। पैरासाइट ऐसा मेहमान है जो घर में आएगा, खाना पीना खाएगा और जाते जाते चोरी भी करके ले जाएगा, यानी कि पैरासाइट होस्ट को हार्म करता है। लिव एज पैरासाइट, या हम कह सकते हैं जो एनसीईआरटी का शब्द है पैथोजेनिक है। ये पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक इन या टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे पेड़ और जानवरों में बीमारियां करते हैं और थैंक गॉड हमें वो बीमारियां नहीं पड़नी है। डन, यस, पीवाईक्यूज करेंगे उतना इनफ हो जाएगा। आज की क्लास अच्छे से कर लो। स्पीड सबको सही लग रही है? ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन सृष्टि आते ही आते हैं, पर कितने भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं किसी भी चैप्टर से, अपन बोल नहीं सकते हैं। इज इट क्लियर? संध्या, अनुराधा, वरिंदा, डॉक्टर गौरव, पानी पीना है तो सब लोग पानी पी लो, लेकिन क्लास नहीं छोड़नी है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। स्पीड इज फाइन। चलिए नाउ इसमें नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया। अब ध्यान से समझना, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे एल्गी में प्लेस करते थे यानी प्लांट किंगडम में, क्योंकि एल्गी की तरह इसमें हायर जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी प्लांट किंगडम में आता है, सबसे नीचे वाला ग्रुप, उसकी तरह क्लोरोफिल ए मिलता था। इसके पहले के बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस होता है पर क्लोरोफिल ए नहीं मिलता। इसमें पहली बार क्लोरोफिल ए मिला, लाइक ग्रीन प्लांट। इसीलिए पहली बार, अभी आपको सिखाऊंगी, ये इन्होंने जब फोटोसिंथेसिस किया, इन्होंने पानी को तोड़ा, ऑक्सीजन रिलीज करी, यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया पहली बार। ऑक्सीजेनिक, फोटो, ऑटोट्रॉफ। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के कारण वातावरण में, एटमॉस्फेयर में पहली बार फ्री O2, मॉलिक्यूलर O2 रिलीज हुई और हमारा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एनारोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हुआ था। वरना इसके पहले के बैक्टीरिया भी सिखाऊंगी, पानी नहीं तोड़ते थे, O2 रिलीज नहीं करते थे। डन है इतना सबको? चलिए अब ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे हो सकते हैं? देखो वैसे तो ये प्रोकैरियोटिक है यानी सिंगल सेल के होंगे, यानी यूनिसेल्यूलर, पर कभी कभी आपस में मिलके कॉलोनीज बना लेते हैं, कॉलोनियल, और कभी कभी धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिलामेंटस। अब सवाल उठता है ये कहाँ मिलते हैं? ये सब जगह मिलते हैं। सब जगह मतलब पानी में भी, लैंड पे भी। पानी में कैसे? पानी में, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, यानी फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में और लैंड पे, हर तरह के पानी में और पृथ्वी, लैंड पे, लैंड पानी, पानी में खारा पानी, नॉर्मल पानी, हर जगह मिलते हैं। अब ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? सिंगल सेल्ड है, इन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, तो इनके अंदर नेचर ने गैस वैक्यूल दिए जिनमें हवा भरी रहती है। उस हवा के कारण से ये हल्के होके पानी के सरफेस पर आ जाते हैं और भयंकर खूब सारे ग्रो कर जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, स्पेशली अगर उस पानी में पॉल्यूटेड वाटर है, उसमें नाइट्रेट फॉस्फेट पढ़ाऊंगी एनवायरमेंटल इशू में। इसे बोलते हैं ब्लूम। ब्लूम का मतलब फलना फूलना, पूरे पानी की सतह पे ब्लू ग्रीन एल्गी छा जाएंगे और ये सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं अपने ब्रीदिंग करने के लिए। यानी जो उस पानी में दूसरे मछली वछली हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो मर जाती हैं, लेक इज चोक टू डेथ। डन। यानी कि ये फॉर्म करते हैं एल्गल ब्लूम। एनवायरमेंटल इश्यूज कितनों को याद आ रहा है? मुझे एक बार फटाफट से यस लिख कर भेजो। इन पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर शब्द पे क्वेश्चन आता है। इन पोल्यूटेड वाटर तो हर जगह मिलते हैं और पानी खराब कर देते हैं, पूरी लेक वेक का सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं, इनमें से कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो अपने होस्ट के साथ प्यारी प्यारी दोस्ती करते हैं। यानी ये सिम्बायोटिक भी हैं। सिम्बायोटिक मतलब जहां दोनों का फायदा होता है, प्लस प्लस का रिश्ता है, प्लस प्लस। इसमें हमें दो एग्जाम्पल्स आने चाहिए जिन पर पीवाईक्यू भी आया हुआ है, एनाबीना अजोले और एनाबीना साइकडे। आइए लिखते हैं, एनाबीना अजोले अजोले और एनाबीना साइकडे। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट। साइकडे मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगी, प्लांट किंगडम में। जो जिम्नोस्पर्म में साइकस उसकी कोरलॉइड रूट के साथ रहता है और उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। और अजोले जो है, अजोला एक फर्न है, टेरिडोफाइट, उसके साथ जुड़ के रहता है। तो ये अजोला के साथ रहता है, ये साइकस की कोरलॉइड रूट के साथ रहता है। दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसके अलावा नॉस्टॉक भी होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग। इनकी कुछ स्पीशीज फ्री लिविंग है, कुछ जो है वो सिम्बायोटिक है। डन 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 एवरीबडी, इतना क्लियर है? एक बार मुझे यस या थम्स अप भेज दो, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं अपन। हर शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर, एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन। अब ब्लू ग्रीन एल्गी पे एक और क्वेश्चन आता है, समझो। मैं आपको बैक्टीरिया, आप नीचे लिखना, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगी, इसी वन शॉट सीरीज में भी पढ़ाऊंगी आपको। बैक्टीरिया में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, पर यहां पर क्या होता है समझना। जैसे मान लो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा नहीं, इसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है इसका, ये साइटोप्लाज्म है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट टूट कर आती है और इस तरह से यहां लगी रहती है। इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाला क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, सारे पिगमेंट्स है जो सनलाइट पकड़ के खाना बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है टूट कर बनाए, ऐसा कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। क्रोमैटोफोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, यहीं पर पिगमेंट्स होते हैं। सो इनमें मिलते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, जिन्हें कहा जाता है, देखो नाम ही है क्रोमा मतलब कलर, पिगमेंट्स मिलेंगे क्रोमैटोफोर्स। ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है हेटेरोसिस्ट। मैं एक और स्लाइड लगा रही हूं, आप नीचे लिख सकते हैं या अलग से लिख सकते हो, हेटेरोसिस्ट। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा रही हूं आपको स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। होता क्या है ध्यान से समझो, बनाइए मेरे साथ। सपोज करो ये एक फिलामेंटस एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके नॉर्मल सेल्स हैं। अब नॉर्मल सेल है यानी यहां पे CO2 फिक्सेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस ये होगा। अब आप जानते हो अगर N2 फिक्स करना है, N2 फिक्सेशन का मतलब होता है अमोनिया, N2 से अमोनिया बनाना, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है। और मिनरल न्यूट्रिशन में अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक है, ऑक्सीजन से नफरत है उसे, वो ऑक्सीजन की कंडीशंस में काम नहीं करता। अब भाई यहाँ तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये वाले सेल्स जो हैं इनमें नाइट्रोजिनेज एक्टिव नहीं रहेगा, है मौजूद पर एक्टिव नहीं रहेगा। तो एक सेल बोलता है यार चलो मैं अपनी कुर्बानी देता हूं, मैं मोटा हो जाता हूं, मेरी दीवार थिक कर दो, मेरी दीवार थिक कर दो, ठीक है, मैं हो जाता हूं थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड ताकि O2 अंदर ना आ पाए। पर एक प्रॉब्लम है, अगर O2 अंदर नहीं आएगी तो CO2 भी अंदर नहीं आएगी, तो ये खाना नहीं बना पाएंगे। दूसरा ये बोलता है कि मैं अपना फोटो सिस्टम 2 कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं, फोटो सिस्टम 2 कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं। फोटो सिस्टम 2 के कारण पानी टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो यहां पर फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट हो जाएगा, 1 रहेगा, 2 एब्सेंट हो जाएगा, 2 एब्सेंट हो जाएगा तो पानी नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो O2 का रिलीज नहीं होगा। तो बाहर से O2 आ नहीं रही क्योंकि थिक वॉल्ड हो गया है, अंदर O2 प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि पानी नहीं टूट रहा। कुल मिला के एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो गई, एनारोबिक। और बस अब क्या है, एनारोबिक कंडीशन जैसे ही क्रिएट हुई, नाइट्रोजनस बोलता है मैं कोई आलसी तोड़ी ना हूं, मैं काम करने को तैयार हूं। अब हो जाएगा यहाँ पे N2 फिक्सेशन। तो यहाँ खाना नहीं बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं हो रहा, पर N2 फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे N2 फिक्सेशन नहीं हो रहा, खाना बन रहा है। दोनों भाई मिल बांट के काम कर लेते हैं, बोले तुम तुम्हारी फिक्स नाइट्रोजन हमें दे देना, हम तुम्हें खाना दे देंगे। ये सेल बड़ा भी हो गया है, लार्जर हो गया है, बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें मोटी सी दीवार हो गई, मोटी सी दीवार, सिस्ट, भित्ति, और ये बाकियों से अलग है, हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लार्ज सेल हो गया है, थिक वॉल्ड सेल हो गया है, जिसमें एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट हो गई और N2 फिक्सेशन हो रहा है। यानी हेटेरोसिस्ट के अंदर N2 फिक्स होती है, N2 फिक्स का मतलब है N2 से अमोनिया बनाना, वो इसी के अंदर होता है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, नॉस्टॉक, एनाबीना सब में मिलेगा। स्टूडेंट जिनके आसपास में चिपचिपी जिलेटिनस म्यूसिलेज की शीट होती है ताकि इन्हें डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, इस तरीके से, इस तरह से। इवन इसकी कॉलोनीज जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज जो है, उनके आसपास भी होती है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं यहां लिख देती हूं, आप लिख लीजिएगा, कॉलोनीज सराउंडेड बाय म्यूसिलेज शीथ, चिपचिपी शीथ, म्यूसिलेज शीथ। डन, आ गया समझ में सबको। शांतनु फोटोसिस्टम क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी नहीं हो सकता है, अभी नहीं बता सकती मैं, फिर हम टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। चलिए हेटेरोसिस्ट, आइए एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं आपको। देखिए ये रहा, ये हेटेरोसिस्ट, बाकी नॉर्मल सेल्स हैं और ये म्यूसिलेज की शीट हैं। यहां नॉस्टॉक का डायग्राम बना हुआ है, सब लोग अपने में लेबल कर लो, ये नॉस्टॉक का डायग्राम बना है। आपसे पूछेंगे एनाबीना नहीं है, नॉस्टॉक का डायग्राम है। चल आप सो रहे थे 5 लेट नहीं होना भाई क्लास में, फिर लाइव क्लास का मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। नॉर्मल सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं अपन। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, अब नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं। सो माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। ध्यान रखो ये सब यू बैक्टीरिया के अंडर आ रहा है, ये तीनों आर्की बैक्टीरिया में आ रहे हैं, ये दोनों यू बैक्टीरिया में आ रहे हैं। अब जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया हैं, जैसे ये कैसे कैसे हो सकते हैं समझिएगा। मैं दूसरा फ्लोचार्ट बनाती हूं ताकि आपके यहाँ पे खिचड़ी नहीं पके। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होगा, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक एनारोबिक में भी टोटल एरोबिक ऑब्लिगेटरी, ऑक्सीजन में ही रहेंगे, या एनारोबिक ऑब्लिगेट, ऑक्सीजन से नफरत है, बिना ऑक्सीजन के ही रहेंगे, ऑक्सीजन आएगी तो मर जाएंगे, या फैकल्टेटिव, काम चला लेंगे जैसे माइकोप्लाज्मा कर रहा है, ठीक है। चलिए सो यू बैक्टीरिया के आगे मैं अब यहां लिखती हूं। अब एक बात समझो, कोई भी बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल सा होता है, एक सेल का बना है, प्रोकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कुछ नहीं होता। यानी एनसीईआरटी की लाइन है, लिखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का, नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है सिंपल, लेकिन उसका बिहेवियर देखो, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, कीमोसिंथेसिस भी कर सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेटरी, यानी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो आपको दे देंगे, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर बोथ कॉम्प्लेक्स बोथ सिंपल, या उल्टा लिख देंगे, आंसर होगा स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। सब तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मोस्ट डाइवर्स यानी भिन्नताएं हैं, भिन्नताएं, कोई ऑटोट्रॉफिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई कीमोसिंथेटिक है, कोई एरोबिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। अब बैक्टीरिया में ये बातें करने के बाद शेप के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। शेप के आधार पे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, बहुत आसान है। लंबे से हैं तो बैसिलाए, सिंगुलर हो जाएगा बैसिलस, रॉड शेप का, रॉड जैसा। लड्डू जैसा है तो कोकस, स्फेरिकल, कोकाए इसका प्लूरल हो जाएगा। कॉमा शेप का है तो विब्रियम, विब्रियो इसका प्लूरल हो जाएगा, कॉमा जैसा। और ऐसा घुमावदार है तो स्पाइरिलम या स्पाइरिला, घुमावदार। इनमें फ्लैजिला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बैसिलस के अंदर एनसीईआरटी में स्पोर बना हुआ है जो अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, एंडोस्पोर। ये बैसिलस के अंदर बना है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से ध्यान रखना। बैसिलस के अंदर क्लियर है सबको, एवरीबडी, रजनीश, ऑस्कर, मुकेश, नवाज, पांचाल, रोहित, ठीक है। अभी अभी सब बताती हूँ। यस पांचाल, स्पोर बैसिलस में मिलेगा। आइए अब लिखते हैं अपन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बड़ा सा बढ़िया चार्ट बनाएंगे। मैं कंप्रेस करके नहीं लिखती, आप लोगों को माइंड मैप्स की तरह नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, मैं उसको अलग अलग फ्लो चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाओगे, मैं अभी आईडी दे दूंगी अपना। चलिए लिखिए न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, एक एक शब्द समझना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं ये चैप्टर आपको। ट्रिक्स भी बता दूंगी, ट्रिक्स से तो एक एक सेकंड में लर्न कर ही लोगे। जैसे मैंने आपको आर्कीबैक्टीरिया एक स्टेटमेंट की ट्रिक से याद करा दिया, मिलिंद गाबा का क्लासिकल, मैं तेरी हो ही गया, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर नितेश, थैंक यू विजय, थैंक यू ज्योति, थैंक यू। मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस, अल्ताफ, बैसिलस इज मोस्ट कॉमन। नाउ बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। क्या लगता है बताइए मुझे सोच के, ऑटोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं कि हेटरोट्रॉफिक? लिखो चैट बॉक्स में, ऑटोट्रॉफिक कि हेटरोट्रॉफिक? एनसीईआरटी की लाइन है, मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉफिक एंड सम आर ऑटोट्रॉफिक। एनसीईआरटी की लाइन है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी मेजरली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? मोस्ट कॉमन शेप अभी बता दिया ना हाशिम, आपको बैसिलस अभी तो बताया। यस यस, यू कैन स्टिल क्रैक नीट, बट आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, सबके सबके सही आंसर्स हैं। सारा अजीम, इस समय बेटर है कि आप डिप्रेस होने से बेहतर है कि आप अपना एक फुल शॉट दीजिए, इस सीरीज को पूरा फॉलो करो और डेली का डेली लर्न करिए। थैंक यू, थैंक यू आदिल हुसैन, थैंक यू। बस ये आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, ये मेरे को एनर्जी दे देता है, ये मेरा एनर्जी बूस्टर बन जाता है और मुझे और मजे आते हैं कि चलो यार और मस्ती से पढ़ाते हैं अपन। थैंक यू। चलिए अब हेटरोट्रॉफिक कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो 3 तरीके से हो सकते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा सैप्रोफिटिक है, जो मरे हुए से एब्जॉर्ब करेंगे, इन्हें ही डीकंपोजर्स कह देते हैं, आपको पता है। तो फंजाई और बैक्टीरिया डीकंपोजर्स होते हैं। सो मेजॉरिटी ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं। डेड से लेंगे, मैं दोबारा नहीं लिखवा रही हूं, वो चार्ट में ऑलरेडी बेसिक समझा चुकी हूं आज ही आपको। स्पाइरिलम सिंगुलर होता है, स्पाइरिला प्लूरल होता है, ठीक है रजत। नाउ कुछ पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक, जो होस्ट के साथ रहेंगे और उसका नुकसान करेंगे, बीमारियां करेंगे, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज अपने को होती है, जैसे जो भी होती है। जैसे एनसीईआरटी में कॉलेरा का दिया हुआ एग्जाम्पल है ना, टेटेनस का दिया हुआ है, अपन लिख लेते हैं। जैसे कॉलेरा करने वाला, मैं लिखवा नहीं रही हूं कौन होता है, विब्रियो कॉलेरी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाएंगे। टेटेनस करने वाला कौन सा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाए। देन डिप्थीरिया करने वाला होता है, डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। फिर वूपिंग कफ या काली खांसी, वूपिंग कफ या काली खांसी, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस काली खांसी, ये आपको जूलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखवाएंगे, ये बीमारियां कर रहे हैं। और एक होता है सिट्रस कैंकर बीमारी, पेड़ों में सिट्रस कैंकर। सिट्रस का मतलब ये है जो मौसम्बी संतरे वाले पेड़ हैं, इसमें ज़ैंथोमोनास सिट्राए ये बैक्टीरिया काम करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राए। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चावल को कौन खराब करता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजा। एनसीईआरटी में कहीं नहीं है बट वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन पीवाईक्यू आया हुआ है। रोज रिवाइज करते हो, बहुत बढ़िया शाहीन, अनुराधा वेरी गुड, नाजनीन, अल्ताफ, बिल्कुल बिल्कुल बेबो कॉल्ड वाली ट्रिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज छवि मैम पढ़ाएंगे आपको इस सीरीज में। अब तीसरा हो जाएगा सिम्बायोटिक, जो दोस्ती, दोनों का फायदा है। ये तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान है, ये दोनों का फायदा है। इसमें हमारा प्यारा राइजोबियम आ जाएगा जो लेग्यूमिनस दाल वाली फैमिली की रूट्स के साथ जड़ों में नोड्यूल बनाता है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो इसमें राइजोबियम आ गया, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सर है और लेग्यूमिनस पेड़ों की जड़ों में मिलता है। और इसमें दूसरा जो आप लोग नाम लिख रहे थे फ्रैंकिया आ जाएगा, ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है बट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के साथ मिलेगा, लाइक एलनस। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं यही करवा रही हूं, यही लिखवा रही हूं। इसके अलावा अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरेलम, ये सब इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, माइक्रोब्स में पढ़ेंगे, सॉरी। अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरेलम, रोडोस्पाइरेलम, ये सब नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हमारा फायदा कर रहे हैं। यही नहीं, दही बनाने में भी काम आता है लैक्टोबैसिलस, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जूलॉजी में पढ़ाएंगे आपको, बायोमोलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ जूलॉजी पीडब्ल्यू में। चल, अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, लिखिएगा, इनऑर्गेनिक कार्बन से खाना बनाना और इसके लिए ऊर्जा चाहिएगी, एनर्जी। ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हो हेट्रोट्रॉफिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हो ऑटोट्रॉफिक। एनर्जी का सोर्स क्या है उसके आधार पर ये फिर दो तरह का हो गया, दो तरह का। अगर सन की एनर्जी यूज कर रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, और अगर केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी यूज कर रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इतना सबको क्लियर है? फटाफट से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट को यूज करेंगे, सनलाइट एनर्जी सोर्स है, तो इनमें सनलाइट को पकड़ने के लिए पिगमेंट्स होने चाहिए, यानी इनमें पिगमेंट्स मिलेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में पिगमेंट्स नहीं मिलेंगे। अब ये फिर दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीजेनिक वाले जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, और बाकी सारे बैक्टीरिया हैं एनऑक्सीजेनिक, क्योंकि वो पानी नहीं तोड़ते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम फोटोसिंथेसिस में और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। इसमें आता है, लिखो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके पास फोटो सिस्टम 1 होता है, केवल 2 होता ही नहीं है, तो ये पानी नहीं तोड़ते, सल्फर रिलीज करते हैं, याद है ना, H2S तोड़ के सल्फर रिलीज करते हैं। गैस वैक्यूल इनमें भी मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस वाले सब में गैस वैक्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि इन्हें हल्का होना है, सरफेस पर आना है, तभी तो सनलाइट को पकड़ेंगे, तो सब में हवा से भरे हुए वैक्यूल्स मिलते हैं। डन, इज इट क्लियर एवरीबडी? आयुष्मान, एके व्लॉग्स, रॉकी, अल्ताफ, शांतनु, अनुराधा, नजीम, आरुषि, जिसका नाम मैं नहीं भी ले रही हूं, पूरी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। चलो, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसे कैटेलाइज करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उससे एटीपी बनाते हैं। चल, ये डैश एक वर्ड छोड़ रही हूं, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि रटवाना नहीं है मुझे, आपको सब कुछ समझाना है, मैं बेसिक से पढ़ा रही हूं, बस आज का क्लास ढंग से कर लेना, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ऐसे नहीं रटती, बिना समझाए एनसीईआरटी रट ही नहीं सकती आपको, जब तक आपके दिमाग में घुसेगी नहीं वो, वरना पूरी दुनिया, पूरे 19 लाख बच्चे वो 2 किताबें पढ़ रहे हैं इतनी पतली पतली, फिर क्यों नहीं 340+ नंबर आ रहे हैं, क्योंकि समझी नहीं है। अब ये डैश केमिकल रिएक्शंस करेंगे एंड यूज, जो रिलीज होगी एनर्जी केमिकल रिएक्शन से, रिलीज्ड एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी, और फिर उस एटीपी से अपना जिंदगी जीते हैं, ऊर्जा से अपना काम करते हैं, भाई सिंपल। तो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी जो रिलीज हुई है उसे यूज करते हैं। सोच के बताओ, एक्सोधर्मिक रिएक्शन है कि एंडोधर्मिक? चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए मुझे फटाफट से। आदित्य, आयुष्मान, शुभम, शांतनु, अल्ताफ, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए। एक भी स्टूडेंट चुप नहीं बैठना चाहिए, चुपचाप मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताओ कि आप मेरे साथ हो, आप यहाँ पर हो तो मुझे भी जोश आएगा। अब देखो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से समझना। अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, ये अभी याद करा रही हूं, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ठीक है। यहां पर लगता है बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये मिनरल न्यूट्रिशन एनसीईआरटी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। और यहां लगता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक वर्ड याद कराती हूं आपको, बड़ा आसान है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊर्जा निकल रही है जिसे ये यूज कर रहे हैं। देखिए यहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तब ये बन रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजेशन, ऑक्सीजन को तो कहते ही ऑक्सीडेशन है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ O2 से O3 बन रही है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शंस। इसे रिड्यूस करके लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर मजे आ गए तो एक बार थम्स अप या ताली ठोको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इन्हें बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सारे हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। पर सिर्फ यही नहीं होते स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, वो सब कुछ आते हैं। यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि इन्होंने ये मिनरल की रिसाइक्लिंग कर रहे हैं, मिनरल की साइक्लिंग में इनका रोल होता है। सो मिनरल रिसाइक्लिंग करते हैं, ये मिनरल रिसाइक्लिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जैसे फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है, डन। तो ये सारा हो गया अपना न्यूट्रिशन, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, उसमें भी सबसे ज्यादा डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक, कुछ पैरासिटिक, कुछ सिंबायोटिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटो, कीमो, फोटो में ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक में ब्लू ग्रीन एल्गी, और बाकी पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर यहां पर आ जाता है। चलिए 2 क्लासेस पर डे ही होंगी, बस थोड़े से दिन वेट करिए आप, जो भी शेड्यूल है ना वो लोग डिसाइड करते हैं। ये शेप्स तो है ही स्टूडेंट्स, देखो बैसिलस, कोकस, स्पाइरेलम और कॉमा जैसा विब्रियो। और देखो एंडोस्पोर जो बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो एंडोस्पोर जो बना हुआ है वो बैसिलस वाले में बना है, अभी बताती हूँ थोड़ी सी देर में। आगे बढ़ जाए, लिखो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लिखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब रिप्रोडक्शन आप सबको पता है 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैं लिख देती हूँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। सच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां गैमीट बनेंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, वो सब प्रोटेस्टा से शुरू होता है। यानी अब मैं यहां पे लिखती हूं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। अब यानी मोस्टली होगा एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल कैसे होता है हम जानते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी बनेंगे बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन। अब एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू आया हुआ है स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, ये पीवाईक्यू है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, इन बैक्टीरिया अकर्स, पीवाईक्यू है जिसका एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं है। 4 ऑप्शन थे, 2 तो आप रूल आउट कर लोगे जहां कंफ्यूजन था। एक था फिजन के पहले, प्रायर टू फिजन, और एक ऑप्शन था इन एस फेज। भाई हमारे में यूकैरियोट्स में एस फेज होता है, माइटोसिस, मियोसिस, एस फेज। एस फेज में डीएनए डबल होता है, पर बैक्टीरिया में एस फेज नहीं होता। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाए, बस फिजन होने के पहले डीएनए डबल हो जाएगा, खिंचेगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, डन। तो ये क्वेश्चन आता है, ये फेवरेबल कंडीशन है। पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपना सारा खाना पीना इकट्ठा करके चारों तरफ एक मोटी सी दीवार बनाता है और स्पोर फॉर्मेशन कर देता है अंदर ही, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और सदियों तक पड़ा रहता है इसी रूप में एंडोस्पोर, केवल बैसिलस में, बाकी तो सब निपट जाएंगे, मर जाएंगे। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपनी वॉल तोड़ेगा और डिवाइड फिर बाइनरी फिजन से ही करेगा. इज इट क्लियर? डन. नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ. नोट्स बहुत हेल्प करेंगे. आखिरी के 7 दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जब फाइनल रिवीजन अपने को करना है. अब देखो एक बात समझो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कभी मियोसिस होता ही नहीं है, बदलाव आते ही नहीं है. तो क्या सदियों पहले का बैक्टीरिया आज भी वैसे ही होता? फिर बदलाव कैसे आ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ तो मियोसिस, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई. सो एग्जैक्टली सच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, बट सम सॉर्ट ऑफ, लिखिए एनसीईआरटी की लाइंस याद करवा रही हूं, सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव डीएनए यानी जेनेटिक एक्सचेंज अकर्स. कुछ डीएनए जेनेटिक एक्सचेंज होता है. अब ये कुछ का क्या मतलब है? एनसीईआरटी ने तो ये लाइन लिख के बात खत्म कर दी है. 3 तरीके होते हैं, आप सब जानते हो स्टूडेंट्स. अगर वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो तो ट्रांसडक्शन कहते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं अपन. अगर मीडियम के थ्रू जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. और अगर 2 बैक्टीरिया में, याद है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसी बन जाए, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसमें ट्यूब बन गई, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसका मटेरियल थोड़ा इधर चला गया, इसका थोड़ा इधर चला गया, उसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं. कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू होता है, याद है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ, और ट्रांसडक्शन वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरियोफाज. इज इट क्लियर? पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी, सब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा अलावा भी आ जाएगा. अच्छा, विद्यापीठ ऑफलाइन की स्टूडेंट है अदिति. हेलो अदिति, YN 11 MG. आज उसमें मैंने जूलॉजी पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है. ठीक है, चल डन. सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा हमने खत्म कर दिया. डन. दही बनाने में भी काम आते हैं स्टूडेंट्स, है ना, वो लिख लेना. मेकिंग कर्ड, लैक्टोबैसिलस. ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है. ये डीएनए डबल होके 2 में चला गया है. ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है. देखो डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है. सेल वॉल बाहर वाले को बोला है, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाले को बोला है, और ये डीएनए है. लेबलिंग, एक एक लेबलिंग हमें आनी चाहिए. इसके साथ ही हमने कंप्लीट किया किंगडम मोनेरा. चलिए फटाफट से आप लोग भी आधे मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, कुछ मंच कर लो, और फिर हम आते हैं किंगडम प्रोटेस्टा पे. चलिए किंगडम प्रोटेस्टा करना है जल्दी हमें. चलो करें शुरू. तैयार? आइए. डॉक्टर सचिन, ड्राइंग कैसी लगी? वो इंस्टाग्राम पे जो भेजी थी मेरी ड्राइंग पोर्ट्रेट बना के, वो पूछ रहे हो क्या? तो वो बहुत बढ़िया थी, थैंक यू वेरी मच. चल किंगडम प्रोटेस्टा, आइए शुरू करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा. अब प्रोटेस्टा किंगडम के अंडर हमने ऑलरेडी लिख लिया है, नीट का फेवरेट PYQ है. सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं. अब समझो, जैसे क्लमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये वैसे ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल्ड है, यानी यूकैरियोट है, सिंगल सेल्ड है. तो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें एल्गी से हटा के, यानी प्लांट किंगडम से हटा के प्रोटेस्टा के अंदर रख दिया गया है. तो हो सकता है एक साइंटिस्ट बोले कि ये तो पेड़ है, पर दूसरा बोले नहीं ये प्रोटेस्टन है, फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटेस्टा, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, यानी इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड. किसी के लिए वो एक पेड़ है, पर किसी के लिए फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटेस्टा है, अगर वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मान रहा है. इसके पहले मोनेरा बने थे जो प्रोकैरियोटिक है. इसके बाद फंजाई प्लांट एनिमल बनेंगे जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट हैं. ये इन दोनों के बीच की कड़ी है. सो लिंक्स मोनेरा विथ अदर किंगडम्स. अब मुझे सोच के चैट बॉक्स में लिख के बताओ स्टूडेंट्स कि इसमें न्यूक्लियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. कम ऑन एवरीबडी, मक्खन क्लियर हो गया आयुष्मान, बहुत बढ़िया. क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर, एक एक शब्द। देखो मैं चीजों को रिपीट भी कर रही हूँ क्लास में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप क्लास में लर्न करें। मैं चाहती हूँ कि आज एनसीईआरटी को खात्मा करके रख दे, इस चैप्टर का खत्म करके रख दे, सब कुछ डन कर दे, बस घर जा, घर पे तो आप हो ही, मैं घर जाऊंगी, घर पर तो आप होंगे ही, तो आप उसे लर्न कर लें और रिवाइज करके कल एक बार रिवाइज कर लो और बात खत्म कर दे, ठीक है। इज इट क्लियर? सुषमा, मोनिका, आरजू, अल्ताफ, बिल्कुल फोड़ दिया, थैंक यू। आप, आपको फोड़ना है, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। वादा करते हो तो बोलो एक बार बायोलॉजी मैया की जय हो, लगाओ नारा फुल जोश। चलिए, मिलेगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है ना, तो भाई इसमें कौन सी तोप है? एनसीईआरटी ने फ्री फॉरगेट ही लिखा है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ये तो हमको भी मालूम है प्रेजेंट। अब इसमें कुछ हैं जो फ्लैजिला के थ्रू मूव कर सकते हैं, कुछ हैं जो सीलिया के थ्रू मूव कर सकते हैं, कुछ सूडोपोडिया जैसे अमीबा भी इसमें आने वाला है या नहीं। इसमें कुछ के पास फ्लैजिला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा, ये एनसीईआरटी लिखती है, कुछ के पास सूडोपोडिया भी होगा जो यहाँ लिखा नहीं है। अब एक बात समझो, बैक्टीरिया का फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक है पर ये यूकैरियोटिक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, 9+2 वाला अरेंजमेंट होगा। दाने तक सबको क्लियर है? चलो अब फटाफट से लिख लो ये सारे पॉइंट्स, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें रिप्रोडक्शन देखो, बैक्टीरिया में दो तरह से हुआ था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, पर बैक्टीरिया में सच्चा सेक्सुअल नहीं हुआ था, यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल पहली बार इनमें हुआ था। यानी यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन, और फिर उनका फ्यूजन होगा, एंड फ्यूजन। एनसीईआरटी ने इसे लिखा है सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन। तो सेल फ्यूजन मतलब क्या है? वही गैमीट एक सेल ही तो होता है, एक स्पर्म एक सेल है, एक एग एक सेल है, और इससे बन जाएगा जाइगोट का फॉर्मेशन। तो यहाँ प्रॉपर पहली बार, फर्स्ट टाइम सच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है ऑफ कोर्स, जैसे प्लाज्मोडियम इसमें आएगा, प्रोटोजोआ जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, आपने पढ़ा है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है, यूग्लिना इसमें आएगा जिसमें बाइनरी फिजन होता है। तो एसेक्सुअल तो होता ही है। 9+2 क्या है? नीट एस्पिरेंट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाऊंगी, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं वहां पढ़ाऊंगी। अब आइए इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। चलो बनाओ मेरे साथ एक चार्ट, क्लासिफिकेशन। इसे, इसके अंदर 5 ग्रुप्स आते हैं, 5, ठीक है। पहला है डायन, डायन जैसा डायनोफ्लैजिलेट्स, डायन, डायनोफ्लैजिलेट्स यानी डायन, इसको याद रखना डायन से। और डायन शक्तिशाली होती है कि नहीं? बहुत शक्तिशाली होती है, तो डायन शक्तिमान जैसी है, शक्तिमान, ठीक है। अब दूसरे आते हैं, इसमें जो रोते रहते हैं, क्राइसोफाइटा, रोतलू, क्राई करने वाले, क्राई, रोतलू, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को सुनहरे रंग के कारण गोल्डन एल्गी बोलते हैं। वैसे ये एल्गी नहीं है, एल्गी तो मल्टी सेलुलर प्लांट किंगडम में आता है, पर पहले तो ये प्लांट किंगडम में ही रखे जाते थे ना, सेल वॉल है गोल्डन एल्गी, ठीक है। अब तीसरे इसमें आते हैं यूग्लिनॉइड्स, जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिनॉइड्स। चौथे इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और 5वां इसमें आता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ। ये सब सिंगल सेल्ड है और सब यूकैरियोटिक है, राइट। ये फाइलम नहीं है, फाइलम नहीं है, बस ग्रुप्स है, ठीक है। फाइलम, हाँ एक तरह से फाइलम नहीं है एक्चुअली, फाइलम के अंदर के ग्रुप्स हैं ये, जैसे ये यूग्लिनोफाइटा कहते हैं, क्राइसोफाइटा कहते हैं, अलग अलग, ठीक है, पायरोफाइटा कहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, अपन उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये टोटली हेट्रोट्रॉफिक है, देखो नाम ये प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब जानवर जैसे हैं, सो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ये, प्रिमिटिव एनिमल्स यानी यूनिसेल्यूलर एनिमल्स हैं, ऐसा समझ लो। खाना भी हमारी तरह खाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पहले अपना शिकार बॉडी के अंदर पकड़ के खाते हैं, उसके बाद उसे अंदर पचाते हैं, होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक। अब स्लाइम मोल्ड जो है ये सैप्रोफिटिक हैं, एस से स्लाइम मोल्ड, एस से सैप्रोफिटिक, यानी ये फंगस की तरह खाना खाते हैं। डेड को पहले गलाते हैं, पचाते हैं, फिर अंदर सक करते हैं। तो ये जानवर जैसे हो गए, ये फंगस जैसे हो गए। अब ये तीनों खाना बनाते हैं। सो ये है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना बनाता है। ये भी है फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये भी खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ये बड़े मजेदार हैं, समझो। यूग्लेनॉइड का कोई दीन ईमान नहीं है, अगर सनलाइट मिल रही है, धूप मिल रही है तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं, शानदार वाला। पर अगर अंधेरा है, सनलाइट नहीं मिल रही है तो क्या करे भाई, मरता क्या नहीं करता। तो कीड़े पकड़ा, अंदर डाला और खा लिया, यानी शिकार पकड़ के खाते हैं, जानवर की तरह होलोजोइक। यानी इसमें अगर सनलाइट है, सनलाइट प्रेजेंट, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। और अगर सनलाइट नहीं है, डार्कनेस है, तो ये शिकार पकड़ के खाते हैं, प्रिडेटरी, यानी हेटरोट्रॉफिक हो गए। हेटरोट्रॉफिक उसमें भी शिकार पकड़ के खा रहे हैं जानवर की तरह, हेटरोट्रॉफिक। यानी ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है, इसलिए इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट्स ये पेड़ और जानवरों के बीच की कड़ी है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया बट ये क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चल, इतना सबको क्लियर है अच्छे से। आइए अब डायनोफ्लैजिलेट्स को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। स्टेटमेंट तो एक सेंटेंस लिखवाऊंगी अभी मैं आपको, और पूरा डायनोफ्लैजिलेट एनसीईआरटी टिप्स पर होगी, पर पहले उसके पहले समझाती हूँ। डायनोफ्लैजिलेट्स को डायन से याद करो। ये डायन बड़ी अतरंगी है, बड़ी रंगीली डायन है, ऐसा समझो। कैसी डायन है ये? रंगीली डायन। रंगीली डायन का मतलब डायनोफ्लैजिड अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो इसमें पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर आते हैं। यानी ये येलो कलर हो सकते हैं, येलो, रेड, ब्लू, ये तीन तो मेन कलर होते ही हैं। ब्लू, ग्रीन, रेड, ये तीन मेन कलर हैं। येलो, ब्राउन, एक्सेट्रा, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। तो ये बड़ी रंगीली डायन है। अब डायन क्या करती है? खून खून कर देती है, सब जगह पकड़ पकड़ के मार के खा के। तो इनमें से एक लाल रंग की डायन है, रेड कलर की, वो इतना तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं जिस समंदर में रहते हैं कि जब वहां पे लहर उठती है तो पूरी लाल लाल लहर उठती है, क्योंकि वो लाल वाली डायन वहां पर है। सो एक होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट, और ये जिम्मेदार होता है रेड टाइड के लिए, रेड टाइड्स के लिए, कॉजेज रेड टाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस लाल रंग की डायन का नाम सुनती बताती हूं। ये डायन जो है, इसका नाम मोनी नहीं, पोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी है। क्या नाम है? मोनी नहीं, पोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी है। और ये डायन OLX बहुत यूज करती है, सामान खरीदती बेचती है। सो गोनी जो OLX पे रहता है, यानी गोनी OLX, गोनी OLX। ये एक लाल रंग की डायन है, यानी रेड डायनोफ्लैजिलेट है, और पूरा लाल लाल लहर कर देती है, रेड टाइड कर देती है। अब डायन है तो सोच के बताओ, जहरीली होगी कि बड़ी प्यारी प्यारी होगी? डायन है तो बड़ी जहरीली होगी, बड़ी जहरीली, यानी ये रेड वाली जो डायन है ये उस पानी में टॉक्सिन्स निकालती है। और स्टूडेंट्स ये टॉक्सिन उन मछलियों, मोलास्क, उनके अंदर चला जाता है, और उन्हें अगर हम इंसान खाएं तो हमारे में खतरनाक वाला पैरालिसिस तक हो जाता है। सो यही जो हमारे टोनी, मोनी, पोनी नहीं, गोनी महाराज है, जो OLX पे रहती है रंगीली डायन, ये लाल रंग की डायन ये टॉक्सिन्स रिलीज करती है, और टॉक्सिन्स रिलीज करके वहां पे सब खराब कर देती है, हमारे अंदर भी पैरालिसिस तक कर देती है। सो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब डायन। डायन है बड़ी रंगीली, अलग अलग रंग में मिलते हैं। लाल डायन है, खूनी डायन है, खूनी डायन लाल रेड टाइड ला देती है और टॉक्सिन्स रिलीज करती है। अब ये डायन छिप के रहती है, आपने देखा होगा ना मूवीज में ऐसे करके कवच पहन के रहती है। तो इसके अंदर सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं बाहर के सरफेस पे। भाई इसमें सेल वॉल मिलेगी, इसे पहले प्लांट किंगडम में रखते थे। इसकी सेल वॉल कैसे होती है समझिएगा, समझो। जैसे हम कवच पहनते हैं तो एक कवच ये पहना, एक इधर पहना, एक इधर पहना, ऐसा थोड़ी ना पूरा कवच पहन लेंगे, फिर आतवात कैसे चलाएंगे अपन। तो एक सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, ऐसे प्लेट्स के रूप में इस डायन ने कवच पहना हुआ है। यानी इसमें सेल वॉल की सेल्यूलोजिक प्लेट्स मिलती हैं ऑन आउटर सरफेस। तो डायन है, इमेजिन करो, इमेजिन करिए चीजों को, आपको बायो बहुत बढ़िया तरह से याद होगी। तो लाल रंग की डायन जहर निकालती है, खूनी टाइट्स करती है, अलग अलग रंगों में आती है, सेल्यूलोज की प्लेट्स का बाहर उसने कवच पहना हुआ है। अब बड़ी शक्तिशाली है। बचपन में शक्तिमान देखा है सबने? शक्तिमान ऐसे करता था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी करते थे, बेचारे गिर भी जाते थे। ये शक्तिमान, ये डायन ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे करके। यानी इसकी वो जो सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं उनके बीच में गड्ढे हैं, एक फ्लैजिला ऐसे निकलता है, एक फ्लैजिला ऐसे निकलता है, और दोनों की मदद से ये ऐसे घूमते हुए आती है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, कुल मिला के जैसे वो होता है ना लट्टू, लट्टू जैसे घूमते हैं डायन। सो इसमें टू फ्लैजिला मिलेंगे इन फरो बिटवीन सेल वॉल प्लेट्स। सेल वॉल प्लेट्स के बीच में जो गड्ढे हैं वहां दो फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला लंबा है लॉन्गिट्यूडिनल, एक फ्लैजिला हॉरिजॉन्टल है यानी ट्रांसवर्स है। दोनों मिलके लट्टू की तरह इसको घुमाएंगे। आइए अब इसका डायग्राम बना के आपको दिखाती हूं। ऐसा डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये है, ये ऐसे गड्ढे हैं, इसमें एक फ्लैजिला निकला, इससे दूसरा फ्लैजिला निकला, और ये सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं। हो गया पूरा याद? पूरा याद हो गया तो एक बार यस कर दो। हाँ, स्पैमिंग मत करो भाई, स्पैमिंग की क्या जरूरत है अपने को, ठीक है। टेक्निकल अजीत, अनुराधा, नाजनीन, आयुष्मान, अरे बॉटनी का भ्रम तोड़ दूंगी आपका कि रटने वाला सब्जेक्ट है, बॉटनी में बहुत मजे आते हैं, ठीक है ना। फरो मतलब गड्ढा, भाई वो प्लेट है ना सेल्यूलोज की, तो गड्ढा तो होगा तभी तो निकलेगी कोई चीज अंदर से बाहर। So, शक्तिमान डायन है, शक्तिशाली रंगीली डायन है लाल रंग की। चलिए अब आइए क्राइसोफाइटा पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ खिचड़ी नहीं पका रही हूं, मैं अलग से कर रही हूं। सो मैं यहां लिखती हूं क्राइसोफाइटा, आप भी अलग से लिख लो क्राइसोफाइटा। पहला पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब समझना, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, वो भी हम लिख चुके। क्राइसोफाइटा बैठे थे, हमने, आपने, मैंने जाकर पूछा क्या हो गया भाई, इतने दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा मेरा तो नाम ही है क्राइसोफाइटा। बोला वो तो ठीक है, पर इतना क्यों रो रहे हो, इतना जीवन में क्या दुख आ गया है? नीट 2023 का एग्जाम थोड़ी ना देना है आपको, आकांक्षा मैम की वन शॉट थोड़ी ना आपको करनी है क्लास अटेंड, जो आप रो रहे हो, भाई क्या बात है? तो बोले क्या बताऊं भैया, इतना काम कराते हैं मुझसे, इतना काम कराते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन मैं ही हूं, सारा खाना मैं ही बनाता हूं मेजर। सो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रटना। अच्छा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन पूछा, ये तो बहुत काम करा रहे हैं, ये तो रोतलू वालों का काम है, यानी क्राइसोफाइटा डायटम्स। बोला ओशियन, हाँ तो ठीक है ना, ओशियन में ही तो खाना, नहीं नहीं भाई कहीं भी फेंक देते हैं, फ्रेश वाटर में भी डालाते हैं, मरीन वाटर में भी डालाते हैं, नदी, तालाब, झील, समंदर, कहीं भी फेंकाते हैं। यानी ये मिलते हैं फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, दोनों जगह पर, दोनों जगह पर। बोले कहीं भी फेंक देते हैं मुझे, मेरा जीवन जो है सूखे पत्ता जैसे पानी में फ्लोट करता रहता है, ऐसा हो गया। इतना छोटा अस्तित्व मुझे लगता है, मैं बेचारा एक सिंगल सेल का, माइक्रोस्कोपिक, दिखाई भी नहीं देता हूं, और मुझसे इतना काम कराते हैं। यानी ये है माइक्रोस्कोपिक, और स्विमिंग नहीं करते, पानी के करंट से मूव करते हैं जिसे प्लावी बोलते हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पैसिवली इन वाटर। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटो मतलब पेड़, क्योंकि खाना बना रहे हैं, और प्लैंक्टन्स प्लावी, फ्लोट करने वाले। तो क्या बोला इसने, इसने कहा भैया क्यों रो रहे हो? बोले इसीलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझसे भयंकर काम कराते हैं, ना सिर्फ मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, सूखे पत्ते जैसी जिंदगी हो गई है, पानी पे यूं घूमता रहता हूं, छोटा सा मैं बेचारा क्या करूं। तो हमने बोला, मैंने बोला, बोला यार भाग जाओ यहाँ से, इसमें क्या दिक्कत है? बोला नहीं, आप देखो ना, मुझे साबुनदानी के अंदर बंद कर दिया, मेरी सेल वॉल साबुनदानी जैसी बना दी, एक के अंदर एक फिट। यानी इसकी सेल वॉल जो है वो सोप बॉक्स जैसी है, साबुनदानी जैसी, ऐसी है ऐसी। इसके अंदर फिर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब कुछ होगा। सोप बॉक्स लाइक है, सोप बॉक्स लाइक। तो हमने कहा ठीक है यार तोड़ दो सोप बॉक्स को, बोला नहीं इंडिस्ट्रक्टिबल है, मेरे को ऐसी जेल में डाला, इसमें सिलिका भरा हुआ है, सिलिका को मैं नहीं तोड़ सकता हूं, इंडिस्ट्रक्टिबल है। सो सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक है, इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका यानी इसमें सिलिका भरा हुआ है, और सिलिका नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है इसे, नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल। कितना बुरा पकड़ा है इसको बेचारे को, मुझे ही रोना आ रहा है। इंडिस्ट्रक्टिबल, तो क्यों रो रहे हो भैया? इसीलिए रो रहा हूं कि मुझसे बहुत काम कराते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, सब जगह काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं, मेरा नाम ही हो गया है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। बिल्कुल छोटा सा मेरा अस्तित्व रह गया है, बस सूखे पत्ते जैसे पानी पे फ्लोट करता रहता हूं। सोप बॉक्स जैसी सेल वॉल, इंडिस्ट्रक्टिबल, सिलिका वाली के अंदर मुझे भर के रख दिया है इन्होंने। बोला अब क्या करोगे, अब तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। बोला देखो अब तो मेरी एक ही आरजू है, जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, पर अब कम से कम मैं नीट के, एनटीए के, एनसीईआरटी के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकूं। तो हम सब ने उसको आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी जीत हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे जीवन की बलिदान वेस्ट ना जाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक समंदर है, ये समंदर का तल है, यहाँ पर मान लीजिए ये डायटम्स है, खूब सारे डायटम या डेस्मिड। ये मर गए, अंदर तो मर गए, ये लिविंग मैटर मर गया, लेकिन इनकी सेल वॉल नहीं मरती है, ये घट्टी होती रहती है, इनके पहाड़ बन जाते हैं, इसे बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और सिलिका है, सिलिका मतलब कांच है, यानी हल्का सा किरकिरा होता है, ग्रिटी होता है, इसीलिए इसे पॉलिशिंग में यूज करते हैं, ऑयल सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। ये मिलियंस ऑफ सालों तक पड़े रहते हैं यानी इसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। डन, चलिए आइए लिख लेते हैं। सो नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल, और ये बनाती है डायटोमेशियस अर्थ, डायटम की बनी हुई डायटोमेशियस अर्थ, जो मिलियंस ऑफ सालों तक रहती है। ऐसा का ऐसा पहाड़ बन जाते हैं इनके, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। और ये ग्रिटी है, ग्रिटी, किरकिरी, इसीलिए इसे यूज करते हैं पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। बस ये खत्म हो गया अपना पूरा का पूरा क्राइजोफाइटा। आ गए मजे आपको? थैंक यू सोनी, थैंक यू वरिंदा, डॉक्टर कालमकार। ठीक है, डन है। प्रेरक कह रहा है आई कैन नॉट बिलीव आई एम एंजॉयिंग बॉटनी क्लास, आई एम हैप्पी। बस ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपको सब्जेक्ट में मजे आ रहे हैं। डन स्टूडेंट्स, फटाफट से यस, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं ये भी, क्या फायदा, लेकिन जेल में बंद कर दिया बेचारों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टीचर्स को कंपेयर नहीं करना, सब टीचर बढ़िया, जिन टीचर का आपको समझ में आ जाए वो सबसे बढ़िया। तरुण सर तो शानदार टीचर है, ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट ग्रेट टीचर, राइट। टीचर और स्टूडेंट में जहां बॉन्डिंग बन जाए, जिन भी टीचर्स को बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, बच्चों का रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो सारे बहुत अच्छे। कभी कंपैरिजन नहीं करना, गुरुओं में थोड़ी ना कंपैरिजन करते हैं। चलो, अब ये जो डायन थी ना स्टूडेंट्स, ये डायन कहाँ रहती है? गहराइयों में। और गहरा कौन होता है? समंदर की फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, झील, समंदर। यानी डायनो फ्लैजिलेट्स में लिख लेना, ये मिलते हैं मेरीन वाटर में, मेरीन। तो डायन रहती है गहराइयों में, समंदर में, ओशियंस में, मेरीन में। इसको भी ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद जगा दी ना दोबारा? बस समीर, यही मुझे करना था, आपको उम्मीद जगानी थी। थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, थैंक यू। आई एम हैप्पी कि आपने मजे करे, आपको मजे आ गए हैं। हाँ, ऋषभ सर भी बहुत बढ़िया है, ऋषभ सर के साथ मैं मिलती हूँ ऑफलाइन में, विद्यापीठ में हम दोनों की क्लासेस होती है, बिल्कुल बढ़िया है। ऑल माई रिस्पेक्ट टू ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। चलिए अब आ जाते हैं अपन फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करें, इस कहानी को दोबारा नहीं बोलेंगे, यूग्लेनॉइड्स पे। यूग्लेनॉइड्स में क्या होता है ध्यान से समझिए। अच्छा, इनमें फ्लैजिला नहीं होते क्राइजोफाइटा में, इसीलिए एनसीईआरटी ने तुमको उड़ा ही दिया है बिल्कुल। यूग्लेनॉइड्स में क्या होता है? ऐसे होते हैं, ऐसे दो फ्लैजिला होता है, एक लंबा और एक छोटा, टू फ्लैजिला, लॉन्गर एंड शॉर्टर। ठीक है, इनमें से लोकोमोशन मूवमेंट में केवल लंबा वाला मदद करता है, सो लॉन्ग एंड शॉर्ट और लॉन्ग वाले के थ्रू ये मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन। आप चाहो तो पूरा एक चार्ट में भी बना सकते हो। देखो, डायन डायनोफ्लैजिलेट्स मेरीन वाटर में रहती है, क्राइजोफाइटा रोतलुओं को सब जगह रखते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, और ये ओनली फ्रेश वाटर। तो मेरीन वाटर, मेरीन एंड फ्रेश वाटर, और ये हो गया फ्रेश वाटर। सो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, और वो भी ठहरे हुए पानी में। भाई फ्रेश वाटर भी दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, बहता हुआ पानी जो नदी का होता है, और झील और तालाब, लेक एंड पॉन्ड का पानी, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब उप्स, वन सेकेंड, सॉरी, कलर चेंज करना था मुझे। अब हैबिटेट तीनों का हो गया। अब आ जाते हैं सेल वॉल पे। फ्लैजिला की बात तीनों में कर ली, हैबिटेट की बात तीनों में कर ली, अब आ जाते हैं फ्लैजिला पे। इसमें फ्लैजिला की बात होगी सेल वॉल पे, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट। इसे पहले टू किंगडम में, एनिमल किंगडम में रखा गया था क्योंकि सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक पतली सी फ्लेक्सिबल प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवरिंग, और इसी के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये अपना शेप बदल के इधर से उधर घूम जाता है। हो गया। चल अब यूग्लेना में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यूग्लेना में एक और बड़ी खास बात है, जब ये फोटोसिंथेसिस करता है ना स्टूडेंट्स, इनके पहले तक देखो पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें तो अलग अलग क्लोरोफिल मिलता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ब्लू ग्रीन एल्गी में पहली बार क्लोरोफिल ए आया था, वो क्लोरोफिल ए डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम सब में है, यूग्लेनॉइड्स में भी है, यूनिवर्सल है। पर क्लोरोफिल बी पहली बार इनमें आया, जो हायर प्लांट्स की तरह इनसे फोटोसिंथेसिस कराता है, क्योंकि क्लोरोफिल बी प्लांट किंगडम में मिलता है। सो इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है लाइक हायर प्लांट। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए पहली बार ब्लू ग्रीन एल्गी में आ गया है, और यहां ए तो है ही, क्लोरोफिल बी है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ऑलराइट, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब आइए एक एक लाइन की आपको ट्रिक्स दिखाती हूं। सबने नोट कर लिया? चलो एक एक लाइन की ट्रिक सीखते हैं। चलिए, सो स्क्रीनशॉट ले लेना। डायएटम और डेस्मिड के लिए हमारी ट्रिक है, सौरभ गांगुली को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन दे दो, क्योंकि वो पढ़ाई करते टाइम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था और हमारी कंट्री को प्राउड कर रहा था। सौरभ गांगुली शुड बी डायरेक्टली एंटर्ड इन पीएचडी क्लास। सौरभ मतलब इसकी दीवार में है सिलिका, गांगुली मतलब ग्रिटी, किरकिरी। सोप बॉक्स की तरह शुड बी यानी सोप बॉक्स जैसी सेल वॉल है। ये सारे पॉइंट सेल वॉल के लिए है। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल एंड जो है पॉलिशिंग में यूज होता है। डायरेक्टली एंटर्ड मतलब डायएटोमिशियस अर्थ बनाता है। पी मतलब ये फोटोसिंथेटिक है और इनमें पिगमेंट्स भी मिलेंगे। एच मतलब इनका हैबिटेट, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर दोनों है, इन्हें दोनों जगह फेंका जा रहा था। और डी मतलब इसमें डायएटम, डेस्मिड्स आते हैं, और डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इनसे इतना काम कराते हैं कि इन्हें बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये एनसीईआरटी की पूरा पैराग्राफ है जिसे मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। फटाफट से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अब आपको एक ट्रिक से याद कराती हूँ। ये देखो, ये गोनी है अपना, ठीक है ना, गोनियोलेक्स, इसकी ट्रिक ये रही। टफ ग्रेड्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टीचर्स हमेशा कम नंबर देते हैं। बायो तो अपनी बढ़िया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टफ ग्रेड्स। टफ मतलब इसमें टू फ्लैजिला है, शक्तिमान जैसे वो डायन बताई थी आपको। ग्रेड मतलब इसमें गोनियोलेक्स है जो रेड टाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, पिगमेंट्स मिलेंगे। सेल्यूलोज की प्लेट्स है आउटर सरफेस पे। डायन रहती है मेरीन पानी के अंदर, समंदर में, गहरे पानी में, और डायन जहरीले टॉक्सिन्स रिलीज करती है, खासतौर पे वो लाल कलर वाली डायन यानी गोनियोलेक्स। डन, क्लियर हो गया। नंबिलाए, हेलो, प्लैंकटन का मतलब होता है जो तैरते नहीं है, पानी के बहाव से, जैसे एक पत्ता डाल दो पानी के करंट से इधर का उधर चला जाता है, वैसा हो जाता है। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, जब आपकी क्लास करता हूं बायोलॉजी के प्यार में पड़ जाता हूं। बस यही तो है, प्यार ही तो होना चाहिए। जहां प्यार होगा वहां फिर आप कुछ भी करोगे, वहां नींद आराम हो जाती है ना। ठीक है, चल अब आइए यूग्लेनॉइड्स की ट्रिक। सब नोट कर रहे हो ना, ये देखो ये यूग्लिना बना हुआ है, ये देखो इसके दो फ्लैजेला बने हुए हैं लॉन्ग और शॉर्ट, बाकी इसमें न्यूक्लियस भी बना हुआ है, यूकैरियोटिक है ना। चल यूग्लिनॉइड की हमारी ट्रिक है, हैरी पॉटर की बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BFF ऐश्वर्या है और ऐश्वर्या के हस्बैंड के पास कबड्डी की टीम है, अभिषेक बच्चन, तो वो कबड्डी या जो भी गेम है वो खेलती है, काफी स्पोर्टी है। डन। सो हैरी मतलब इसका हैबिटेट है ठहरा हुआ फ्रेश वाटर, पी से इसमें पेलिकल है प्रोटीन रिच कवरिंग जो इसे फ्लेक्सिबल बनाती है, इसकी बॉडी को, सेल वॉल एब्सेंट है, दो फ्लैजिला है लंबा छोटा, लंबा वाला करवाता है लोकोमोशन। एश का मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हेट्रोट्रॉफिक शिकार पकड़ के खाते हैं, और पी मतलब फोटोसिंथेसिस सनलाइट में करेंगे, और पिगमेंट्स लाइक हायर प्लांट्स हैं। स्टूडेंट्स पूरी एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स देख लेना, इन तीन स्टेटमेंट से पूरा डायएटम्स, डेस्मिड, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड मैंने आपकी टिप्स पर बता दिया है। डन, इज इट क्लियर? ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको उस कहानी से याद करना है कंटेंट से तो वैसे याद कर लो, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो वैसे याद कर लो, पर मैं एक ही चीज बोलूंगी, जैसे भी याद कर रहे हो उसे वैसे ही याद करना, वैसे ही लर्न करना, उसी से रिवाइज करना, उसी से री रिवाइज करना। ट्रिक से लर्न कर रहे हो तो बार बार ट्रिक से ही रिवाइज करना, कहानी से लर्न कर रहे हो तो बार बार कहानी से ही रिवाइज करना। डन। चलिए अब आइए हम आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे, एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है, ये थोड़ा सा समझाऊंगी फिर पूरी एनसीईआरटी एक ट्रिक से याद करा दूंगी। देखिए समझिए, देखो स्लाइम मोल्ड कैसा होता है, मैं 3D डायग्राम लगा नहीं पाई हूं वरना आपको दिखाती, वो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो एकदम से कुछ लिक्विड जैसा आता है, वो फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है। कई बार आप लकड़ियों पे देखोगे, पेड़ों की डंगालों पे देखोगे, तो ऐसा कुछ लिक्विड सा चिपचिपा सा आता है, वो फैलता जाएगा, ऐसे दिखेगा आपको फैलता हुआ फैलता हुआ फैलता हुआ। ये स्लाइम मोल्ड है, सैप्रोफिटिक है, उस डीकेइंग मरती हुई सड़ती हुई लकड़ी को खाता है। ऐसे स्लाइम मोल्ड की स्टेज को प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस प्लाज्मोडियम का उस प्लाज्मोडियम से कोई लेना देना नहीं है जो मलेरिया करता है, वो प्रोटोजोआ है। इतना क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ बहुत टाइम है अनुष्का, स्ट्रेस नहीं लेना है, हंसते हुए पढ़ना है, पर सिंसियरली पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल डॉक्टर सचिन, अब तो सब हलवा हो गया है अपने लिए। चलो तो सपोज करो ये ऐसा फैली हुई बॉडी है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वेजिटेटिव स्टेज है ये, इसकी वेजिटेटिव स्टेज। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे, और हर न्यूक्लियस में हर क्रोमोजोम की दो दो कॉपी होती है, यानी डिप्लॉइड है 2n पर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये उस मरती हुई सड़ती हुई लकड़ियों पे सेवरल फीट तक फैलते जाते हैं फैलते जाते हैं। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते रहते हैं और फिर फैलते रहते हैं, पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इमेजिन करो ऐसा लिक्विड फैला हुआ है चिपचिपा सा, और उसमें से ऐसा उठा हुआ एक स्ट्रक्चर बना, उसी में से ऐसे बन रहा है, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है स्टूडेंट्स तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी फंगस का कैरेक्टर है, आज पढ़ेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी बनना फंगस जैसा है, सैप्रोफिटिक होना फंगस जैसा है, सैप्रोफिटिक। डायनोफ्लैजिलेट, डायएटम, यूग्लिनॉइड, ये खाना खुद बना रहे हैं, प्लांट जैसे हैं। यूग्लिनॉइड होलोजोइक भी है, एनिमल जैसा भी है। प्रोटोजोआ होलोजोइक पूरे एनिमल जैसे हैं, ये फंगस जैसे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी थोड़ी देर बाद, ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है ऐसे, ये इसी से, इसका हर सब में न्यूक्लियस होंगे खूब खूब सारे, वही 2n वाले। इसे स्पोरेंजिया बोलते हैं, हालांकि वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया। इनमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो इसके अंदर स्पोर बन जाएगा, स्पोरेंजिया में बनेगा स्पोर मियोसिस से, और मियोसिस हो रहा है तो स्पोर हैप्लॉइड हो जाएगा n, और स्पोर अपने चारों तरफ सेल वॉल बनाते हैं सेल्यूलोज की। ये पेड़ों जैसा कैरेक्टर आ गया, क्योंकि फंगस में तो काइटिन की सेल वॉल होती है, सो स्पोर जो है इनमें ट्रू वॉल मिलती है सेल्यूलोज की बनी हुई, ये पेड़ों जैसा कैरेक्टर है इसका, सिर्फ स्पोर में वॉल मिलती है, बाकी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं मिलती। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोर फटे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर हवा के थ्रू बाहर निकलेंगे, सो डिस्पर्स्ड बाय एयर, हवा एयर करेंट्स के थ्रू, दूर दूर लैंड करेंगे, लैंड करके अपनी सेल वॉल तोड़ेंगे और अब गैमीट्स की तरफ बिहेव करके फ्यूज करेंगे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसके बाद होगा, दो स्पोर हैं सपोज करो, ये गैमीट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने फ्यूजन कर दिया यानी फर्टिलाइजेशन कर दिया यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है। ऑफ कोर्स फेवरेबल कंडीशन आ गई है और अब ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में आप जानते हो एक सेल है और एक न्यूक्लियस है जो डिप्लॉइड है। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगा, लेकिन कैसा डिवीजन होगा? न्यूक्लियस तो डिवाइड करते रहेंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो एक सेल में दो न्यूक्लियस, एक सेल में चार न्यूक्लियस, एक सेल में आठ न्यूक्लियस, यानी अल्टीमेटली ये बन गया। सो कैरियोगैमी तो हो रही है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है सॉरी, बट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दोबारा बन गई। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। इस तरीके की पूरी बॉडी होती है। इतना अच्छे से क्लास में समझ में आ गया सबको? एएफएमसी डॉक्टर मधु, अनुराधा, वलोरांत, एक दिन में दो ही क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स। अभी वो शेड्यूल आपके पास हर हफ्ते आता रहेगा, डोंट वरी, अदरवाइज कैसे खत्म होगा, है ना? ठीक है ना? कैसे कोर्स खत्म होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। चलिए, अब इतना सबने बना लिया, सबको क्लियर है। अब आपको मैं एनसीईआरटी की लाइंस दिखाती हूं, आपके लिए 2 मिनट का खेल है। आओ आपको ट्रिक से ही सीधे याद करा देती हूं। ये देखो, ये स्लाइम मोल्ड बना हुआ है, ये प्लाज्मोडियम है उसका, ये चारों तरफ चिपचिपी लेयर है और ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी हम फेसबुक या कहीं पर भी स्टेटस डालते हैं तो अपनी सबसे सुंदर पिक्स लगाते हैं। सो प्लीज शो ब्यूटिफुल पिक्स ऑन एफबी स्टेटस। प्लीज मतलब ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टा किंगडम। शो मतलब ये सैप्रोफिटिक है। बी मतलब इनकी बॉडी मूव करती है, मरती हुई डंगाले, पत्तियां उनका ऑर्गेनिक मैटर खाती हुई, डेड को खा रही है, सैप्रोफिटिक है। प्लाज्मोडियम इसकी मेन स्टेज है जो सेवरल फीट तक फैलता रहता है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, डिप्लॉइड है। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर टिप पर स्पोरेंजिया है, उसमें स्पोर बनेंगे यानी स्पोर्स टिप्स पर बनते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें ट्रू वॉल है, रेजिस्टेंट है, हवा के करंट से दूर दूर जाएगा और फिर नया प्लाज्मोडियम बनाएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर आ गया है तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिए, आप लोग भी पानी पी लीजिए, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड। एक एक शब्द एनसीईआरटी का स्ट्रिक्ट में आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। साहिल, वो छोड़ दो आप मीजो कैरियोट वाला पॉइंट, है ना? आप सही बोल रहे हो, यू आर राइट, पर मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। डन 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 डन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अल्ताफ, संध्या, डॉक्टर गौरव, किरण, मोनिका, नाजनीन, शेख, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स निपट गया, क्राइसोफाइटा निपट गया, यूग्लेनॉइड्स निपट गया, स्लाइम मोल्ड्स निपट गया, ठीक है। ब्रेक हो रहा है ना? ये देखो, ब्रेक ही तो हो रहा है। मैंने तो अपना पानी भी पी लिया, मैंने 2 बादाम भी खा लिए, ठीक है, ये ब्रेक हो गया है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी ओपन कर लो सब लोग। आज देखो, ट्रिक से लर्न करोगे ना तो ट्रिक से ही लर्न करना, ट्रिक से ही रिवाइज करना। आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी स्टूडेंट जब मेरे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं ना, मेरे दिमाग में ट्रिक चल रही होती है, पर होता क्या है, मैं इतनी बार ट्रिक से याद कर चुकी हूँ, रिवाइज कर चुकी हूँ, इतनी बार ट्रिक यूज कर चुकी हूँ कि मेरी ट्रिक फटाफट दिमाग में आती है और मैं खटाक से आंसर लगा देती हूँ। स्टूडेंट जिसके पहले समझ पाए कि मैं सोच रही हूँ ट्रिक के थ्रू, मैं आंसर दे देती हूँ, उसको लगता है मैडम देखो आपको तो सब कुछ याद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा पांचाल, कम से कम 1 घंटे का ब्रेक दो, बहुत बढ़िया। आप पूरा ब्रेक ले लो, क्लास ही छोड़ दो, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है यार, डेढ़ महीना बचा है हार्डली। 19 लाख में से हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाला है वो दिन रात मेहनत कर रहा है इस समय पर। मैं तो इतना ब्रेक भी दे रही हूँ आपको, इतना ब्रेक भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अमान, थैंक यू आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू। बस यही प्रे करिए कि हेल्थ अच्छी रहे हम लोगों की, हमारी फैमिली की, ताकि हम पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ा सके, आप लोगों के साथ बने रह सके। तो सारे स्टूडेंट्स जो है अच्छी हेल्थ की दुआ दीजिए अपने सभी टीचर्स को, उनकी फैमिलीज को, ताकि वो फुल कंसंट्रेशन से आपके साथ में पढ़ सके। चलिए अब निकालिए एनसीईआरटी, आइए पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। मार्क करिए। प्रोटोजोआ मार्क करो एनसीईआरटी में, हेटरोट्रॉफ्स है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, शिकारी या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल के, क्योंकि एनिमल मल्टी सेल्यूलर है, एनिमल किंगडम, ये यूनिसेल्यूलर है बिल्कुल एनिमल की तरह। एनसीईआरटी में लिखो इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें भी पेलिकल मिलती है वही जो यूग्लेनॉइड्स में मिलती है, एक्सेप्ट अमीबॉइड प्रोटोजोआ। जो अमीबा जैसे हैं उनमें पेलिकल नहीं है, अमीबॉइड वालों में नहीं है, बाकी सब में फ्लेक्सिबल कवरिंग पेलिकल मिलती है। नाउ ठीक है, सेल वॉल किसी में नहीं मिलेगी। चार मेजर ग्रुप्स हैं। पहले क्वेश्चन आता था ये ग्रुप्स किस आधार पर बनाए हैं, लिखिए एनसीईआरटी में, बेसिस, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, प्लैजिला के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सीलिया के थ्रू जाता है, सूडोपोडिया के थ्रू जाता है, या कुछ भी नहीं है। फिर कुछ भी नहीं है तो कैसे जाता है अभी वो सिखाऊंगी। अब अमीबॉइड, अमीबॉइड में आता है अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा फ्री लिविंग है, एंट अमीबा बीमारी करता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं ना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबियासिस होता है, सो एंट अमीबा पैरासाइट है। और अमीबा लिखो फ्री लिविंग है, ये पैरासाइट नहीं है, किसी होस्ट पर नहीं रहता है। अब ये सब फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी, यानी सब तरह के पानी में, गीली मिट्टी में मिलते हैं, मार्क करिए फटाफट से। ये चलते भी सूडोपोडिया के थ्रू हैं और शिकार भी पकड़ते हैं, जैसे मान लो यहां शिकार है, ये सूडोपोडिया बनाया, इसको अंदर ले लिया। यूकैरियोटिक हैं, लाइसोसोम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, उससे से निपटा देते हैं। तो दो काम है, सूडोपोडिया के थ्रू मूव भी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, और सूडोपोडिया के थ्रू अपना शिकार भी पकड़ रहे हैं। सूडोपोडिया जिन्हें बोलते हैं फॉल्स फीट। तो पैरासिटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, अमीबा एंट अमीबा, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, गीली मिट्टी, सूडोपोडिया के थ्रू मूव भी करते हैं, खाना भी लेते हैं। अब इनके कुछ मेरीन फॉर्म्स हैं, अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, कुछ मेरीन फॉर्म्स हैं, वो अपने चारों तरफ सिलिका का कवच बनाते हैं। इसे सिलिका, ये ग्लास है, कांच है, ये भी सालों साल पड़ा रहता है, ऐसा का ऐसा, अंदर वो मर जाता है पर सिलिका की शेल पड़ी रहती है, उसे भी पहले बर्तन घिसने में काम लिया जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड वाले में ट्रिपैनोसोमा आता है, इसके अलावा एक और लिखो, लिशमानिया। लिशमानिया से आप जानते हो काला आजार होता है, जिसे डमडम फीवर भी बोलते हैं, काला आजार या डमडम फीवर। काला आजार इसीलिए बोलते हैं, काला पड़ जाता है इंसान, आरबीसी टूटने लगते हैं और बुखार आता है। और ट्रिपैनोसोमा से आप जानते हो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रिपैनोसोमा से। यानी इस मेंबर में भी फ्री लिविंग भी है और पैरासाइट्स भी हैं, फ्लैजिला की तरह की थ्रू मूव करेंगे, मूव करेंगे। अब सिलिएटेड में घिसा पिटा हमारा प्यारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम। एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखी है, मैं बताना भूल गई आपको, स्टार्टिंग में लिखी हुई है कि प्रोटेस्टा किंगडम जब बनाया तो उसमें पैरामीशियम और अमीबा भी आ गया, जिसमें सेल वॉल नहीं है, प्रोटोजोआ है, पहले एनिमल किंगडम में रखा था, और इसमें क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला भी आ गए, जो यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी, सेल वॉल है, पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। तो ये लाइन भी हो गया है। अब सीलिएटेड वाले पानी में मिलते हैं और इनमें सीलिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ऐसे खूब सारे सीलिया होंगे, और इन सीलिया के थ्रू ये मूव भी करते हैं और खाना भी पकड़ते हैं। इनमें एक ऐसा छेद मिलता है मुंह जैसा, एक ऐसा छेद मिलता है एनस जैसा, इस तरह का एक पैरिंग्स मिलता है, यहाँ भी सीलिया होते हैं, पानी में रहते हैं, पानी से खाना अंदर आएगा और सीलिया के थ्रू मूव करेगा, फिर लाइसोसोम के साथ जुड़ के इस खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा। यानी इनमें भी थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं और उनकी मदद से ये मूविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं। मूविंग, ये मूविंग है, ये लोकोमोशन करते हैं इससे। इनमें कैविटी गलेट है जो बाहर की तरफ खुल रही है, सीलिया के मूवमेंट के कारण से पानी जिसमें खाना भरा हुआ है, पानी जिसके अंदर खाना है, वो इनकी बॉडी में अंदर आता है। तो इनके सीलिया भी दो काम कर रहे हैं, एक सीलिया लोकोमोशन करवा रहा है सूडोपोडिया की तरह, और यही सीलिया खाना पकड़ने में भी हेल्प कर रहा है। फ्लैजिला के साथ ऐसा नहीं है, फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब थैंक यू ओ मिस्टर देव, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन पीवाईक्यू आया हुआ है जो कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया, इनमें लिखो टू टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, टू टाइप न्यूक्लियस। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंडेड और आंसर था सिलिएटेड। देखिए समझिएगा, इनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा माइक्रो और एक बड़ा मैक्रो। मैक्रो वाला, माइक्रो वाला जो है इसके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं यानी हेरिडिटी में रोल प्ले करते हैं, और माइक्रो वाला जो है वो इस पूरे सेल को, एक ही सेल का तो बना है, प्रोटिस्टा है ना, इसे कंट्रोल करते हैं यानी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता, हमारा एक ही न्यूक्लियस है, उसी के थ्रू सेल की एक्टिविटी भी कंट्रोल हो रही है और उसी के जीन्स, उसी के क्रोमोसोम जीन्स आगे जनरेशन में भी जा रहे हैं। ये PYQ है, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा अगर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मिल सकता है किसी भी प्रोटोजोआ में, ठीक है। चलिए अब ये एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए और देखो यहां से क्वेश्चन बना दिया था, ये न्यूक्लियस है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। दो तरह के न्यूक्लियस होंगे, छोटे बड़े, ये बहुत सारे सीलिया हैं, यहाँ ये गलेट है और ऐसे करके पानी से अंदर जाएगा। तो एनसीईआरटी में गोनियोलेक्स डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम है, एनसीईआरटी में यूग्लेना का डायग्राम है, एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है और एनसीईआरटी में पैरामीशियम का डायग्राम है। एनसीईआरटी में क्राइजोफाइटा का कोई डायग्राम नहीं है। इतना सबको क्लियर हो गया। देखो मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है क्योंकि आपने 5 मिनट का ब्रेक मांगा था तो मैंने आपको लिखवाया भी नहीं, देखो ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए मुझे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अब आइए यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। हाँ अभी क्यों खत्म हो गई, स्पोरोजोआ भी तो है भाई, 4था क्लास। तो पहला हो गया फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, अमीबॉइड। फ्लैजिला के थ्रू मूव कर रहा है, सीलिया के थ्रू मूव कर रहा है, सूडोपोडिया के थ्रू मूव कर रहा है। चौथा जिसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, लिखिए नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है, फिर ये चलेगा कैसे, चलेगा नहीं तो फिर खाना कैसे पकड़ेगा। ये ऑल एंडो पैरासाइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से खाना एब्जॉर्ब करते हैं, चलने फिरने की जरूरत ही नहीं है। सो इसमें इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड बनेगा, स्पोर लाइक स्टेज बनेगी, याद है ना आपको। इसमें प्लाज्मोडियम आएगा जो मलेरिया करता है, मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम, जिसमें स्पोरोजॉइड इन्फेक्टिव स्टेज है। डन, यस 2 घंटे हो गए हैं, हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, मोनेरा पढ़ लिया है और प्रोटेस्टा कंप्लीट कर दिया है। अब आइए हम आते हैं किंगडम फंजाई पे। चलिए कुछ लाइंस एनसीईआरटी में मार्क करते हैं ताकि हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें और इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से समझना है। अब मार्क करिए मेरे साथ, सबके पास है एनसीईआरटी। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां लिखा है यूनिक किंगडम। यूनिक क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक हमने मोनेरा प्रोटेस्टा पढ़ा है जिसमें ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों थे। अब इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, अभी हम देखेंगे। फंजाई में यीस्ट आता है जिससे बियर और ब्रेड बनता है, फंजाई में मशरूम आता है जो हम खाते हैं, फंजाई में टोडस्टूल आते हैं जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, फंजाई में पक्सीनिया, अस्टिलागो जो गेहूं खराब कर देते हैं वो भी आते हैं, ब्रेड खराब करने वाले भी आते हैं, फ्रूट्स पे भी काला 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 फंगस लग जाता है, मस्टर्ड सरसों की पत्तियों पे काली काली वाइट कलर की फंगस लग जाती है, फंगस में पेनिसिलियम भी आता है जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है जो हमें कई बैक्टीरियल बीमारियों से बचाती है। यानी इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के यूजेस और हार्म्स हैं। सो फंगस कहाँ मिलती है, मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन सड़ते हुए फ्रूट, मशरूम जो हम खाते हैं, टोडस्टूल जो जहरीला मशरूम है, सरसों की पत्तियों पे सफेद सफेद स्पॉट्स भी एक पैरासिटिक फंगस है, और इकलौता यूनिसेल्यूलर फंजाई होता है यीस्ट जिससे हम ब्रेड और बियर बनाते हैं। इसके अलावा गेहूं की फसल खराब करते हैं, व्हीट रस्ट करने वाला, व्हीट रस्ट यानी व्हीट में जंग लगा दिया, गेहूं खराब कर दिया, पक्सीनिया। ये सब लाइंस आनी चाहिए। आप चाहें तो आज घर पे, अगर नोट से पढ़ने की आदत है तो नोट्स में उसको लिख लेना, जैसे मैं पॉइंट्स लिखती हूँ पॉइंटर्स बना लेना, और वरना यहीं लिख सकते हैं। नोटोरियस मतलब नटखट, ठीक है। चलिए नटखट क्या है, मलेरिया कर देता है, बड़ा खतरनाक है, फैल्सीपेरम वाला हो तो सबसे खतरनाक है, निपटाई देगा। चलिए अब फंजाई किंगडम में एंटीबायोटिक का सोर्स भी है जैसे पेनिसिलियम। अब फंजाई भी सब जगह मिलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज लिखिएगा। PYQ ऐड करो, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कौन सा है, और आंसर है फंजाई, सब जगह मिलते हैं। देखो वैसे तो मोस्ट अबंडेंट जो है वो मोनेरा है, बैक्टीरिया है, पर मोस्ट डाइवर्स भिन्नता सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी में मिलती हैं। सो ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो सब जगह मिलता है। सब जगह मतलब हवा में, पानी में, मिट्टी में, पेड़ों पे, जानवरों पे, सब जगह। क्लियर हो गया। अब फंगस आप सब जानते हो कब ग्रो करता है, कब हमारी सब्जी, फल, ब्रेड ज्यादा खराब होती है, चिपचिपा उमस वाला मौसम, जब ना पूरी गर्मी गई है ना पूरी सर्दी आई है, तो वो जो बरसात वाला मौसम है, इसीलिए फंगस यहाँ ग्रो करता है, थाइस के फोल्ड्स पे ग्रो करता है, यहाँ ग्रो करता है, दाढ़ी में जहाँ चिपचिपा है वहां ग्रो करता है, बालों में, स्कैल्प में जहाँ चिपचिपापन है वहां ग्रो करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, ह्यूमिड एंड वार्म, थोड़ी सी नमी और थोड़ी सी गर्मी, और इसीलिए खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंजाई के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव ना हो और खाना खराब होने से बच जाए। डन, क्लियर है। गौरव, पांचाल, मुकेश, वाही, आयुष्मान, अनुराधा, आराध्य, एवरीबडी। सो प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। अब आइए फंगस, अच्छा इसकी सेल वॉल भी बता चुकी हूं, पहले ही लिखवा दिए, काइटिन प्लस सेल्यूलोज की बनी है। चलो अब आओ फंगस के स्ट्रक्चर पे। आइए अब लिखिए, वापस आ जाओ रजिस्टर पे। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई दो तरह के हैं, यूनिसेल्यूलर, जिसका इकलौता एग्जाम्पल है, इकलौता यीस्ट। कायदे से तो यीस्ट यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोट है, प्रोटेस्टा में रखना चाहिए पर प्रोटेस्टा में नहीं रखा। मैं क्लास के एंड में मेरा टेलीग्राम आईडी दे दूंगी स्टूडेंट्स, और इंस्टा आईडी भी दे दूंगी, ठीक है। चल अब बाकी सारे हैं मल्टी सेल्यूलर, सारे तो मोनेरा यूनिसेल्यूलर है, प्रोटेस्टा पूरा यूनिसेल्यूलर है, फंजाई सारे मल्टीसेल्यूलर है, इकलौता यीस्ट यूनिसेल्यूलर है। अब मल्टीसेल्यूलर कैसे होता है, आइए बनाइए मेरे साथ। हमने उस टेबल में पढ़ा था आज ही कि इसकी जो बॉडी है वो लूज टिश्यू की बनी है, ऐसी फैली हुई सी बॉडी होती है। क्या होता है समझो, बनाइए। सपोज ये एक स्पोर बना, ठीक है, इससे एक लंबा पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने क्या कहा, लॉन्ग, लंबा, पतला, स्लेंडर, धागे जैसा, थ्रेड लाइक। एक एक शब्द अपनी मातृभाषा में याद करो, जैसे मैं हिंदी में याद करती हूँ, लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफा, प्लूरल हो जाता है हाइफी, ये हो गया हाइफी। अब ये हाइफी दो तरह का हो सकता है, समझिएगा, बहुत आसान है। अगर मान लो बीच बीच में दीवार है, बाकायदा अलग अलग सेल्स हैं, सब हैप्लॉइड होते हैं, ये एन होता है हैप्लॉइड, बीच बीच में सेप्टा है यानी सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी। इसमें सेप्टा या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट। और अगर ये सेप्टा घुल गए तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी। न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं पर बीच की दीवारें गायब हो गई यानी एसेप्टेट, और एसेप्टेट जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई है, और मल्टी न्यूक्लिएट को सीनोसिटिक बोलते हैं, यानी ये सीनोसिटिक हाइफी हो गया, सीनोसिटिक। ये ऐसा लगता है जैसे एक लंबा सा ट्यूब है जिसमें साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। एनसीईआरटी लिखती है, एक एक शब्द आना चाहिए, लॉन्ग ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब ऐसे एग्जाम्पल्स लर्न कराऊंगी आपको, ट्रिक से सब कुछ रट जाएगा, बस आप फुल कॉन्सेंट्रेशन दो, क्लास छोड़ के नहीं भागना, हिम्मत नहीं हारना है, नीट के लिए पढ़ना है, नीट 2023 क्रैक करना है। कुछ मत देखो, थकान वकान कुछ नहीं होता, 1 घंटे कम सोने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा उठो, 1-2 मोबाइल हाथ में रख के थोड़ा सा चक्कर करो, टहलो इधर उधर, थोड़े पैर वैर सीधे हो जाए और पढ़ लो। मैं तो 7 बजे से पढ़ा रही हूँ, हम सारे टीचर्स जो भी आपको इस समय पढ़ा रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो करियर बनना है, क्यों नहीं मेहनत करना है अपने को। अब ये लोअर फंजाई में मिलता है, लोअर फंजाई वाले ग्रुप को बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज। ये लोअर फंजाई है और ये मिलते हैं हायर फंजाई में, ये वाली कंडीशन हायर फंजाई। और इसको रटना बिल्कुल मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि ये एडवांस्ड। क्या है एडवांस, तो ये है ना बाकायदा प्रॉपर सेल्स बने, दिस इज मोर एडवांस्ड। तो एडवांस्ड वाले फंजाई में ये मिलता है। इसके अंदर 3 क्लास आती है, बोलो मेरे साथ, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज वर्ड माइको से आया है, माइको का मतलब ही फंगस होता है, फाइको का मतलब एल्गी होता है, माइको का मतलब फंगस होता है। इसमें हो गया एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये आपको बहुत काम आएगा। अभी जब अलग अलग ग्रुप्स लिखे हैं ना एनसीईआरटी में, तो आप एक साथ पता है ना तो ग्रुप्स फटाफट याद करा दूंगी आपको 2 मिनट में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू बिग बर्ड, थैंक यू नेहा। क्लियर हो गया है। गौरव, अनुराधा, जो स्टूडेंट्स मैसेज नहीं कर रहे हैं एक बार मुझे थम्स अप दे दो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप सब हो मेरे साथ बने हुए हो। चलो अब ये हाइफी की बात की अपन ने, पर फंगस की बॉडी एक ऐसी थोड़ी होती है, बहुत सारे हाइफी बनते हैं और आपस में जाल बना लेते हैं, यानी हाइफी का नेटवर्क बन जाता है। आप नीचे भी लिख सकते हो नेटवर्क ऑफ हाइफी, और जब इन हाइफी का नेटवर्क बन जाता है उसे कहते हैं माइसीलियम। लूज टिश्यू है, ऑर्गन्स नहीं बने हैं। माइसीलियम भी 2 तरह के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हाइफी है तो माइसीलियम भी ऐसा बनेगा, और ऐसा हाइफी है तो माइसीलियम भी ऐसा बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मुझे मिल गया आपका ढेर सारा प्यार। तो माइसीलियम भी 2 तरह के हो गए, सेप्टेट और सिनोसिटिक, यानी एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिंपल सी बात है भाई, ये फाइकोमाइसिटीज में मिल जाएगा, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो में ऐसा मिल जाएगा, यानी ऐसा मिलता है ये ऐसा ऐसा। अगर सेप्टेट है तो ऐसा हो जाएगा सब में न्यूक्लियस, और एसेप्टेट है तो सेप्टा गायब हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये, इसमें से ब्रांचिंग्स भी होती हैं, इससे ब्रांचिंग्स भी हैं, यानी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो मैं अभी आपको पढ़वाऊंगी, फाइकोमाइसिटीज में लिखा है अलग से एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो में अलग अलग, तीनों में लिखा है सेप्टेट एंड ब्रांच। मुझे तो एक साथ आ गया, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। गौरव, आप हिंदी मीडियम है, अगर टर्म्स आपको आते हैं तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, थैंक यू। पर बहुत ग्रेट ग्रेट टीचर्स और है दुनिया में, मैं हर रोज उनसे सीखती हूँ, हर रोज देखती हूँ और लर्न करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, सो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर में हाइफी बनेगा, हाइफी का जाल मिलकर माइसीलियम बनाएगा जो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हो सकता है या एसेप्टेट यानी सिनोसिटिक हो सकता है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इतना डन हो गया, हटा दूं ये, सबने लिख लिया। चलिए, सो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। चलिए अब वापस एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी ओपन करो। अभी मैं लिखवा चुकी थी आपको उस टेबल के अंदर कि सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी है। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किए वो शुरू का आधा घंटा देख लेना। हेट्रोट्रॉफिक हैं और ज्यादातर सैप्रोफाइट्स हैं। इस लाइन को भी मैं लिखवा चुकी हूँ उसी टेबल में कि ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट से एब्जॉर्ब करते हैं। ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। मैं आपको ये भी लिखवा चुकी हूँ कि इनमें से कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग पेड़ और जानवरों के ऊपर रहेंगे। जो आपको नहीं लिखवाया है मार्क करिए, ये सिंबायोटिक भी हो सकते हैं, सिंबायोटिक। सो सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं और सिंबायोटिक हो सकते हैं। अब सिंबायोटिक में 2 हैं जो आप सबको रटा हुआ है, एक लाइकन्स जो एल्गी के साथ रहते हैं, हम आज पढ़ेंगे, और एक माइकोराइजा जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ रहते हैं। दोनों का फायदा होता है। क्लियर है, ठीक है, डन। आगे बढ़ जाओ। सो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिंबायोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट्स मुझसे इंस्टा या टेलीग्राम पे पूछ लेना। अब हेडिंग लिखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये आ गया तो अलग अलग ग्रुप्स जब पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। 3 तरह का रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट्स, आइए बनाते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, मोस्ट कॉमनली होता है फ्रैगमेंटेशन से, मतलब एक पीस टूटेगा और उससे नया फंजाई बन जाएगा। सारे ग्रुप्स में फ्रैगमेंटेशन तो होता ही होता है, पर जिसमें सिंगल सेल वाला यीस्ट है उसमें बडिंग, हमने यीस्ट में बडिंग पड़ी है ना, हमेशा ऐसे करके बड बन जाता है। और यीस्ट में फिजन भी हो सकता है, 1 सेल से 2 सेल बन जाए, यानी बडिंग और फिजन, पर यह केवल यीस्ट में होता है। यीस्ट सॉरी बडिंग एंड फिजन ये यीस्ट में होगा, बाकी सब में फ्रैगमेंटेशन, एक पीस टूटेगा और उससे नया फंजाई बन जाएगा, टोटीपोटेंट सेल्स होंगे, ठीक है। अब दूसरा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में स्पोर्स बनेंगे। अब समझो स्पोर्स तो सेक्सुअल में भी बनते हैं, एसेक्सुअल में भी बनते हैं, पर एसेक्सुअल में माइटोसिस से बनेंगे, सेक्सुअल में मियोसिस होगा, यानी स्पोर फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, एक फंगस है, हर सेल हैप्लॉइड है, एक सेल ने स्पोर बना लिया, वो भी हैप्लॉइड है, माइटोसिस से बनाया है, उस स्पोर ने कहीं जाकर और नया फंगस बना दिया, वही माइटोसिस से डिवाइड कर करके, ठीक है। अब तीन तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तीन तरह के, आइए लिखते हैं 1, 2 एंड 3। पहले होते हैं जू स्पोर्स, दूसरे होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, अभी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी जब ग्रुप्स पढ़ोगे इसके कारण से, और तीसरा कोनिडिया। अब जूस्पोर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, स्पोरेंजिया कहेंगे ऐसा, इसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, जहां लैंड करेगा वहां नया फंगस बना देगा। सब माइटोसिस हो रहा है, कोई मियोसिस नहीं हो रहा, सब कुछ हैप्लॉइड है, यानी जू स्पोर जो हैं ये मोटाइल होंगे, नाम ही है ना जू, जू मतलब जानवर, एनिमल, मोटाइल है यानी इनमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड है, और अंदर बन रहे हैं एक स्ट्रक्चर के, एंडोजीनस बन रहा है, एंडोजीनस। फिर वो स्पोरेंजिया फटेगा, ये बाहर निकलेंगे, जहां भी लैंड करेंगे वहां पे नया फंगस बना देंगे। नाउ स्पोरेंजियोस्पोर भी ऐसे ही होते हैं, ये भी जैसे सपोज करो ये एक स्पोरेंजिया बना, इसके अंदर माइटोसिस से स्पोर्स बने, हैप्लॉइड है, स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, नया फंगस बना देगा, सब कुछ सेम है, पर फर्क इतना है कि ये नॉन मोटाइल हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, बनते ये भी एंडोजीनस हैं बट नॉन मोटाइल हैं, और क्योंकि ये नॉन मोटाइल है इसे ही बोलते हैं ए प्लानोस्पोर्स। ए मतलब एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट है, ए प्लानोस्पोर इसी का दूसरा नाम है। एनसीईआरटी में दोनों नाम अलग अलग जगह पे लिखे हैं, मैं एक साथ बता रही हूँ। यस, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा और बहुत याद करने का चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप चाहते हो मैं बेसिक से भी पढ़ाऊँ, है ना, चाहते हो आप, चाहते हो मैं क्वेश्चन भी कराऊं, आप चाहते हो मैं क्लास में भी लर्न कराऊं, आप चाहते हो ये चैप्टर इतना पक्का हो जाए कि आज घर पे पढ़ने के बाद इसको उठाना नहीं पड़े, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए, अब ये दोनों ही फाइकोमाइसिटीज में मिलते हैं, यानी लोअर फंगस में मिलते हैं, तो ये भी फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा और ये भी फाइकोमाइसिटीज में मिलेंगे, लोअर फंगस में। डन। अब कोनिडिया अपन जानते हैं, इस तरह से एक बॉडी एक स्ट्रक्चर बनेगा, पूरी एक ऐसे ब्रांच उठी, इसमें फिर डिविजन्स हुए और डिविजन्स हुए, फिर बॉटल शेप के स्ट्रक्चर्स बने और ऐसे करके कोनिडिया बनते जाते हैं। यानी कोनिडिया अंदर नहीं बन रहा किसी स्ट्रक्चर के, बाहर स्पोर्स कट हो रहे हैं और ये भी दिख रहे हैं नॉन मोटाइल हैं, पर ये एक्सोजीनस बन रहे हैं। ये हायर फंजाई में बनते हैं स्टूडेंट्स, एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में, एस्को एंड ड्यूटेरो में। बहुत जिंदगी आसान होगी, अभी एक साथ पढ़ा रही हूं ताकि बाद में बहुत इजी हो जाए। तो ये दोनों फाइको में बनेंगे, माइटोसिस से बन रहा है, नया फंगस बना देंगे, और कोनिडिया बनेंगे एस्को और ड्यूटेरो में। तो बेसिडियो तो लिखा ही नहीं, बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। अब मैं लिखती हूं एब्सेंट इन बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल तरीके से स्पोर्स नहीं बनते हैं। इतना अच्छे से क्लियर है सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब आते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, अभी सब कुछ पढ़ाऊंगी। इसमें भी चार तरह के स्पोर्स हैं, एनसीईआरटी में चारों अलग अलग जगह पे मेंशन्ड है। एक ऊस्पोर, एक जाइगोस्पोर, एक एस्कोस्पोर और एक बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बेसिडियोमाइसिटीज में बनेंगे, ये एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे और ये दोनों ही फाइकोमाइसिटीज में बनते हैं। यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं डस्टबिन फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ये नीट के फेवरेट क्वेश्चंस हैं और इसीलिए इसे डस्टबिन फंजाई भी कहते हैं। डस्टबिन फंजाई, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में सब कुछ होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में ये नहीं होता, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये नहीं होता। न्यू स्टूडेंट आलिया, आई होप आपको मजे आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। पानी पियो, ग्लूकॉन डी ले लो, कुछ लिक्विड पी लीजिए, ठीक है। चलो, अब इसको पढ़ाने के लिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले समझाती हूं आपको। सबने नोट कर लिया? हटा दूं इसको आगे? यस या थम्स अप बोल दो एक बार। चलो आइए अब अपन सेक्सुअल साइकिल समझते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो कि दो माइसीलियम, दो फंगस हैं, कंपैटिबल हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक को मेल की तरफ ट्रीट करेंगे, एक को फीमेल की तरफ ट्रीट करेंगे, प्लस और माइनस ऐसा लिख देते हैं। बनाइए मेरे साथ। सपोज करो ये एक है, ये कोई दूसरा है, अडल्ट है, ये अडल्ट अडल्ट, एक प्लस एक माइनस, अडल्ट कंपैटिबल है एक दूसरे से, ऑफ कोर्स मेटिंग करनी चाहिए, है ना, सेम स्पीशीज या जो भी, कंपैटिबल है। हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड यानी हर सेल हैप्लॉइड, हर सेल हैप्लॉइड यानी हर सेल में हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। अब इसमें से कोई भी एक सेल गैमीट की तरह बिहेव करता है। तो सपोज करो ये गैमीट की तरह बिहेव करने लग गया, ये गैमीट की तरह बिहेव करने लग गया, इनमें न्यूक्लियस भी है, ये दोनों पास पास आते हैं और इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता, यानी सबसे पहले इनमें फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का, लिविंग मैटर का, इसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, यानी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा। यानी जब आप इसे देखेंगे तो यह आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, जिसमें दो न्यूक्लियस हैं अभी भी, डाई दो कैरियन, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, डाई कैरियोटिक स्टेज आ गई है। अगर ये फाइकोमाइसिटीज है तो ये तुरंत फ्यूज करते हैं, एस्को है तो थोड़ी देर ऐसा ही रहता है, और बेसिडियो है तो काफी देर ऐसे ही रहता है। यानी इसके बाद बन गई है डाई कैरियोटिक फेज, डाई कैरियोटिक फेज जो तुरंत गायब हो जाएगा, तुरंत फ्यूज हो जाएगा फाइको में, बट शॉर्ट लिव्ड। स्टूडेंट्स भागो मत, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज ये चैप्टर पक्का करके रख देना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो हिम्मत मत हारो, डल मत हो, पानी पियो, थोड़ा बहुत कुछ खाकर 1-2 मिनट में आ जाओ, लेकिन छोड़ो मत, छोड़ो मत। और लॉन्ग लिव्ड रहती है एस्को में और बेसिडियो में, ड्यूटेरो में तो होती ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब अल्टीमेटली फाइनली ये फ्यूज कर जाएंगे, यानी फाइनली आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा डिप्लॉइड, इसे बोलेंगे जाइगोट बन गया, जाइगोट डिप्लॉइड है, 2n है। अभी तक सब कुछ n था, इसे अपन n+n कह सकते हैं, 2n नहीं कह सकते, ये 2n बन गया। इसी जाइगोट को फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर भी कहते हैं। यानी जाइगोस्पोर कैसे बनता है अगर कोई पूछे? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से, गैमीट्स के फ्यूजन से बन जाता है। डन। अब इसके बाद यानी ये हो गई, ये फ्यूजन हो गया न्यूक्लियस का, यानी कैरियोगैमी, गैमी मतलब शादी, फ्यूजन, न्यूक्लियस मतलब कैरियन। तो पहले साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, फिर न्यूक्लियस फ्यूज कर गया और उससे जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट डिवाइड कर करके फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, तो इससे बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग तरह की बन सकती है, ध्यान से समझिएगा। सो अब हुआ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन जो है ये फंजाई का कैरेक्टर होता है स्टूडेंट, तभी तो स्लाइम मोल्ड में फ्रूटिंग बॉडी बनी थी, हमने कहा था फंगस लाइक है। अब देखो एस्को में क्या होता है, ऐसी थैले जैसी बनती है, थैले जैसी, ऐसी, ये जाइगोट है, थैले जैसी, थैले को बोलते हैं एस्कस, एस्कस, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी, सैक लाइक, तो इसे बोलेंगे एस्कस। ये इसकी डंडी है, स्टॉक, और इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो है बेटा ये पूरी है, ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें ऊपर थैले जैसा एस्कस है, नीचे डंडी है, इसे बोलते हैं एस्कोकार्प। कार्पो का मतलब ही होता है कार्पोस, पार्थिनो कार्पी यानी फ्रूट, ये फ्रूटिंग बॉडी है तो एस्कोकार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। लेकिन अगर ये बेसिडियोमाइसिटीज है तो इसमें ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ऐसी क्लब शेप की, ऐसी, इसे बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम का मतलब क्लब शेप्ड, क्लब शेप्ड। बहुत सारे, सारा एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं। ये इसकी डंडी है, स्टॉक, पूरे को मिलाकर कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी, पूरे को मिलाकर बेसिडियोकार्प। कार्पोज का मतलब ही होता है फ्रूटिंग बॉडी। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है? यस, जाइगोस्पोर हैप्लॉइड नहीं है, जाइगोस्पोर डिप्लॉइड है। चलो अब क्या होता है समझिएगा, ध्यान से सुनिए। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इस जाइगोट में मियोसिस होगा। सो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस, जब मियोसिस होगा, ये है थर्ड स्टेप, मियोसिस, थर्ड स्टेप मियोसिस। जाइगोट 2 है, एक जाइगोट से 4 डॉटर सेल बनेंगे, मियोसिस में 4 बनते हैं और चारों हैप्लॉइड होंगे। तो एक जाइगोट से 4 डॉटर सेल बने, यानी ये 4 स्पोर्स बन गए, 4। यहां पे भी 4 बनते हैं और कभी कभी उनमें एक बार फिर माइटोसिस हो जाता है। मियोसिस तो जिंदगी में एक ही बार होता है, तो वो 4 से 8 हो जाते हैं अंदर। ये हो गए, ये स्पोर्स बन गए हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर बन गया है। स्लाइम मोल्ड में भी तो यही हुआ था, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरांजिया है, उसके अंदर मियोसिस से स्पोर बने थे। यहां भी तो वही हो रहा है। तो ये बने हैं एस्कोस्पोर्स, इन्हें बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और इन्हें बोलते हैं, ये जो बने हैं ये वाले, बेसिडियोस्पोर्स। ये सब मियोसिस से बने हैं, यानी ये सारे हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। दोनों नॉन मोटाइल हैं। देखो मैंने फ्लैजिला कहीं भी नहीं बनाया, नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, लेकिन एक अंतर है, ये 4 ही बनते हैं, ये 4 या 8 बनते हैं। एक और अंतर है, ये अंदर बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, यानी ये एंडोजीनस हैं और ये एक्सोजीनस हैं, एक्सोजीनस है। तो ध्यान दीजिएगा, जाइगोस्पोर और ऊस्पोर जो हैं, अब मैं इस डायग्राम पे दोबारा से आ जाती हूं। ये दोनों 2n होते हैं। एक्चुअली इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, ऊ माइसिटीज, जाइगो माइसिटीज, और ये मियोसिस से बन रहे हैं, ये n होते हैं। डन। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी बनेगी, सब कुछ होगा, पर वहां स्पोर को जस्ट स्पोर कहते हैं, और जाइगोस्पोर जाइगोट को कहते हैं, ऊस्पोर भी जाइगोट को कहते हैं। अब बस ये स्पोरेंजिया फटेगा, ये एस्कस फटेगा, या यहां पे तो फटने की भी जरूरत नहीं है, बाहर ही है। ये स्पोर जो भी ग्रुप है बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी मल्टी सेल्यूलर फंगस बना देंगे, जर्मिनेट टू फॉर्म अडल्ट। आ गया समझ? तो सीक्वेंस पूछा जाता है स्टूडेंट, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और फिर मियोसिस होगा जाइगोट के अंदर। इनमें से अगर आप गौर से देखें, ये हैप्लॉइड है, ये n+n है, ये डिप्लॉइड है जाइगोट, पर जाइगोट बनते ही अब सब कुछ दोबारा फिर स्पोर्स हैप्लॉइड है, यानी एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाई जाती है। और क्या इसमें एम्ब्रियो बना है? नहीं, ये भी नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, और बिल्कुल यही कहानी एल्गी में भी आएगी आगे, वो भी नॉन एम्ब्रियोफाइटा होंगे, उनमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे रिविजन करने के लिए? इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आ जाएगा, इसी लेक्चर के खत्म होने पर फटाफट से बना लो। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। नीट के लिए रेडी हो जाएगा, रेडी क्या सुपर रेडी हो जाएगा। आखिरी के 7 दिन में उठाना, रिवाइज तक करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास अच्छे से पढ़ के लर्न करके सोना लेकिन, ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात बेसिडियोमाइसिटीज में लिखी हुई है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसमें ऐसा लिखा हुआ है बेसिडियोमाइसिटीज में, आइए यही लिख लेते हैं, आपके जगह नहीं हो तो नीचे लिख लेना। बेसिडियोमाइसिटीज में लिखा हुआ है सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव सेल ही गैमीट की तरह बिहेव करके फिर फ्यूज करते हैं। तो ठीक है ना, एक्चुअली बाकियों में क्या होता है, इस सेल को सेक्स ऑर्गन कह देते हैं और यही गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है। बेसिडियो में ये शब्द यूज करा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। थैंक यू नंबिलाए, टॉर्सा, मोनिका, किस्मत, संतोष, सबको क्लियर है, एजेस, मैगो। चलो सो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी तीनों स्टेजेस, इनका सीरियल ऑर्डर, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज आस्क्ड, ये मैंने पूरा बता दिया है। चलिए आइए अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिएगा स्टूडेंट्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज लिखिए। चलो आइए पढ़ते हैं। फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, ड्यूटेरो। अब सबसे पहले माइसीलियम की बात करते हैं। अब मैं लिखवा नहीं रही हूं, आप घर पे इस टेबल को खुद से फिल करना। माइसीलियम क्या लिखोगे, यहां पे लिख देना सीनोसिटिक एंड एसेप्टेट, यहां सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच कर लोगे सब लोग फिल। आज फिल करना इसे लर्न करके। चलो अब सेकेंड हैबिटेट, हैबिटेट में आपको अभी एनसीईआरटी में मार्क करवाऊंगी, अभी मार्क करवाऊंगी। नाउ थर्ड इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन सब में आएगा और यीस्ट इधर आता है, अभी सिखाऊंगी आपको। तो यहां पे बडिंग और फिजन भी हो जाएगा। ये लिखना आज, ये टेबल बनाना सब लोग, ये होमवर्क है आपका। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं पूरा पढ़ा चुकी हूं, जूस्पोर एंड स्पोरेंजियो या ए प्लानोस्पोर, एस्कोस्पोर, सॉरी कोनिडिया, कोनिडिया, और इसमें एब्सेंट होता है, होता ही नहीं, ठीक है। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां बनेगा जाइगोस्पोर, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट से जाइगोट बना है, एनसीईआरटी का शब्द है, अब पढ़ना, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स और इसमें एब्सेंट होता है। ये अलग अलग दिया हुआ है, पूरे पैराग्राफ्स में अपन ने एक साथ याद कर लिया है, डन। अब डाइकैरियोटिक स्टेज बनती सब में है पर टिकती बेसिडियो में। नाउ अब अपन आते हैं इसके 6th पॉइंट पर, एग्जाम्पल्स पे। आइए एग्जाम्पल आपको एक ट्रिक से याद कराती हूं, 2 ट्रिक है, पहली ट्रिक बताती हूं। देखो एक लड़का है राम, लिखिए राम, राम, राम का मतलब राइजोपस जो हमारी ब्रेड खराब करता है, एल्ब्यूगो जो वो मस्टर्ड सरसों की पत्तियां खराब कर रहा है, और म्यूकर, ये सब हैं पाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स। तो एक लड़का है राम, अब राम पिकनिक पे जा रहा है, ठीक है। चलो सो मान लो ये राम है अपना, हंसता हंसता जा रहा है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी। सो ये सपोज करो राम है, ठीक है, ये राम जा रहा है पिकनिक पे, ठीक है, ये राम जा रहा है, थोड़ा अच्छा राम नहीं बना, कोई बात नहीं। इसने एक थैला पकड़ा हुआ है, ये थैला पकड़ा हुआ है, थैला, थैला मतलब सैक, सैक मतलब एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स, अब बता रही हूं। तो इसने थैला पकड़ा हुआ है, एस्कोमाइसिटीज, थैले, ठीक है ना, इन्हें सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई। इसने अपने थैले में क्या क्या डाला है, इसने अपने थैले में यीस्ट डाल लिया। इसने कहा मैं जाकर वहां पे ना बढ़िया ब्रेड बनाऊंगा, केक वेक बनाऊंगा और बियर, दारू बनाऊंगा। इसके अलावा इसने पेनिसिलियम डाल लिया, बोला यार अगर वहां चोट वोट लग गई पिकनिक पे तो मैं कम से कम एंटीबायोटिक मेरे पास रहेगी। और इसने खाने के लिए मॉरल्स और ट्रूफल्स डाल लिए, इनकी फ्रूटिंग बॉडी खाई जाती है, मॉरल्स एंड ट्रूफल्स खाने योग्य एडिबल। ठीक है। और इसने एक आसन ले लिया अपना साथ में, आसन आसन आसन, यानी आसन का मतलब है एस्परजिलस, देन क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स एंड देन न्यूरोस्पोरा। ये सब एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। तो यीस्ट, पेनिसिलियम, मॉरल्स, ट्रूफल्स, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। क्लैविसेप्स उसने बोला मैं लेके जाता हूं क्योंकि इससे एक नशे की ड्रग मिलती है जिसे हेलुसिनेशंस होते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, एलएसडी, हेल्यूसिनोजेनिक, हेल्यूसिनोजन करती है ये, मतलब हेल्यूसिन, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये ड्रग अब्यूज से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा और मुझे सांप दिखने लग जाए, कोई आवाज नहीं दे रहा पर मुझे आवाज आने लग जाए। क्लैविसेप्स परप्यूरिया नाम के फंगस से मिलता है। और न्यूरोस्पोरा जो है इसे बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज में काम करते हैं। तो इसने कहा मैं पिकनिक पे जाऊंगा और वहां पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी करूंगा, जेनेटिक्स की रिसर्च करूंगा, बायोकेमिकल की रिसर्च करूंगा। जैसे ड्रोसोफिला होता है ना एनिमल किंगडम में, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि फंगस को पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। डन। अब तो ये सारे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हो गए। अब ये वहां पर ना पुआ ले गया था खाने के लिए, पुआ पुआ। तो ये आसन पे बैठा, इस थैले में ये सब पड़े हुए हैं और इसने पुए, पुए आते हैं ना, मम्मी बनाती है पुए, आटे के भी पुए बनते हैं, बेसन के भी पुए बनते हैं, मीठे पुए भी बनते हैं, नमकीन पुए भी बनते हैं, पुआ। और ये बैठ गया अपनी बेस पे, बैठ गया। तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। पुआ यानी पक्सीनिया, देन अस्टिलागो एंड देन अगैरिकस। अगैरिकस मशरूम है जो हम खाते हैं, दिस इज द मशरूम वी ईट, मशरूम। अब पक्सीनिया और अस्टिलागो पैरासिटिक हैं। पक्सीनिया को रस्ट भी बोलते हैं, इसे स्मट भी बोलते हैं, और ये दोनों पैरासिटिक हैं। अभी पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, बीट रस्ट, गेहूं की फसल पक्सीनिया खराब करता है। याद रखने का तरीका, पी पहले, यू बाद में, आर पहले, एस बाद में। मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी कि इन दोनों में से रस्ट कौन सा है और स्मट कौन सा है। इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीबडी? ठीक है। इसके अलावा इसमें पफ बॉल्स भी आते हैं, अभी मैं लिखवा दूंगी, चलो कोई बड़ी बात नहीं। तो राम नाम का लड़का है, वो थैला लेकर गया, आसन लेकर गया और बैठ के बेसिडियोमाइसिटीज, बैठ के पुआ खा रहा था। पर तभी वहां पर बिल्ली आ गई, नीचे लिखना बिल्ली, और बिल्ली सब लेके भाग गई। ड्यूटेरो, डस्टबिन में डाल दिया बिल्ली ने सब कुछ, पुआ छीना, ये सब छीना और डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं कैट, कैट, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। चलिए आइए लिखते हैं, लिखो तीनों के नाम, लिखिएगा कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, कैट। बस ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। डन, ठीक है। पांचाल, अच्छा ओके, ठीक है। यस, पफ बॉल, टोडस्टूल, अभी सब लिखेंगे अपन, वो इसमें आता है। अब ये तो एक तरीका है स्टोरी से याद रखने का। जिसे स्टोरी से याद नहीं रखना है, आइए उसके लिए बताती हूं। देखो हम इसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, कमिंग एट नेहास पार्टी। पार्टी हैज उल्लू एंड, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। सो मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। इससे भी आप याद रख सकते हैं। यानी बताइए इन चारों में से मल्टी सेल्यूलर कौन है, इसको छोड़ के सब। यानी एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों आएंगे, जिसमें से ये यूनिसेल्यूलर है और बाकी सब में ओनली मल्टी सेल्यूलर आएगा। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूं। थैंक यू मगो, शहनाज, अल्ताफ, यस। चलो हाँ अल्ताफ टाइम सेवर का स्टूडेंट है मेरा। चलो सो यहां जब आप लिखोगे अब इसमें लिख दो, इसमें यूनिसेल्यूलर भी है यीस्ट और बाकी मोस्टली तो मल्टी सेल्यूलर है, तो मल्टी सेल्यूलर बाकी सब में आ जाएगा, इसमें यूनिसेल्यूलर आ गया। ठीक है ऑल डन। चलिए अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। अब बाएं हाथ का खेल है, एनसीईआरटी ओपन करो, निकालो फाइकोमाइसिटीज। आज आपको क्या होमवर्क करना है, जहां पर मैंने हैबिटेट लिखा है ना इस चार्ट के अंदर सेकंड पॉइंट, वहां पर ये लिखना एक साथ कंपेयर करके लिखना। लिखिए फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं, सबसे लीस्ट एडवांस्ड हैं, इन्हें एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एल्गल फंजाई। ये मिलते हैं मरे हुए डीकेइंग वुड, गीली डैम प्लेसेस पे, या कभी कभी ये पेड़ों पे पैरासाइट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर राम यानी अल्ब्यूगो आ रहा है, अल्ब्यूगो जो सरसों के पत्तियों का पैरासाइट है। बाकी ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। नाउ एस्कोमाइसिटीज में ये सब पढ़ा चुकी हूं। देखो सैप्रोफिटिक है यानी डीकम्पोजर्स हैं, कुछ कुछ पैरासाइट्स हैं, इससे पकड़ लेना कि एस्को की बात कर रहे हैं। कुछ गोबर पे रहते हैं, गोबर को कॉपरो बोलते हैं, कॉप्रोफिलस। डन ठीक है आगे बढ़ जाएं। चल ये सब पढ़ा चुकी हूं एवरीथिंग। नाउ बेसिडियोमाइसिटीज ये मिलते हैं, लिख लेना कहा गया, ये रहा मिट्टी में, वुड के लॉग्स पे, ट्री के स्टम्प्स पे, या लिविंग प्लांट बॉडी में भी मिलते हैं पैरासाइट्स की तरह। रस्ट और स्मट इसमें पढ़े ना अभी अपन ने, पार्टी हैज उल्लू या पुआ, तो इसमें पैरासाइट्स भी आ जाते हैं, ये लिख लेना। अब इसमें और क्या आता है, जहां बेसिडियोमाइसिटीज लिखा है वहां लिखते हैं, देखो मशरूम तो आते ही हैं, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। आओ यही लिख लेते हैं अपन। सो इसमें ब्रैकेट फंजाई भी आते हैं और पफ बॉल्स भी आती है, ऐसा याद कर लो, पुआ और पफ बॉल्स। पफ बॉल्स लेकर गया था वो खाने के लिए, पुआ और पफ बॉल्स बैठ के बेसिडियो खा रहा था, जो बिल्ली ने ले जाके डस्टबिन में डाल दिया था। ठीक है चलिए ऑल डन। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, एक एक शब्द पढ़ा चुकी हूं, ये सब हो गया है, दिस इज ऑल डन। ड्यूटेरो इम्परफेक्ट फंजाई ऑलरेडी। अब समझो, मान लो मुझे एक फंगस मिला जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो मैं ड्यूटेरो में डाल दूंगी। मान लो मुझे एक फंगस मिला, अभी मुझे नहीं पता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं होता, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने उसको अभी भी इसमें डाल दिया, डस्टबिन जैसा ये इसमें डाल दिया, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो एस्कोकार्प बना रहा है, बेसिडियोकार्प बना रहा है, क्या बना रहा है, तो मैंने उसे उस ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक है बस यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। सो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके हैबिटेट देखो, देखो ये डिकम्पोजर्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट हैं। भाई पैरासाइट सैप्रोफाइट ये तो सभी हैं, डिकम्पोजर सभी हैं, पर सैप्रोफाइट पैरासाइट डिकम्पोजर और कॉप्रोफिलस डंग खाने वाला ये पर्टिकुलरली एस्को में लिखा है। सैप्रो डिकम्पोजर पैरासाइट एंड किसका डिकम्पोजर, कचरे का, लिटर का, यानी मिनरल साइक्लिंग करेगा, ये पर्टिकुलरली ड्यूटेरो में लिखा है। एक चॉइस आएगी ये स्टेटमेंट देके तो ड्यूटेरो ही आंसर होगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीबडी? ठीक है ठीक है, मैं बॉटनी लूंगी इस कोर्स में, आई विल बी टेकिंग योर कंप्लीट बॉटनी। चलो सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कंप्लीट फंजाई। आ गए मजे? मजे आ गए तो एक बार ताली ठोक दो या थम्स अप दे दो, तो मेरा भी जोश डबल हो जाएगा। ठीक है हाँ बिल्कुल ही डस्टबिन है निशु, सच में ही डस्टबिन है, तभी तो डस्टबिन बोल रहे हैं इसको। चलो अब आप ओपन करिए अपनी एनसीईआरटी को, खुली रखिएगा। देखिए प्लांट और एनिमल किंगडम वाला पैराग्राफ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, पर इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बनता है, जो अलग चैप्टर्स में नहीं दिया गया है। देखिए प्लांट में मार्क करते जाओ, सारे यूकैरियोटिक होंगे, सब में क्लोरोफिल होगा जिन्हें पेड़ बोलते हैं, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं, इंसेक्टिवोरस, कुछ पैरासाइट्स हैं, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब मैं ऑलरेडी आज पढ़ा चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ उस चार्ट के अंदर, टेबल के अंदर। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है शुरू के आधे घंटे की क्लास देख लेना। अब यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई सब में मिलेगी। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियोगा, जिसकी क्लास फ्राइडे को लेने वाली हूँ मैं। ठीक है चल डन आगे बढ़ू। अब एनिमल किंगडम, ये सब हम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में भी सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक है, मार्क करते जाओ, सब मल्टी सेल्यूलर है और सब में सेल वॉल नहीं होगी। एनिमल हर्बीवोर शाकाहारी है तो डायरेक्ट पेड़ से खाना लेगा, मांसाहारी है तो शाकाहारी जानवर को खाएगा जिसने पेड़ को खाया है, यानी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं, यानी हम सब में होलोजोइक है, इंजेशन ऑफ फूड होता है, और खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या मोटापा यानी फैट के फॉर्म में। तो ध्यान रखो, पेड़ स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट। ये सारे क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं। खाना हम बॉडी के अंदर एक कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, वो जो ल्यूमन है उसी में तो खाना डाइजेस्ट करते हैं, पर ये आना चाहिए। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है हमारा, डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, इलैबोरेट सेंसरी सिस्टम्स है, आंख नाक कान मुंह किसी और किंगडम में नहीं मिलेगा, और न्यूरोमोटर नर्वस सिस्टम, सोचना समझना पढ़ना नीट देना डॉक्टर बनना, ये भी सब हम एनिमल्स ही कर सकते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? मैं अभी बता देती हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर है? तो ये दोनों पैराग्राफ छोड़ना मत, छोड़ना नहीं है। चलो अब आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब हो गया, लोकोमोशन भी हो गया है, ये सब हो गया है। अब आ जाओ आप वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। चलिए समझिए, फुल कंसंट्रेशन से मुझे सुनिएगा, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेंगे, मुश्किल से आधे घंटे की क्लास और है, जोश नहीं ढीला करना है, जोश नहीं करना। मुझे थम्स अप दे दो एक बार, बिल्कुल भी नहीं, पानी पियो, कुछ खाकर एक दो मिनट में वापस आ जाओ। लाइफ चेंजिंग है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और मैं आपको फिर बता रही हूँ रटने वाला चैप्टर है, बोरिंग सा चैप्टर है, इसीलिए नंबर भी नहीं आ पाते, अपन उसे ईजी वे में याद कर रहे हैं। नहीं, E2's इंडिया छोड़ा नहीं है माय डियर, E2's इंडिया का PW के साथ मर्जर हो गया, देखो ना इसमें भी लिखा हुआ है फिजिक्स वाला E2's इंडिया, ठीक है? चलिए अब स्टूडेंट, जब विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने इनको ज्यादा भाव नहीं दिया था, उन्होंने कहा यार तुम तो एक सेल के भी नहीं बने हो, तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, इवन लाइकन्स जिसमें फंजाई भी है एल्गी भी है, उसे भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई भी इज्जत नहीं दी, कहीं पर भी नहीं डाला। मार्क करिए एनसीईआरटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटेकर के क्लासिफिकेशन में नो मेंशन ऑफ लाइकन्स, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स। ये तीनों सेल के भी नहीं बने हैं, ए सेल्यूलर हैं ये तीनों, अभी सिखाऊंगी। ये सेल का बना है, एल्गी है, फंजाई है, पर फिर भी इसे कहीं भी किसी किंगडम में नहीं डाला गया। उन्हें समझ ही नहीं आया यार एल्गी प्लांट किंगडम डालू कि फंगस में डालू, एक ही दिखता है ये। अब ये कहते हैं हम सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है। अब वायरस क्या होता है, लिखिए मेरे साथ वायरस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वायरस जो है स्टूडेंट्स, ये बॉडी के बाहर जब पड़ा होता है तो ऐसा लगता है तो पड़ा हुआ है, प्रोटीन का क्रिस्टल पड़ा हुआ है, इनर्ट, लाइफलेस, कोई मेटाबॉलिक एक्शन नहीं हो रहा, पर जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर आता है, ये उस आतंकवादी की तरह है जो एयरपोर्ट पे तो बड़े सीधे साधे पैसेंजर दिख रहे थे, फ्लाइट में आए, बंदूकें निकाली, कॉकपिट में गए, पायलट पे लगाई और प्लेन हाईजैक कर लिया। पूरा होस्ट का सेल सारे एंजाइम अपने कब्जे में लेता है, फटाफट मल्टीप्लाई करने लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर जिंदा रहता है, यानी ये है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। लिखिए एक एक शब्द पे क्वेश्चन आता है। आउटसाइड द होस्ट ये इनर्ट पड़ा हुआ है, इनर्ट आउटसाइड होस्ट, क्रिस्टल्स की तरह पड़ा हुआ है, जैसे कि प्रोटीन के क्रिस्टल्स पड़े रहते हैं ऐसा पड़ा हुआ है। होस्ट के अंदर आते ही पूरी मशीनरी ऑफ द होस्ट एक्वायर करता है और होस्ट को किल कर देता है, ठीक है? लिखा इतना, एनसीईआरटी में इस चीज को मार्क कर लो। यहां पे देखो नॉन सेल्यूलर हैं, ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ये भले ही मत मार्क करो, ठीक है? मुझे ये लाइन मार्क करानी है, ये वंस दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, अपना मल्टीप्लीकेशन करेंगे और होस्ट को मार देंगे। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए, सो नॉन सेल्यूलर। अब नॉन सेल्यूलर वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसका जेनेटिक मटेरियल है जो या तो डीएनए या तो आरएनए होता है। ध्यान से सुनो, या तो डीएनए या तो आरएनए, नेवर बोथ एनसीईआरटी की लाइन है। सो उप्स 1 सेकेंड, आइदर डीएनए और आरएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, नेवर बोथ। और इन्फेक्शियस मटेरियल यही है, जेनेटिक मटेरियल ही है वायरस जो अपना होस्ट के अंदर भेजता है, फिर वो प्रोटीन भी बना लेगा, पूरा वायरस बना लेगा, यानी ये इन्फेक्शियस है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जहां प्रोटीन इन्फेक्शियस कहा गया था, जो फॉल्स स्टेटमेंट था। दिस इज द इन्फेक्शियस मटेरियल। पर इस इन्फेक्शियस मटेरियल की रक्षा करने के लिए एक प्रोटीन का कोट होता है, उसे बोलते हैं कैप्सिड। ये हर वायरस में मिलेंगी दोनों चीजें। ये प्रोटीन का कोट है जिसका काम है प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो कोट, प्रोटीन का कोट है, ये छोटी छोटी यूनिट्स का बना है, मेड ऑफ यूनिट्स। इन यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। तो बहुत सारी कैप्सोमियर्स से मिलकर कैप्सिड बनता है। अब ये जो कैप्सिड अरेंज होते हैं, ये अलग अलग सिमेट्री में अरेंज होते हैं, अलग अलग। हेलिकल हो सकता है सिमेट्री, या पॉलीहेड्रल हो सकती है। पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मतलब कुछ ऐसी बैक्टीरियोफाज में मिलती है ना, ऐसी, और फिर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी। और हेलिकल मतलब ऐसे सिलेंडर जैसी, ऐसी। ये बहुत सारे कैप्सोमियर्स का बना है, इस पूरे को कैप्सिड कहेंगे। और ये इसमें फिर आरएनए है, इस तरह। ये टोबैको मोजाइक वायरस में देखने को मिलती है। ये बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये वायरस तंबाकू यानी एक पेड़ को अटैक कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी एवरीबडी यस, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने तो आने ही आने चाहिए अपने को। डन। अब ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अच्छे से। लेबलिंग, ये आरएनए है, इसका आरएनए, और ये कैप्सिड है। देखो है तो एक एक कैप्सोमियर, पर एनसीईआरटी ने कैप्सिड लेबल किया है। मार्क करो तो कैप्सिड ही आंसर दोगे, जरूर एक ऑप्शन कैप्सोमियर होगा, ध्यान रखना। और यहां पे देखो ये इसका सर है, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर कॉलर, हमारी भी तो सर के नीचे कॉलर होती है। फिर ये लंबी सी शीथ है, और ये टेल फाइबर्स हैं, 6 टेल फाइबर्स होते हैं। इनकी मदद से ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैच करता है और यहां से जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है। ये पॉलीहेड्रल सिमेट्री है प्रोटीन कोड की, ये हेलिकल सिमेट्री है। डन डन डन, ठीक है। चलो अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एनसीईआरटी में लिखी हुई, प्लीज लिखिएगा। यानी एक पॉइंट मैं बता देती हूं, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि वायरस में प्रोटीन भी है और जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड भी है। यानी वायरस को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, यही बनाते हैं। अब 3 पार्ट्स करते हैं। पेड़ों के वायरस कैसे होते हैं, जानवरों का वायरस कैसे होते हैं जो अटैक करते हैं, और बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस कैसे होते हैं। बैक्टीरियोफाज, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरसेस। देखिए बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नाउ मोस्टली इसमें अभी अभी अपन ने पढ़ा, देखो इसमें टोबैको मोजाइक है, टोबैको पेड़ है, इसमें आरएनए था एक सिंगल स्ट्रैंड का, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो आरएनए वैसे भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए वैसे भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें कुछ भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला भी हो सकता है वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले भी हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस ऐसा है, चिकन पॉक्स का ऐसा है, स्मॉल पॉक्स का ऐसा है, HIV का ऐसा है। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ आया? ज्यादातर हमारी बीमारियों के ऐसे ही होते हैं, पोलियो का, चिकनगुनिया का, डेंगू का, सबके ऐसे हैं। हेपेटाइटिस बी का, चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का ऐसा होता है। तो सब तरह के होते हैं। इज इट क्लियर? कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने का चांस है। पिछले साल, जब 2-3 साल से ही नहीं आ रहा, जब से कोविड चल रहा है, तो अब क्या देंगे। और अगर भूले भटके आ भी गया तो 100 में से एक क्वेश्चन आएगा। उस एक क्वेश्चन के लिए 99 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। अब जो मैं पढ़ा रही हूं स्टूडेंट्स, उसे बहुत बहुत अच्छे से लर्न करना है। चलिए लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले वायरस का मतलब क्या है? वायरस का मीनिंग होता है जहर, वीनम से ये शब्द आया है, पॉइजनस। ये जो टर्म वायरस है, शब्द वायरस, ये पास्चर ने दिया था। एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा झोल है, अभी बताती हूं आपको। 100% पास्चर ही आंसर आएगा। एनसीईआरटी में से, नई एनसीईआरटी से हटा दिया है, हटा नहीं दिया, वो गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, अभी आपको दिखाती हूं। अब सबसे पहले 1892 में एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है डिमित्री, लिखिएगा डिमित्री, इवानोविस्की डिमित्री। क्या नाम है? इवानोविस्की डिमित्री, ये रहे डिमित्री इवानोविस्की। चल लिखते हैं अपन, डिमित्री इवानोविस्की कहां गए, ये रहे। चल, डिमित्री इवानोविस्की, 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 विस्की, 1892। इन्होंने क्या किया समझिए, डिमित्री जी विस्की पी रहे थे, उन्होंने तंबाकू में बीमारी करने वाले स्टडी देख रहे थे ऐसे, तो उन्होंने उसका सत लिया और एक ट्यूब लिया, उसमें बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया, बैक्टीरिया प्रूफ, वाटर प्रूफ जिसमें से पानी नहीं जाएगा, बैक्टीरिया प्रूफ जिसमें से बैक्टीरिया नहीं जा सकता। पर ये जो भी ऑर्गेनिज्म था ये तो उसमें से घुस गया, तो उनको समझ में आ गया यार ये बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती। उसके पहले साइंटिस्ट सोचते थे बैक्टीरिया से होती है, आज हम जानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। यानी उन्होंने ये बताया था कि जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज, टोबैको मोजाइक डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। बस इतना ही बताया था उन्होंने, और वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर सकता है, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजो कि और कौन सा ऑर्गेनिज्म आज अपन ने पढ़ा है जो बैक्टीरिया से छोटा है और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकता है। उन्होंने बस इतना बताया था कि विस्की पीते पीते कि टोबैको मोजाइक बीमारी करने वाला जो भी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से छोटा है। यस पीपीएलओ, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, वेल डन, राइट। सो उन्होंने बताया था कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो कॉज करते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज और वो बैक्टीरिया से छोटे हैं और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। अब एक और साइंटिस्ट आए इनके बाद में जिनका नाम था बीजरनिक, कहां गई हमारी स्लाइड, यस बीजरनिक। 6 साल के बाद बीजरनिक, बीजरनिक 6 साल के बाद 1898 इन्होंने बड़ी मजेदार चीज की। इन्होंने ये देखना चाहते थे कि ये जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शियस है क्या, एक से दूसरे में बीमारी कर सकता है क्या। बिल्कुल सही आंसर्स हैं अमन, ज्योति, प्रेरक, टेक्निकल अजीत, डॉक्टर गौरव, प्रवेश, ऑल एवरीबडी। उन्होंने क्या करा, एक हेल्दी तंबाकू का पेड़ लिया, एक बीमार तंबाकू का पेड़ लिया, इस बीमार तंबाकू के पेड़ का सत निकाला, जूस निकाला और उसे हेल्दी पेड़ की मिट्टी में डाल दिया ताकि जड़ों से उस पेड़ में आ जाए। और उन्होंने देखा हेल्दी पेड़ बीमार हो गया। यानी ये जो फ्लूइड निकाला है जिसमें ये वायरस है, आज हम जानते हैं वो टोबैको मोजाइक वायरस की बात कर रहे हैं, वो फ्लूइड कंटेजियस है, जिंदा है। एक्चुअली तो वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच का है, पर हाँ इस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि इंफेक्शियस है। तो इन्होंने कहा था शब्द कंटेजियम, वाइवम, फ्लूइडम, संस्कृत लग रही है ना, कंटेजियम, वाइवम, फ्लूइडम। यानी जो फ्लूइड है वो लिविंग है और वो कंटेजियस है। और ऐसा कैसे हुआ था, उन्होंने इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट से फ्लूइड डाला हेल्दी टोबैको के अंदर, तो हेल्दी टोबैको वाला बीमार हो गया, डिजीज्ड हो गया। ये इन्होंने बताया था, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट, चौथे साइंटिस्ट हैं हमारे पास में स्टैनली। 1935 पे कहानी आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट अच्छे से पढ़ लेना। मैं एनसीईआरटी में भी मार्क करा सकती थी, देखो करा नहीं रही हूं, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो लंबे रूट से लगातार ईमानदारी से करने से ही पूरी होती है, फल तभी मिलते हैं। इन्होंने पहली बार वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे और बताया था कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकता है, प्रोटीन के क्रिस्टल्स। सो ही मेड क्रिस्टल्स, प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाए थे। यानी वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। बाहर पड़ा हुआ है, इनर्ट नॉन लिविंग जैसा लगता है, पर होस्ट के अंदर जाके खतरनाक लिविंग रूप ले लेता है। तो आइए हम वायरस में ये पॉइंट भी लिख देते हैं दैट इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसीलिए हमने स्मॉलेस्ट लिविंग माइकोप्लाज्मा को कहा है। हालांकि वायरस माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, पर उसे हम पूरा नहीं बोल सकते, ठीक है। ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 1892, 1898 और 1935 बिल्कुल दिए हुए हैं, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बस अब कुछ नहीं है, ये वायरस कंप्लीट हो गया। अब आइए आते हैं वायरॉइड्स पे। अब उसे पढ़ने के पहले एनसीईआरटी ओपन करो, वायरस की कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं। आइए वायरस के आखिरी में, वायरॉइड के ठीक पहले, मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये एड्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ज़ूलॉजी में आपको बताएंगे। अब वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो पेड़ों में कुछ सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, आइए एक ट्रिक से याद कराती हूं, ये जनरली हम कहीं और नहीं पढ़ते, बायो में तो हमें याद नहीं होता। लिखिए माय लिली इज डॉर्फ, डॉर्फ मतलब पेड़ बौना रह जाएगा, डॉर्फिंग। डॉर्फिंग का मतलब ही है ग्रोथ अटक गई, बौना रह गया, स्टंटेड ग्रोथ। लिली, लिली नाम से ही समझ में आ रहा है ना, छोटी सी लड़की होगी। सो डॉर्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। नाउ माए, माए का मतलब मोजाइक फॉर्मेशन, धब्बे धब्बे हो जाएंगे, पढ़ा ना हमने अभी, तंबाकू की पत्तियों पे धब्बे धब्बे हो रहे हैं। धब्बे धब्बे होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, उसका क्लोरोफिल लॉस हो गया, पत्ती पीली पड़ गई, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं या येलोइंग कहते हैं। सो लिली, लिली में एल का मतलब है, एल से मतलब है, नहीं एल, अरे एल का एल थोड़ी, हाँ वाई, वाई से मतलब है येलोइंग। येलोइंग मतलब पत्ती पीली पड़ना, क्लोरोफिल नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, एंड वेन क्लियरिंग। और एल का मतलब है पत्ती रोल हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अगेन फोटोसिंथेसिस कम होगा, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। याद है कौन से सेल्स करते हैं, किसी को याद है, एनाटमी में पढ़ते हैं, किसी को याद है, बुल्ली फॉर्म सेल्स थे ना मोनोकॉट्स में, ठीक है। लिली, माय लिली इज डॉर्फ, लिख लिया सबने, चलो मजे आ गए। 3 घंटे हो गए पर जबरदस्त चैप्टर प्रिपेयर हो गया है अपना। वन शॉट, नीट तक देखने की जरूरत नहीं, सीधे 1 हफ्ते पहले उठाना। चलिए अब आइए अपन आ जाते हैं वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। देखो समझो, लिखो मेरे साथ, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरस में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों है। प्रियॉन में, पी से प्रियॉन केवल प्रोटीन है, और वायरॉइड में केवल आरएनए है, केवल जेनेटिक मटेरियल है। सो इसमें इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन, नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल, ओनली प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, सोचो केवल प्रोटीन का बना है और बीमारियां कर रहा है, डीएनए आरएनए है ही नहीं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं ये, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और यहां पर ओनली आरएनए है, फ्री आरएनए। फ्री आरएनए क्यों बोल रही हूं, क्योंकि उसे कवर करने के लिए प्रोटीन का कोट नहीं है, नो प्रोटीन कोट। तो वायरस में दोनों हैं, वायरॉइड में केवल जेनेटिक मटेरियल है, प्रियॉन में केवल प्रोटीन है, पीपी से ये याद रख सकते हो आप। और फ्री आरएनए भी कैसा है, छोटा सा, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसे हाई कर दिया था पीवाईक्यू में, गलत हो गया था, लो मॉलिक्यूलर। तो वायरस में दोनों है, वायरॉइड में केवल आरएनए है और प्रियॉन में केवल प्रोटीन्स है। अब इन्हें खोजा था, डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की लाइन है, टीओ डीनर। इवन ईयर भी पूछते हैं 1971, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये एक बीमारी करता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आलू में जो ट्यूबर है, आलू में आप जानते हो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसकी बीमारी करता है। सो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करते हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस करते हैं ये, जैसे गाय भैंस पागल हो जाती है, मैड काउ डिजीज, नर्वस सिस्टम बेकार हो जाता है, इसे बोलते हैं BSE। एनसीईआरटी में चाहो तो आप मार्क कर लो वरना लिख लो बोवाइन, बोवाइन मतलब दूध देने वाले जानवर। स्पॉन्जी फॉर्म एनकेफेलोपैथी, राइट। सो बोवाइन, स्पॉन्जी फॉर्म, एनकेफेलो। देखो बेटा एनकेफेलो, एनकेफेलॉन वर्ड यूज ही किसके लिए करते हैं अपन, ब्रेन के लिए, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और पैथी मतलब बीमारी होना, पैथी पैथो। और सेम ऐसी ही बीमारी ह्यूमन में भी होती है, सेम ऐसी ही बीमारी, उसे बोलते हैं क्रूड जेकब डिजीज। ये ह्यूमन में है और लक्षण सेम है, यानी एनालॉगस वेरिएंट है। एनालॉगस, एनालॉगस मतलब, एनालॉगस पढ़ते हैं ना अपन इवोल्यूशन में, ओरिजिन अलग फंक्शन सेम, यहाँ दोनों में लक्षण सेम है। मैड काउ डिजीज जो काम गाय भैंसों में करेगी वही ये बीमारी इंसानों में करती है। इज इट क्लियर एवरीबडी? डन। सो दिस इज अबाउट प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। अब एनसीईआरटी में एक बड़ी मजेदार लाइन है, समझो। देखो वायरस के अंदर तो डब्बा है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल है और इसमें केवल डब्बा है। सोच के बताओ साइज वायरॉइड और प्रियॉन में से किसका छोटा होगा? वायरस से। इसका तो बहुत छोटा है ना, स्मॉलर देन वायरस, क्योंकि अब बाहर डब्बा ही नहीं है। आप ऐसा सोचो आप एक बॉक्स लेके जा रहे हो, उसके अंदर एक पेंसिल लेके जा रहे हो, तो कितनी बड़ी गिफ्ट दिख रही है, ये वायरस है। केवल पेंसिल लेके जा रहे हो, स्मॉलर देन वायरस, ये वायरॉइड्स है। और अगर पेंसिल नहीं ले जा रहे हो, केवल बॉक्स ले जा रहे हो, तो दिख तो वायरस जैसे ही रहा है, तो इसका साइज सेम एज वायरस। ये स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता, वो रटते रहते हैं, क्यों है वो आपको प्रूव कर दिया, इसका साइज इसके जैसा है, ये छोटा है। इज इट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, जितने स्टूडेंट्स मुझसे इस समय पढ़ रहे हैं एक बार थम्सअप या येस भेज दो, जितने भी आप लोग एक्टिव हो इस समय, क्योंकि अब बस लाइकन्स पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं दमादम। अगले 15 से 20 मिनट और चलेगी बस ये क्लास, पर उसमें कंसेप्ट सब कुछ लर्न करना, सारी ट्रिक्स, सारे एमसीक्यूज और सारे पीवाईक्यूज, पूरा एनसीईआरटी का खात्मा करने वाले हैं अपन। ठीक है, चलिए अब आइए अपन बात कर लेते हैं फटाफट से लाइकन्स की। लाइकन्स, लाइकन्स, चलो। यस, वेरी गुड गौरव, अभिराज, किस्मत, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मुझे भी जोश दे रहा है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं तो फटाफट से एक लव का साइन दे दो या येस बोल दो या कुछ प्यारा सा लिख दो, तो जोश आ जाए बाकी सब स्टूडेंट्स में भी। चलिए, लाइकन्स जो हैं ये दो दिल एक जान है, ये सिम्बायोटिक दोस्ती है स्टूडेंट। ये जय वीरू नहीं है कि एक मर गया तो दूसरा जिंदा रहेगा, बसंती से शादी करेगा, नहीं, ये जन्म जन्म का साथ है। तू मरा तो उसी दिन मैं भी मरा, यानी इनमें दोनों का फायदा है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आप जब इन्हें देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा, अभी फोटो दिखाती हूँ कि ये वायरस है, ये फंजा है या ये एल्गी है, यानी ये एल्गी की पार्टनरशिप है विथ फंगस। एल्गी वाले पार्टनर को, एल्गी के लिए फाइको वर्ड यूज करते हैं, बायो मतलब लिविंग, फाइको बायोन्ट कहते हैं, और उसी हिसाब से फंगस के लिए माइको, माइसिटीज वर्ड यूज करते हैं, तो माइको बायोन्ट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये फंगस की बॉडी है पूरी, ये फंगस की बॉडी है, यहाँ पे इधर बीच बीच में एल्गी रहता है। एल्गी ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। यानी फंगस घर दे रहा है, रक्षा कर रहा है एल्गी की, तो फंगल पार्टनर प्रोवाइड शेल्टर। दूसरा, फंगस की माइसीलियम जैसी बॉडी है फैली हुई, तो सरफेस एरिया लार्ज है, तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जहां भी ये चिपका हुआ है वहां से। लेकिन फंगस हेट्रोट्रॉफिक है, वो खाना नहीं बना सकते, तो ये वाटर और मिनरल को वो एल्गी को पास कर देता है। और एल्गी चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो चाहे ग्रीन एल्गी हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सब खाना बना सकते हैं। तो इस तरह से जो एल्गी पार्टनर है वो अब खाना बनाएगा। तो एल्गी प्रोवाइड, ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सो इट प्रोवाइड फूड, खुद भी खाएगा और फंगस को भी देगा। तो फंगस का फायदा हो रहा है, खाना मिल रहा है, एल्गी का फायदा हो रहा है, रहने का घर, रक्षा और वाटर मिनरल्स मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? यस, एल्गी खाना बनाएगी, यस 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 यस। सीटो सक्सेस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सूटेबल हो, ठीक है, जहां आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। यहां पे मैं केवल बॉटनी लूंगी लेकिन, ठीक है। चलो अब लाइकन्स को डुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डुअल ऑर्गेनिज्म, डुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि जब आप एक लाइकन देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये दो अलग अलग फाइलम किंगडम के मेंबर्स हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, और इसीलिए इन्हें व्हिटेकर जी ने किसी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया गया था। अब लाइकन्स आप जानते हो पायोनियर कम्युनिटी होती है, इकोलॉजी में पढ़ते हैं अपन स्टूडेंट्स, मैं वहां पे पढ़ाऊंगी। जब भी सक्सेशन होना है चट्टान पे, याद है सबको, रॉक्स पे सक्सेशन होना है, तो ये पहली कम्युनिटी यही बनती है। और दूसरा एवोल्यूशन में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जैसे ही इंडस्ट्रीज आती हैं पॉल्यूशन होता है लाइकन्स गायब हो जाते हैं। पता है एक्चुअली क्या होता है? गायब नहीं होते, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से एल्गी पार्टनर का क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, वो फियोफाइटिन एक कलरलेस क्लोरोफिल बन जाता है, तो सनलाइट पकड़ नहीं पाता वो क्लोरोफिल, खाना बन नहीं पाता, ये भी भूखा मरता है और इसके साथ ये भी भूखा मर जाता है, गायब हो जाते हैं। यानी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर किसी एरिया से अचानक से लाइकन्स खत्म हो रहे हैं मतलब वहां पॉल्यूशन हो रहा है, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन। चलिए आइए एक आपको बढ़िया सा इसका डायग्राम दिखाती हूं। इतना हो गया सबका, बस अब तो क्वेश्चन करना है, 10-15 मिनट और। देखो, अरे ये देखो, ये लाइकन है, ये लाइकन है, अपन सोच भी नहीं सकते ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अपन सोच भी नहीं सकते कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसे बूढ़े आदमी की दाढ़ी बोलते हैं, ये ऐसे पेड़ से लटका हुआ लाइकन है। All right, my dear students. So with this, we complete the complete chapter of biological classification. आप लोग बहुत अच्छे audience बने हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मुझे मजे आ गए हैं। आइए फटाफट से अब question solving करते हैं। चलो ढेर सारे करवाऊंगी। सबसे पहला scientific attempt किन्होंने किया था? Father of biology Aristotle. सबको याद आ रहा है? चलो next. True या false? मैं बहुत सारे statement wise और assertion reason भी करवाने वाली हूँ। Five kingdom classification did not differentiate between autotrophic green plants and heterotrophic fungus. This is true. First is true. तो ये answers नहीं हो सकते हैं। फंगल में काइटिन है जबकि ग्रीन में सेल्यूलोज है, ये भी ट्रू है, तो ये भी नहीं हो सकता, बोथ ट्रू। आगे बढ़ जाऊं, ये सेम आपको ये क्वेश्चंस यही मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलो ये प्रोकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक होगा, तो ए है यूकैरियोटिक, ए यूकैरियोटिक है तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। अब बी देखते हैं, बी 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 सेल वॉल एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, सो बी एब्सेंट होगा, ये आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं फटाफट से अपन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगी, यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन भी बन जाएगा, और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह का होगा। डन। चलिए Which of the following diseases are caused by bacteria? Flu virus से होता है, cholera बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, tetanus बैक्टीरिया से। So 2, 3 and 4 direct question है। Now mode of nutrition, main mode, main तो heterotrophic है और उसमें भी saprophytic है। Now some bacteria inorganic substance लेते हैं और ATP release वालों को यूज करते हैं, ये बात कर रहे हैं chemosynthetic autotrophic NCERT की लाइन है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूं आपको स्टूडेंट्स, बिल्कुल पक्का करा दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, सारे कंट्रोवर्शियल पीवाईक्यूज। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब इन्हें हॉट, सल्फर स्प्रिंग्स, देखो ये तो नहीं है, ये हॉट है पर एसिडिक होता है ना, अल्कलाइन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, अरे भाई ये तो सीधी सीधी बात कर दी मिथेनोजेंस की। नाउ नेक्स्ट पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनाता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। Now, consider the following statement. ठीक है, यहां देखो हमेशा करेक्ट पूछा है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ओनली बाय बाइनरी फिजन, ओनली बाय बाइनरी फिजन, हाँ क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल सेक्सुअल तो होता है। चलो खैर, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर्स बनते हैं, ये ट्रू है, 2 तो ट्रू है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, इसमें 2 नहीं दिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पुराना तरीका डीएनए ट्रांसफर का, ये भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 तो दोनों करेक्ट हैं, तो अब हम इसे भी ट्रू मान लेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करनी है और करेक्ट पूछा है, हमेशा ऐसे ही देखो ऑप्शंस के थ्रू फिर स्टेटमेंट पढ़ो, ऐसा नहीं पहले ट्रू फॉल्स लगाओ फिर मैचिंग करो, हमेशा देख लो। प्लियोमॉर्फिक मतलब अपना शेप बदल सकता है क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है. दिस इज ट्रू, हमसे ट्रू ही पूछा है. वन ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टू करेक्ट है, सब में है. कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दिस इज रॉन्ग, हमसे ट्रू पूछा है. ये लो आंसर आ गया. चौथा पढ़ना ही नहीं पड़ा. बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया और करेक्ट बताना है. आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिल्कुल सही है. वन ट्रू है, वन ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. नाउ टू देखते हैं अपन. सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, नहीं 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 नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकन है, सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं. सो टू गलत है, टू गलत है, तो ये लो आंसर आ गया. अब चेक करते हैं. थर्मो एसिडोफिल्स में हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी दोनों को वो झेल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, हैलोफाइल्स. हैलोफाइल्स मतलब नमक 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 नमक, सॉल्टी एरिया. ये देखो क्वेश्चन सॉल्ट, खटाक, खेल खत्म, पैसा हजम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ कैरेक्टर. हमेशा स्टूडेंट्स आदत बनाओ फॉल्स लिखने. अपन लोगों का दिमाग, हिंदुस्तानियों का, ट्रू फॉल्स जानता है. अपन इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्ट ये सब नहीं जानते. फॉल्स लिख देती हूँ. ये देखो, ये तो यूकैरियोटिक होते हैं, यही आंसर हो गया. सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजेलेट्स डायएटम्स में ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एक सेल की बॉडी बनी होती. नाउ नेक्स्ट, करेक्ट पूछा है. किंगडम प्रोटेस्टा लिंक है, बिल्कुल सही है, तो वन करेक्ट है, ये आंसर नहीं हो सकता है. अब एसेक्सुअली, सेक्सुअली, सेक्सुअली में सेल फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी नहीं होगा. यूकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइंस है, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है. आ रहा है सबको समझ में? नाउ करेक्ट ऑप्शन बताना है. डायएटम्स में, डायएटम्स में जिससे बहुत काम कराते थे, सिलिका की सेल वॉल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, ट्रू, वन ट्रू है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं. बहुत सेल वॉल के डिपॉजिट्स, डायएटोमिशियस अर्थ बना देंगे, दोनों ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू. एनसीईआरटी की दोनों लाइंस हैं, कहानी पढ़ चुके हैं हम. डायनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला, पर दोनों लंबे नहीं हैं. एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल है और एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स है. शक्तिमान की तरह वो डायन थी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड. लाल लाल डायन कौन थी? गोनी, जो OLX से शॉपिंग करता है, गोन्योलेक्स. नाउ मैच द कॉलम. क्राइसोफाइटा में आते हैं डायएटम्स एंड डेस्मिड्स. ये लो, खेल खत्म, ऐसा हजम, खटाक, डन. नाउ चीफ प्रोड्यूसर, किससे इतना काम कराते हैं अपन? डायएटम से. सेकंड मत देखो क्योंकि सेम ही है, सीधे सी देखो. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, यूग्लेनॉइड्स, तो ये आंसर हो गया. अब चेक कर लो, रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट और फंगस जैसे जो है वो है स्लाइम मोल्ड. करेक्ट सीक्वेंस पूछा है फंगस की सेक्सुअल साइकिल में. पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसमें मियोसिस होगा. नाउ फाइकोमाइसिटीज में सारे हैं एक्सेप्ट, यानी फॉल्स पूछा है. राम था, मशरूम नहीं, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है. नाउ क्लास एस्को के बारे में क्या करेक्ट है? ठीक है, ब्रांच्ड और माइस, ये तो होगा, ये करेक्ट है, वन करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है जो कोनिडियोफोर्स पर बनेंगे, ये भी ट्रू है, तो ये भी नहीं हो सकता. सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर में बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहेंगे. एक एक शब्द समझ में आ रहा है सबको, एक एक शब्द. चलिए, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, भागिए मत, 10 मिनट की और बात है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा किस क्लास को बिलोंग करता है? जल्दी से लिख के भेजो मुझे. एस्को, म्यूकर, राम, ये फाइको, राम, फाइको, और एस्परजिलस, आसन, सो दिस इज ऑल्सो एस्को. नाउ नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ ग्रो करते हैं? एनसीईआरटी की लाइंस है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग. नाउ बेसिडियोमाइसिटीज में भी एसेप्टेट नहीं, सेप्टा तो होंगे और ब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड नहीं, सिनोसिटिक भी नहीं. नाउ माइकोटा, यानी जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, अरे ये तो डायरेक्ट है, ये तो हम चैंपियन बन चुके हैं. चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में मिलता है एक्सेप्ट बेसिडियो और ड्यूटेरो. एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियो में नहीं बनेंगे, सेक्सुअल ड्यूटेरो में. हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, मिनरल साइक्लिंग, ड्यूटेरो. नाउ फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई है, ये आ गया. एस्को वाला थैला, बेसिडियो ब्रैकेट और ड्यूटेरो इम्परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट, ये रहा इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट ही तो है। मॉरल और ट्रूफर थैले में लेके गया था, एस्को के मेंबर्स हैं ये, बाकी ये बेसिडियो है, रस्ट और स्मट बेसिडियो है, ब्रेड वाला फाइको है। नाउ पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ये एल्ब्यूगो है, ये लो क्वेश्चन सॉल्व खटाक। रस्ट और स्मट पक्सीनिया स्टिलागो है, जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा होगा, खाते मॉरल एंड ट्रूफल्स हैं और ब्रेड मोल्ड है राइजोपस। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन्स फंजाई और एल्गी की पार्टनरशिप है, म्यूचुअलिस्टिक सिंबायोटिक। माइकोराइजा में फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। डन। नाउ ये क्या है भाई, ये टीएमवी है, ये इसका आरएनए है और ये इसका कैप्सिड है। सो आरएनए है ना कि डीएनए और कैप्सिड है ना कि कैप्सोमियर। ये मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग है। नाउ वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। अब देखो ये नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ओनली थोड़ी है, प्रोटीन भी है। ओनली नहीं, ओनली नहीं, न्यूक्लिक एसिड कोई भी एक और प्रोटीन दोनों। नाउ डिजीज जो वायरस से होती है ये वाली, इसमें डायबिटीज वायरस से नहीं होगी, टीबी बैक्टीरिया से होगी। बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ना यहां पर ये हेड है, कॉलर है, शीथ है और टेल फाइबर है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम को मैंने बना दिया है, क्वेश्चंस पढ़ लोगे बहुत कुछ हो जाएगा। वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है स्टूडेंट्स, नॉट एनक्लोज बाय प्रोटीन कोट। सिंगल स्ट्रैंडेड ऐड कर लेना। नाउ वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरॉइड में क्या है जो वायरस में नहीं है? वायरॉइड के पास नेकेड आरएनए है, केवल प्रोटीन नहीं है। राइट। नाउ Which of the following is not a character of, यानी false पूछा है, false। अरे ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन अभी अभी करा था अपन ने, ठीक है, ये भी करा था। ये रिपीट हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, ये सारे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। एग्जैक्टली ये कॉपी पेस्ट हो गई है स्लाइड, कोई बात नहीं, अभी आने वाले हैं लेकिन PYQs, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQs, ये सब हम कर चुके हैं। चलो असर्शन रीजन करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनएडिक्वेट है, बिल्कुल सही है। क्यों इनएडिक्वेट है? क्योंकि उसने इन सब के बीच में डिफरेंस नहीं किया। क्यों इनएडिक्वेट है? इसके कारण से, यानी ए आंसर हो गया। नाउ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट, नहीं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में तो डिफरेंस है, डी आंसर हो गया। फंगल सेल वॉल में काइटिन है, पेड़ की सेल वॉल में सेल्यूलोज है। डन। नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, अभी PYQs करना है सबसे जरूरी, और इसमें बड़े खतरनाक PYQs आए हैं। यूग्लिना को प्लांट कह सकते हैं क्लोरोफिल के कारण। यूग्लिना को टू किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सेल वॉल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल में जाता, पर खाना खुद बनाता है सनलाइट में, उसके कारण प्लांट में जाता। सो ये बिल्कुल ट्रू है। क्लोरोफिल के कारण हाँ बोल सकते हो, पर ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बी। नाउ फंगस बिल्कुल एब्सोल्युटली एनसीईआरटी की लाइन है। लैंड वाटर कहीं भी ग्रो कर सकता है, पर क्लोरोफिल थोड़ी होता है फंगस के अंदर, फंगस तो हेटरोट्रॉफिक है, सी आंसर हो गया। नाउ किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल वाले हैं, कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटरोट्रॉफिक है, पर इन दोनों का रिश्ता नहीं है स्टेटमेंट का, बी हो गया। इज इट क्लियर? चलिए, Which of the following is incorrect? जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो मोनेरा में आते हैं, जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट हैं प्रोटेस्टा में आते हैं। क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास दोनों में सेल वॉल नहीं, दोनों में सेल वॉल होती है, पहले प्लांट किंगडम में रखा था, इन दोनों में सेल वॉल नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास इसका PDF आ जाएगा, डोंट वरी। इनकरेक्ट बताना है मोनेरा के बारे में, यानी फॉल्स। ये पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं, अपना खाना इनऑर्गेनिक से बना सकते हैं, कीमो होते हैं। बिहेवियर नहीं, ये गड़बड़ हो गई ना, स्ट्रक्चर सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, और एक मुट्ठी मिट्टी में भी कई सैकड़ों बैक्टीरिया है। आगे बढ़ जाएं, चलो अभी आप सॉल्व मत करो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से यहां देखो, आंसर्स लिखने में मत टाइम वेस्ट करो। मिथानोजन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, यानी फॉल्स है। बायोगैस वो बनाते हैं, यहां वो मिलते हैं। एनारोबिक, प्लीज इसको नोट कर लेना, हम मॉलिक्यूलर माइक्रोब्स में पढ़ेंगे ऑब्लिगेट एनारोब है, जहां पे आर्की बैक्टीरिया लिखा है, मिथानोजेंस लिखा है, वहां लिख लेना ऑब्लिगेट कंपलसरी एनारोब है, ऑक्सीजन में रह ही नहीं सकते हैं, मीथेन बनाते हैं, सो इसका सी हो जाएगा। डन। नाउ इनकरेक्ट, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू। ये भी है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाऊंगी, अब इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते। नाउ ट्रू और फॉल्स, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों है, पहला ट्रू है, पहला ट्रू है, पहला ट्रू है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, ये भी ट्रू है, टू भी ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड है आउटसाइड से, बिल्कुल सही है, सो ऑल आर ट्रू। नाउ ट्रू और फॉल्स, फंजाई यूनिक किंगडम है, हेटरोट्रॉफिक एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। टू मत देखो, थ्री मत देखो, सीधे सिक्स वाला देख लो, सिक्स वाला पेनिसिलियम एंड ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, बाकी सब फॉल्स होंगे और ट्रू होंगे, आप मैच कर लेना। डन। चलिए नाउ आइडेंटिफाई करेक्ट, वायरसेस जो प्लांट वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, एनिमल वाले सब हो सकते हैं, और बैक्टीरिया, ये गलत दिया है, बैक्टीरिया वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए पीवाईक्यूज अभी सॉल्व करेंगे। चलो PYQs आ गए। नीट 2021 विच इज करेक्ट, दो सेल के फ्यूजन को थोड़ी, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगैमी कहते हैं, भले ही दोनों मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो। लिविंग प्लांट्स पर जो है नहीं, डेड पर सैप्रोफाइट्स होते हैं, और जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसे हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, तो सेकेंड हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ नीट 20 का क्वेश्चन, पीपीएलओ का साइज मैंने लिखवाया था 0.1 माइक्रोन, थ्योरी में डायग्राम में दिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और 0.3 माइक्रोन थ्योरी में दिया है। नाउ नीट 2020 का क्वेश्चन, फॉल्स बताना है हमें साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोसिस्ट इनमें मिलती है, ब्लूम्स ये बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है, इसके पहले बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं मिला था। नाउ नीट 2018 का क्वेश्चन, ऑक्सीजन कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा, यानी आपको बैक्टीरिया ढूंढना है, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइकस जिम्नोस्पर्म में हायर प्लांट है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, कारा भी ग्रीन एल्गी है यानी प्लांट है, तो ये सब तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। नाउ चीफ प्रोड्यूसर्स, ये तो हम जानते हैं डायटम्स, जिनसे बहुत काम कराते हैं, देखो 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ 2017 में सलाइन नमक में कौन रहेगा, नमक, अब नमक में तो हेलोफाइल्स रहते हैं, पर वो तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या हो गया, हेलोफाइल होते तो आर्की बैक्टीरिया है। डन। चलिए नाउ नीट 2017 स्मॉलेस्ट लिविंग, पूरी एनसीईआरटी की लाइन छाप दी माइकोप्लाज्मा के बारे में, एज इट इज लाइन 2017 अभी क्वेश्चन आया है। नाउ 2016 बायोगैस प्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है मिथानोजेंस। देखो आर्की बैक्टीरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, और पूरे यूं आते हैं जो अपन ने सीखा है, आज पढ़ा है। नाउ रॉन्ग पूछा है, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स होते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यू का मतलब ही है ट्रू। फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजा है, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नाउ 2016 मिथानोजेंस आर्की बैक्टीरिया है, कितना इजी है देखो। जी हाँ, ये 16 17 18 20 इसके क्वेश्चंस आपको बता रही हूं मैं। नाउ 2015 क्रोमैटोफोर्स, अभी आपको बताया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा लिखवाया है मैंने, हालांकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसे अपन पढ़ेंगे। नाउ 2014 आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में किसका डिफरेंस है, देखो एनसीईआरटी में तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर लिखा है, पर मैंने आपसे कहा था ना सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट होती है, और ये पीवाईक्यू है, देखो 2014 का ही क्वेश्चन है ये। नाउ नीट 2013 पैडी फील्ड के अलावा साइनोबैक्टीरिया कहां मिलता है, एनाबीना साइकडे, सो साइकस के साथ, ये भी क्लास में पढ़ा दिया। 2012 में देखो फिर पूछ लिया, साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट जिसमें मिलता है क्या है वो, क्रोमैटोफोर, तो क्रोमैटोफोर में देखो 2012 पे क्वेश्चन आया, 2014 पे भी क्वेश्चन आया। नाउ 2000 12 में ये देखो डीप सी में क्या मिलेगा, डीप सी में यानी एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। आपसे कहा था ना ये PYQ है, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, हार्श कंडीशन, डेजर्ट, स्नो, डीप सी, हॉट स्प्रिंग्स। आंसर है आर की बैक्टीरिया। अच्छे अच्छे बच्चे चक्कर खा गए थे एकदम से, समझ ही नहीं आ रहा था पूछना क्या चाह रहे हैं। 2012 में साइनोबैक्टीरिया, देखो कैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ 2012 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट है, यानी आपको प्रोकैरियोट ढूंढना है। नाउ पेनिसिलियम तो फंगस है, फंगस तो यूकैरियोटिक होता है। अगैरिकस अगेन फंगस है, मशरूम ये भी यूकैरियोटिक होता है। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है यानी प्लांट है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। तो आपसे दो बातें पूछ ली कि आपको पता है नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या आपको मालूम है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। नाउ 2011 यूकैरियोट का एक कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स प्रोकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम रहती है, बाकी सबका कंपोजिशन अलग है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाऊंगी। 2011 मिथैनोजेंस कहां मिलेंगे हमें, जहां पे गाय भैंस मिलेंगी वहां, क्योंकि वहां उनका गोबर होगा। नाउ 2011 प्रोकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है और नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, ये बात कर रहे हैं। वो कहाँ मिलता है, एनाबीना साइकडे की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एनाबीना साइकडे वो साइकस में मिलता है, ध्यान रखो वो कहाँ मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना साइकडे जो साइकस पेड़ में मिलता है, ठीक है ठीक है। क्या कौन सा डायलॉग बोल दूं अरे छोटी बच्ची हो क्या, इतनी जल्दी क्यों क्लास छोड़ के जा रहे हो, हिम्मत क्यों आ रहे हो, अरे छोटे बच्ची हो क्या, ठीक है। चलिए मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पढ़ा दिया, मोनेरा में मिलता है, आपसे कहा था PYQ है, डन। नाउ 2010 हाईली एसिडिक कंडीशन में क्या मिलेगा, हाईली एसिडिक भयंकर गर्मी, ये तो आर की बैक्टीरिया मिलेंगे। आर की बैक्टीरिया तो एक ही जगह है, सो यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया, डन। नाउ मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, थैंक यू, जय खाटू श्याम जी की। 2008 कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थर्मोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, ये थर्मो एसिडोफाइल है, ये दोनों मिथानोजेंस हैं। समझो ये आर्की बैक्टीरिया हैं, ये तो हमें पता है। अब इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, है तो आर्की बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया में हिस्टोन नहीं होता, ट्रू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में यूकैरियोट्स के जैसा हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। सो दे हैव हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, होमोलोगस। कई मॉड्यूल्स में ये आंसर दिया हुआ है, नहीं आंसर यही होगा। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पूछा है 2008 में, देखो ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्रा, ये जो सिट्रस में बीमारी करता है, पर ये चावल में बीमारी करता है, ये लर्न करना, इसको नोट्स में ऐड करना, ऐड इन नोट्स। 2008 से 22 तक के क्वेश्चन हमें करने हैं स्टूडेंट, इसे भी नोट्स में ऐड कर लेना, ऐड इन नोट्स। 2008 से पुराने मत करना, वो टाइम वेस्ट होगा। नाउ 2018 देखो अभी क्वेश्चन आया है कि सीलिएट बाकियों से कैसे अलग हैं, इनमें दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं है, 2018 में क्वेश्चन आया है। तो एनसीईआरटी से बाहर जब आपके टीचर्स थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो आप उनमें शक मत करिए। 2016 ये सब किसमें आते हैं, प्रोटेस्टा में आते हैं, तो मैं रटा हुआ है यार, ये क्या पूछ रहे हो हमसे। चलो 2016 में रॉन्ग बताना है, नहीं इनकी दीवार डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बाकी देख लेना भाई, सारी एनसीईआरटी की लाइन है। माइक्रोस्कोपिक, पैसिवली फ्लोटिंग, चीफ प्रोड्यूसर, डायटोमिशियस अर्थ, डन, क्लियर है। नाउ रॉन्ग स्टेटमेंट 2015, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं मिलती, ट्रू है। प्रोटेस्टा कैसे भी हो सकते हैं, फंगस कुछ हम खाते हैं जैसे मशरूम, मॉरल, ट्रूफल्स हम खाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी मोनेरा में, ना कि प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोट। नाउ दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ये तो सब साबुनदानी जैसी जो रो रहा था, जिसे बंद किया था, क्राइजोफाइटा। नाउ 2018 रॉन्ग स्टेटमेंट, सूडोपोडिया स्पोरोजोन्स में थोड़ी है, सूडोपोडिया अमीबॉइड में है, ये रॉन्ग हो गया। बाकी मशरूम इसमें आता है, प्लांट फंगस में सेल वॉल होगी और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो मोनेरा में नहीं मिलेगा। Now, pioneer organisms 2016 lichens, अभी पढ़ा, succession। Now, 2016 most fungi में cell wall का major component chitin है, polysaccharide भी है पर major chitin है। नाउ 2016 फंजाई के लिए रॉन्ग क्या है, यूकैरियोटिक है, सेल्यूलोज नहीं, मेन तो काइटेन है, हेट्रोट्रॉफिक है, यीस्ट भी मिलता है और मल्टी सेल्यूलर तो होते ही हैं। डन। देखो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करा रही हूं, ऐसा नहीं दो चार करा दिए। रॉन्ग। पेनिसिलियम मल्टी सेल्यूलर है, एंटीबायोटिक बनाता है। न्यूरोस्पोरा इसमें यूज होते हैं। मॉरल ट्रुफल्स, टोड स्टूल पॉइजनस है, मॉरल ट्रुफल तो हम खाते हैं और ये भी बिल्कुल सही है ना। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा है 2008 के बाद से मैंने। इम्परफेक्ट फंजाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरोमाइसिटीज मिनरल साइकिलिंग में रोल होता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज फंजाई, ये भी आपको लिखवा दिया था, मोस्ट डाइवर्स। नाउ अगेन 2009 हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनमें से किसकी होगी? अस्टिलागो एक फंजाई है और अभी अभी हमने पढ़ा कि फंजाई की हैप्लॉन्टिक है। बाकी फ्यूनेरिया जो है ये ब्रायोफाइट है, पॉलीट्राइकम जो है ये ब्रायोफाइट है और वीट एंजियोस्पर्म है। इनकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, इसकी डिप्लॉन्टिक होती है। तो आपसे एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ 2009 में हमें रॉन्ग बताना है। रॉन्ग, ये गलत है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इससे नहीं होता, बाकी ये सारे करेक्ट है। नाउ ट्राइकोडर्मा किस में यूज होगा? अब ये इसको भी छोड़ दो, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सेल्यूलोज किस में मिलेगा? 2008 सेल्यूलोज प्लांट में मिलता है। इनमें से प्लांट क्या है? देखो ज़ैंथोमोनास तो बैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट है, तो इसमें काइटिन की बनी होगी, इसमें सेल्यूलो, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। सूडोमोनास भी बैक्टीरिया है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। पाइथियम पेड़ है, सो पाइथियम। ठीक है, आपको पाइथियम नहीं भी पता ना, कहीं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बाकी तीन तो आपको पता है। चलो नाउ ये अभी नहीं, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है, इसे हटा देती हूं मैं। नाउ इनकरेक्ट पूछा है, 2019 में क्वेश्चन आया है। बिल्कुल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इन्फेक्शियस पार्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रियॉन्स ये होते हैं, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। अभी 2019 का क्वेश्चन है, 2008 से लेके आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये जो सीरीज पढ़ा रही हूं मैं। 2017 वायरॉइड और वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरॉइड के अंदर आरएनए है बिना प्रोटीन कोट के वायरॉइड में। नाउ रॉन्ग फॉर वायरॉइड 2016, स्मॉलर देन वायरस है, इन्फेक्शन करते हैं, आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, हल्का सा आरएनए होता है, छोटा सा। इज इट क्लियर एवरीबडी? चलिए, ओ ये तो बहुत क्वेश्चंस है भाई, मैंने बहुत सारे डाले हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर, बाकी सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नाउ आरएनए स्ट्रैंड है और कैप्सोमियर्स भी हैं, टोबैको मोजाइक वायरस में कैप्सोमियर था और आरएनए था। बाकी ये एनिमल का वायरस है, पोलियो, मीजल्स, रेट्रोवायरस। नाउ रॉन्ग फॉर वायरस, पैरासाइट्स होते हैं, सबकी हेलिकल नहीं है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए, खुद का जेनेटिक मटेरियल बना सकते हैं, और एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को मारती है, इन पर कोई लेना देना नहीं है। चलो वायरस के एनवेलप को कैप्सिड कहते हैं, अभी 2010 का क्वेश्चन है ये। नाउ टीओ डीनर ने क्या डिस्कवर किया था? 2009 में उन्होंने इन्फेक्शियस आरएनए यानी वायरॉइड्स की खोज की थी। नाउ 2022 के क्वेश्चन कर लो, बस आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रॉन, बिल्कुल ये 0.1 माइक्रॉन है, यानी 1 माइक्रॉन से छोटे से पास कर सकता है, दिस इज ट्रू। और इनमें सेल वॉल नहीं होती है, दिस इज फॉल्स। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। नीट 2022 का क्वेश्चन है। नाउ अगेन नीट 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली नहीं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। स्लाइम मोल्ड मोनेरा में नहीं आते हैं, प्रोटेस्टा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा के अंदर डीएनए होगा, राइबोसोम भी होगा, पर सेल वॉल नहीं होगी। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। नीट 2022 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। आई होप आपको मजे आए, मुझे तो बहुत मजे आए हैं। मैं फटाफट आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं पर कोई भी स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, dr.akanksha agrawal ये मेरा इंस्टा आईडी है। और टेलीग्राम पे आप मुझे स्पेस कहीं भी नहीं है, t.me/biology/aa मैम ये मेरा ग्रुप है। पर आप मुझे अपने डाउट जब पूछो तो अलग से डीएम कर देना। अगली क्लास प्लांट किंगडम की होगी फ्राइडे को, 17 तारीख को, फ्राइडे को आई थिंक वही 5 या 6 बजे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। सो आई होप आपको मजे आए हैं स्टूडेंट्स, मुझे बहुत मजे आए हैं। 3.5 घंटे की क्लास जरूर हो गई है, पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक एक शब्द आई होप मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है आपको, और मैं पूरा आपके साथ नीट तक बनी रहूंगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करिए स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखिए कि यही मेहनत करने का समय है, मैं बेचारा मैं बेचारी नहीं करना है। हर स्टूडेंट 19 लाख में से जो सिलेक्ट हो रहा है वो इस समय मेहनत कर रहा है। आखिरी के समय में डीमोटिवेट मत होइए, आखिरी के समय में जंग मत छोड़ो, आखिरी तक लड़ना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। हम आपके साथ हैं, पूरी PWE2 की टीम आपके साथ है। बस आप रेगुलर पढ़िए, कल तक इसको लर्न भी करना ही अपना टारगेट है। ऑल माई लव टू यू, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू। एक बार जोर से नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय, एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट। लव यू ऑल।